Now moving towards the third part of the accounting standard, and this is the most important part, is your accounting for instruments. कि एक बार आपने क्लासिफाई कर दिया इंस्ट्रूमेंट्स को इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, वंस द क्लासिफिकेशन इज डन कि वेदर द इंस्ट्रूमेंट शुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एएमसी और एफएओसीआई या एफईटीपीएल, नाउ एक बार आपने वो क्लासिफिकेशन कर दिया उसके बाद उसका अकाउंटिंग अकाउंटिंग अंडर द हेड ऑफ एएमसी अंडर एफईओसीआई अंडर एफपीटीपीएल कैसे करेंगे, दैट इज द मेन पार्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो हाउ मेनी कैटेगरीज डिड यू हैव? आपके पास सबसे पहला कैटेगरी था से अमोर्टाइज कॉस्ट, then you had category of FVOCI and then you had category of FVTPL, correct? Now AMC may tell me what kind of things got covered. Generally bonds jo bhi aap handle till maturity, the bonds which you hold till the maturity, that all bonds were covered in the AMC category, correct? FVOCI mein category mein kya covered hota tha? Here again there were bonds or debts which were intended to be sold before the maturity. वो सब इंस्ट्रूमेंट आपके कहां पे कवर होते थे? एफईओसीआई में बिफोर मैच्योरिटी. एंड एफईटीपीएल क्या था? दैट वाज जस्ट योर रेसिडुअल कैटेगरी. इफ यू रिमेंबर यू हैड वन मोर कैटेगरी, दैट इज एफईओसीआई व्हिच वाज ओनली फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिनके पास वन टाइम चॉइस था. तो वन टाइम चॉइस में अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे तो वहां पे आप एफईटीपीएल पे नहीं डालोगे, बट यू हैव टू टेक इट टू एफईओसीआई. सो द होल क्लासिफिकेशन कैन ऑल्सो चेंज एंड योर अकाउंटिंग विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. सो लेट्स सी एट द अकाउंटिंग. ये चार टाइप के केसेस है अपने पास. लेट्स लुक एट द अकाउंटिंग फॉर ईच एंड एवरी केस. सो नाउ लेट्स लुक एट वॉट एवर अकाउंटिंग में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इनिशियल रिकॉग्निशन. कि इनिशियली व्हाट यू डू ऑफ वेन एवर यू बाय दिस पर्टिकुलर सेट. सी इनिशियल रिकॉग्निशन में कभी भी ये असेट आपको बाय करने पड़ेंगे. जो भी बॉन्ड्स है इक्विटी यू कैनॉट सेल्फ कंस्ट्रक्ट. जैसे इन एस 16 में पीपी में वी हैड चॉइस अदर ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग असेट या बाय कर सकते थे. यहाँ पे यू डोंट यू कैनॉट बाय द असेट, यू हैव टू परचेज ओनली. सो वेन एवर यू डूइंग इनिशियल रिकॉग्निशन, वेन एवर यू आर बाइंग और वेन एवर यू आर परचेजिंग द असेट, तो क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का. सेकेंड यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट रिकॉग्निशन. कि एवरी ईयर हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल असेट. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इन केस एनी. एंड द लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट वी डू इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, सो वी हैव फोर कैटेगरीज. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इन फोर कैटेगरीज कि चारों केस में अपने को अकाउंटिंग कैसे करने का है. सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इनिशियल रिकॉग्निशन. So now tell me, your initial recognition should be at what? अगर आपको याद रहेगा कि PPE में whenever we have an any asset, normally PPE देखो we always recognize at cost, or say then you talk about any other asset, inventory. Inventory क्या करते हैं? Inventory is always recognized at cost. But biological asset is can be was it biological asset was always revalued at fair value. बायोलॉजिकल असेट कभी हम इनिशियल भी रिकॉग्नाइज करते थे वो फेयर वैल्यू पे होता था, जरूरी नहीं हमेशा कॉस्ट पे रहेगा. सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंड एस इज कि इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर ऑल द काइंड ऑफ असेट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैपन एट फेयर वैल्यू ओनली. इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट वर ऑलवेज एट कॉस्ट, बट नाउ एज पर इंड एस 109 अकाउंटिंग इज टेकन केयर बाय इंड एस 109 सेज कि आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा द इनिशियल रिकॉग्निशन विल ऑलवेज बी एट फेयर वैल्यू. इफ यू गो एक्चुअली सी अगर आपको कुछ दिया भी नहीं है, सो वॉट एवर यू गो एंड ट्रांजेक्ट मार्केट में आप जो भी ट्रांजेक्ट करके आते हो, जो आपका परचेज होता है दैट इज नथिंग बट योर फेयर वैल्यू ओनली. योर ट्रांजेक्शन प्राइस इज ऑलवेज लाइक योर फेयर वैल्यू ओनली, बट स्टिल वी राइट फेयर वैल्यू नॉट ट्रांजेक्शन प्राइस. बिकॉज कभी वॉट कैन हैपन इन केस ऑफ से ऑफ मार्केट टर्म्स, कभी आपने कुछ ऑफ मार्केट अगर ऑफ मार्केट टर्म्स में ट्रांजेक्शन किया, सो देयर योर ट्रांजेक्शन प्राइस कैन नॉट बी फेयर वैल्यू. सो वॉट आर दे सेइंग,
ऑलवेज हैव टू रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू. एंड नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन प्राइस इन नॉर्मल केस इज द फेयर वैल्यू, बिकॉज इफ यू गो इन द मार्केट एंड यू परचेज इन द नॉर्मल मार्केट टर्म्स, अगर ये प्रॉपर मार्केट टर्म्स में बाय कर रहे हो तो जो भी आप ट्रांजेक्शन प्राइस दे रहे हो दैट इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू ओनली. बट इन केस इज एन ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, सो वहां पे कोई हिडन बेनिफिट हो सकता है. सो इसलिए वी डोंट राइट ट्रांजेक्शन प्राइस, वी ऑलवेज राइट द इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू ओनली. एंड वी अज्यूम की ट्रांजेक्शन प्राइस नॉर्मली जो भी आपका ट्रांजेक्शन पे, आपने समझो यू हैव गॉन एंड बॉन्ड, यू हैव बॉट बॉन्ड फ्रॉम टाटा और रिलायंस, तो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू पे दैट इज नथिंग बट द प्राइस यू आर पेइंग ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन. एंड इफ नथिंग इज गिवन तो वो ट्रांजेक्शन प्राइस ही आपका फेयर वैल्यू हो गया. सो अर्लियर अकाउंटिंग में कॉस्ट बोलते थे, बट हियर वी आर गोइंग टू से फेयर वैल्यू. एंड यू विल ऑल्सो एड सम ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज कमीशन, आपने कुछ पे किया है. तो इन केस ऑफ एएमसी एफपीओसीआई में हमेशा ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज, दैट इज विल एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट. बट एफईटीपीएल पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहेगा दैट विल बी ऑलवेज टेकन टू पीएनएल, दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज टेकन टू पीएनएल. आर वी क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर इनिशियल रिकॉग्निशन. नाउ व्हाट अबाउट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अपन कैसे करेंगे? सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर आपके पास कोई एएमसी असेट है, लाइक फाइनेंशियल असेट इफ कैटेगराइज इनटू एएमसी स्टैंडर्ड, तो रिकॉग्निशन विल बी ऑलवेज समथिंग दैट इज नोन एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. द रिकॉग्निशन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हैपन एट सम प्राइस दैट इज नोन एज अमोर्टाइज्ड. So what is amortized cost? We'll explain. I will have the explanation later. But hamesha subsequent recognition in case of AMC category, we show the value of financial asset and on amortized cost basis. Because understand. और बाकी केस में एफई ओसीआई हो कि एफई टीपीएल, द नेम ओनली सेज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. सो समझने की बात है, यहाँ पे आपका रिकॉग्निशन विल ऑलवेज बी एट फेयर वैल्यू ओनली. So now again, this is a very major transition because in this, because accounting standard 13 used to always measure investment and cost of NRV, whichever is lower. But because wo log probably prudence and conservatism, but here they are saying keep the prudence and conservatism at side, look at actually the realistic approach. Reality, thoda realistically jao ki aap cost NRV nahi bata sakte. If there's some other fair value, you have to show it at fair value only. So here, this is a major transaction from earlier accounting standard to Ind AS. See, amortize jo AMC wala hai, aap bond maturity tak hold karne wale ho. There doesn't make sense to hold it, to show it at fair value because aapka kabhi intention hai nahi bechne ka. Then why you want to say, show it at fair value? Isliye, anytime AMC will always be shown at amortized cost only, but other FVOCI, FVTPL will always be shown at fair value. Next, unrealized gain or loss. So amortized case mein toh possible nahi because aap fair value pe bata nahi rahe, so there cannot be any unrealized gain or loss. But in case of FVOCI and FVTPL, yes, jo bhi unrealized gain or loss hoga, wo apne ko account karna padega. We will write yes. What will be the entry? Agar investment ka value badh gaya, so you will say investment account debit to fair value gain. Even in both all the categories, आपका सेम ही आएगा फेयर वैल्यू गेन. यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन. द ओनली डिफरेंस विल बी इन केस इट्स इन अंडर एफई ओसीआई, तो ये फेयर वैल्यू गेन आप ओसीआई में लेके जाओगे. एंड यहाँ पे इन केस ऑफ एफई टीपीएल यू विल टेक द गेन टू पीएनएल. बट द ओनली थिंग ओवर हियर इज कि आपका जो भी ये एक्चुअली गेन है आपका, अमोर्टाइज कॉस्ट में आपका गेन कभी नहीं आ सकता बिकॉज आप फेयर वैल्यू में मेजर ही नहीं कर रहे हो, आप कॉस्ट पे रख रहे हो. कॉस्ट पे रख रहे हो तो अनरियलाइज गेन होगा कैसे? बट बाकी केसेस में बिकॉज यू वांट टू मेजर इट एट फेयर वैल्यू, द गेन जो भी फेयर वैल्यू का गेन रहेगा विल ऑलवेज गो इन ओसीआई. अगर एफईटीपीएल होगा तो वो आपका पीएनएल में जाएगा. एंड द लास्ट कैटेगरी वी डिस्कस्ड अबाउट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. व्हाट हैपेंड, व्हाट अबाउट डिविडेंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट? एएमसी मेथड में जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा दैट विल हैव टू गो टू पीएनएल ओनली. But which interest? Always the effective interest will go in PNL. Always the effective interest will go in PNL and not the coupon rate. What is effective interest? What is coupon rate? We'll discuss it later. But jabhi bhi aap AMC method follow kar rahe ho, the amount that will go into your PNL as interest will always be the effective interest and not the coupon rate. And for the other categories, dividend and interest, they will also be taken to PNL only. Someone will say, sir, but ये तो अपन FVOCI, FVTPL करे,
अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपका एक्चुअल कैश फ्लो है, अनरियलाइज गेन अनरियलाइज वो आपको फेयर वैल्यू के थ्रू बताना है ओसीआई में या, बट इन दिस केस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो है एंड सी द हेडिंग, हेडिंग इज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इंटरेस्ट डिविडेंड तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो, वो अनरियलाइज गेन या लॉस नहीं है, सो विल नॉट टेक इट थ्रू ओसीआई बट विल टेक इट टू पीएनएल, और यहाँ पे तो आपका एक्चुअल कूपन रेट जो होगा वो आएगा एंड नॉट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. First, let's look at the accounting part and ek ek karke we'll take the concept and how are we going to do it. Okay? Now, if you actually go to see, if you see the accounting, ये आपका accounting treatment खत्म हो गया, बस ये आपको चार चीजें, ये पूरा table आपके दिमाग में imprint होना चाहिए कि what is the accounting treatment. Once this is done, now just look at the accounting of this particular FVOCI and FVOCI equity वाला. ये दोनों same है. Even this is same. Even this is same and even this is same. If you see everything is same, then why do we separate the treatment? It is because the OCI भी आपके पास दो type की होती है. दो type का OCI मतलब क्या? One is reclassifiable OCI. One is reclassifiable OCI and other one is non-reclassifiable OCI. What is the difference in reclassifiable OCI and non-reclassifiable? See, reclassifiable OCI में क्या होता है? Whenever you sell this particular investment, आपने जो भी bond debt या जो भी खरीदा है, whenever you sell it, तो आपके रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा रहेगा, because जो भी gain हुआ है आपने record किया है in OCI, तो ये fair value gain के अंदर जो भी पैसा पड़ा रहेगा, अगर आपने investment बेच दिया तो ये रिजर्व भी आपको books में से निकालना पड़ेगा. So what we'll do, जो रिजर्व में आपके क्रेडिट पड़ा है, we will say debit fair value OCI वाले से अपन डेबिट करेंगे. क्रेडिट किसको करेंगे? हियर वी आर गोइंग टू क्रेडिट. इन केस इट इज अ पार्ट ऑफ अ रीक्लासिफाइबल OCI, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी टेकन टू पीएनएल. इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो व्हाट इज रीक्लासिफाइबल OCI? कि हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो जो भी आपका गेन या जो भी लॉस होगा, जो आपका OCI में पड़ा था, यू विल रीसाइकल बैक. रीसाइकल मतलब यू टेक इट टू द पीएनएल, शो इट इन योर पैट दैट यू हैव बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव गेन और लॉस समथिंग, तो आपको इसको बोलते हैं रीक्लासिफाइबल OCI. नॉन रीक्लासिफाइबल OCI मतलब क्या? इरिस्पेक्टिव वो जो भी इवेंट हुआ, आपने बेच दिया है, कुछ भी हो गया, जो भी बैलेंस रहेगा that will never be taken to PNL, but jo bhi balance hoga you'll have to take it to the retained earnings. So you will say fair value jo bhi aapka OCI ka tha and you will take it to retained earnings, you cannot take it to PNL. So this is the difference. So here what we say ki jo bhi aapka FE OCI hai normal wala, this is always a part of reclassifiable OCI and this is your non reclassifiable OCI. Logic, I'll explain to you. Let's take an example. Chalo. Suppose you have purchased a bond. Say you have purchased a bond of 100 rupees as on in the mid-year. And 31st March ko ye bond ka fair value ho gaya 120. So we'll look at both the categories. Agar FVOCI debt ke andar hota and agar FVOCI equity ke andar hota. So what will the general entry? General entry kya rahega? आपका बॉन्ड आपने बाय कर दिया था, सोचो बॉन्ड का एंट्री आपने ऑलरेडी कर दिया होगा. नाउ यू आर ऑन 31st मार्च, तो आप फेयर वैल्यू का एंट्री पास करोगे. 100 का बॉन्ड था, दोनों में फेयर वैल्यू आपने रिकॉग्नाइज किया होगा 100 पे. नाउ द वैल्यूज बिकम टू 120, सो यू विल से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट दैट इज 20 रुपीज टू फेयर वैल्यू रिजर्व एंड दैट विल बी टेकन टू योर OCI. OCI में आपको इसको लेके जाना पड़ेगा, करेक्ट? Because it's a part of reclassifiable OCI. FVOCI में क्या बोलेंगे? In case of equity, again same generator रहेगा. Investment account debit 20 to fair value reserve again. And because it is FVOCI, तो अपने को fair value को जो भी gain रहेगा, वो OCI में ही अपना जाएगा. Now suppose next day you sell the bond at 120 rupees. For example, so what entry you will pass? You will say bank account debit. आपको 120 आया एंड टू इन्वेस्टमेंट 120. सेम एंट्री इधर भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 120, करेक्ट? देयर विल बी नो गेन और लॉस. आप नहीं बोल सकते कि आपने गेन और लॉस किया, बिकॉज एक दिन पहले ही आपने रिवैल्यू किया था, तो आपके बुक्स में जो गेन था आपने ऑलरेडी OCI के थ्रू रिकॉग्नाइज कर दिया है. सो बार-बार अभी आपका वैल्यू बुक्स में वैल्यू 120 आपने 120 में बेचा, तो नाउ देयर विल बी नो गेन और लॉस बिकॉज वन डे बैक ओनली यू वैल्यूड समथिंग, तो देयर विल बी नो गेन एंड लॉस एट द स्टेज व्हेन यू आर गोइंग टू सेल. नाउ व्हाट अबाउट द फेयर वैल्यू रिजर्व? अभी आपने ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो ये तो बैलेंस अभी तक पड़ा ही आपके बुक्स के अंदर,
So now we, this is the most important that in case it's a part of reclassifiable OCI, मतलब जो FVOCI OCI आप debt के through बता रहे हो, so we will say fair value reserve OCI और ये जो भी balance होगा, we are going to take it to PNL because it is a reclassifiable OCI, it can go in PNL. But in case of FVOCI OCI equity होता, so we would have taken fair value reserve to retained earnings. We cannot take it back to PNL. Why? Because चलो इसका logic समझते हैं. Why are we doing this? Because जब आपने FVOCI आपने classify किया था, you had one time option. They were letting you to go through the PNL. अभी भी आपने equity shares खरीदा था, fair value gain हो loss होगा. They were always allowing you to go through the PNL. You wanted not to hit the PAT. आपने बोला कि नहीं भाई मेरा PAT affect होगा, let me classify under equity only. So now because just because आपको gain हो रहा है, आप बोलते हो नहीं मुझे ये gain PNL में लेके जाना है, तो नहीं, not allowed. Once you have taken the choice that you don't want to let your PAT hit, तो अभी जब ये reserve भी होगा, you cannot take it to your PNL. आप PNL में नहीं लेके जा सकते, आपको उसको रिटेन अर्निंग्स में ही लेके जाना पड़ेगा. सो वॉट एवर इज द गेन और वॉट एवर इज द लॉस दैट इज अक्यूमुलेटेड इन फॉरेन वैल्यू रिजर्व कैन नेवर बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ PNL. कभी भी आप उसको PNL में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे. ऑन सेल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट बैलेंस विल ऑलवेज बी टेकन टू रिटेन. But actually, if you look at FVOCI debt instrument, वहाँ पे तो you never had an option. कभी भी आपका fair value gain होता था, वो हमेशा OCI में जाता था, because you were always under the banner of FVOCI. कभी भी you never had an option in case of debt instrument कि आपको gain PNL में भी बताना होता था. You could have never shown because कभी आपके पास option दिया ही नहीं था. FVO जब इक्विटी केस में आपको ऑप्शन दिया था, अगर आप PNL में बताते तो अभी भी आपका जो भी बैलेंस होता था, जो भी सी अगर आप ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर आप पीएनएल में लेके जाते हो, जो भी आपका बैलेंस होता है वो आप गॉन टू पीएनएल. बट यू चोज द ऑप्शन टू शो इट इन ओसीआई, तो अभी आपका सब ओसीआई में रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते. बट अगर आप एफआई ओसीआई में देखो, देयर यू नेवर हैड द चॉइस, यू ऑलवेज हैड टू गो थ्रू द ओसीआई ओनली. सो हियर बिकॉज देयर वाज नो अल्टरनेटिव गिवन टू यू दैट टाइम, सो नाउ इफ यू वांट टू टेक इट टू पीएनएल बिकॉज यू वुड वांट कि लोगों को गेन मालूम पड़े कि लॉस मालूम पड़े, सो नाउ सिंस यू नेवर हैड द चॉइस, सो नाउ यू कैन रीक्लासिफाई आपका जो भी ओसीआई था, अभी आप उसको खुशी खुशी पीएनएल में लेके जा सकते हो. बिकॉज अर्लियर द क्लास अर्लियर यू नॉट इन FVOCI डेट इंस्ट्रूमेंट, यू नेवर हैड द चॉइस टू टेक इट टू पीएनएल. बट FVTPL इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपके पास चॉइस था, आपको पीएनएल के पास, बट आपने बोला नो दैट इज नॉट माय कोर एक्टिविटी, यू वांटेड टू शो इट इन ओसीआई, तो भी लेके जाओ ओसीआई. सो दे विल नेवर लेट यू अलाउ यू टू टेक इट टू पीएनएल बैक. वंस आपको चॉइस दिया था, आपने लिया नहीं, सो नाउ यू कैन नॉट से दैट आई वांट टू टेक इट टू पीएनएल. इसलिए इसको बोलते हैं दैट दिस इज नथिंग बट अ नॉन reclassifiable OCI. कि आप उसको फिर से classify, reclassify मतलब PNL में नहीं लेके जा सकते, but this is nothing but your reclassifiable OCI, that because you did not get a chance to go to PNL, now you will get a, जब आपने asset बेच दिया है, जो भी fair value का है, now you are खुशी खुशी आप उसको PNL में लेके जा सकते हो, because earlier you did not have a choice. Are we clear? So on sale of this investment, जो भी आपका balance accumulate होता है fair value में, that has to be transferred to the statement of PNL in case of reclassifiable OCI, and in case of non-reclassifiable OCI, वो हमेशा retain earnings में ही जाएगा. So the only difference between FVOCI and FVOCI equity में, that everything is same, बस खाली जो unrealized gain loss है, in case of FVOCI debt में, it will always be taken to PNL, but in case of FVOCI equity, it will always be taken to retained earnings. Rest everything is same, बाकी में पूरा accounting same है, but यहाँ पे because आपने option ले लिया था कि आपको PNL नहीं चाहिए, तो now you won't get the PNL का thing back again. Are we clear? Now next thing I want to start with is let's look at few illustration on this. एक काम करते हैं, वन थिंग अपन ने डिसाइड किया, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट इनिशियल रिकग्निशन विल ऑलवेज बी एडेड टू फाइनेंशियल असेट एक्सेप्ट FVTPL. खाली FVTPL में आपको उसको डायरेक्टली PNL में लेके जाना पड़ेगा, पर बाकी केस में आपको हमेशा उसको कॉस्ट में एड करना पड़ेगा. वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड इट वी आर गोइंग टू डू, बट लेट्स डू एन इलस्ट्रेशन फर्स्ट ऑन दिस. कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 27. A company invested in equity shares of another entity in 15 March for 20,000. अगर equity shares में invest किया, मतलब this will directly go to your FVTPL.
Transaction cost 400, not included in rupees 20,000. Fair value on the balance sheet date is, or balance sheet date 31st March is 24,000. Pass the necessary journal entries when the financial asset is accounted as FVTPL. यहाँ पे अगर equity है तो आपको पता है कि FVTPL पे ही आपको record करना पड़ेगा. So what are we going to do over here? अपना first क्या journal entry रहेगा? That first जब आपने buy किया है, you are not going to capitalize it. So you will say in this case you are going to say investment account debit, investment in say equity, that is a financial asset. जो भी transaction cost होगा उसको अपन cost में add नहीं करेंगे, we'll take it to PNL. तो investment का लिए आपका 20,000 का ही दिखेगा, transaction cost आपका PNL में जाएगा, that is 400, and you will say to bank, that is 20,400, correct? Here we are kind, so here actually आप देखोगे we are kind of understating the cost. आपका cost of investment 20,400, फिर भी अपन ने cost खाली 20,000 बताया और transaction cost PNL में लेके गए. फिर 31st March को what will happen? Revaluation होगा. तो revaluation में what will happen? You will say investment account debit. अभी आज investment की value कितना? 31st March को 24,000 है. So from 20,000 the investment has gone up to 24,000. So you will say investment account debit 4,000. To fair value gain, and this will be taken to PNL because ये FVTPL है, तो 4,000 का पूरा gain आपका PNL में जाएगा. So tell me how will your PNL look over here now? आपका PNL कैसा दिखेगा? आप बोलेंगे transaction cost पहला आपका ये PNL में गया था 400, and जो भी आपका fair value gain था वो भी आपका PNL में गया, that is 4,000. So can I say the net impact over here is nothing but 3,600 only? कहने से नेट इंपैक्ट आपका 3600 हुआ. और नेक्स्ट दिन जाके समझो आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो क्या एंट्री पास करोगे? यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट 24,000. अगेन आप रिवैल्यूएशन नहीं करोगे बिकॉज़ वन डे पहले ही आपने रिवैल्यू किया है टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज 24,000, करेक्ट? नाउ दिस इज नॉर्मल केस ऑफ एफवीटीपीएल. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द लॉजिक कि सर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, व्हाई आर वी नॉट कैपिटलाइजिंग इट और बाकी सब में अपन कॉस्ट में ऐड करते हैं. समझो ये अगर अपन FVOCI में करते, ठीक है? We have seen through FVTPL, understand, let's assume कि the classification is under FVOCI. अपन FVOCI में क्या करते? We would have recognized the investment, we would have recognized the investment, and that if we are under FVOCI, अपन क्या करते? अपन ये पूरा का पूरा capitalize कर देते. तो अपन बोलते my investment is not 20,000, but I would have said my investment is 20,400. And I would have directly paid 20,400. तो इधर देखो, इधर actually अपन cost बराबर restate कर रहे हैं. इधर के comparison में ये FVTP का comparison देखो, यहाँ पे actually we were understating the cost. यहाँ पे actually अपन proper cost बना रहे हैं कि हाँ, that is you are actually paid 20,000 plus 400 भी आपने extra pay किया है, that is 20,400. और बाद में जब अगर समझो fair valuation होता 31st March को, आप क्या entry pass करते हैं? Your investment का value is 24,000. तो आप what you would have said कि 20,400 से investment का value बढ़ गया 24,000. तो 3,600 का gain है. So you can say investment account debit 3,600 to fair value gain, and ये पूरा का पूरा आपका gain जाएगा OCI में 3,600. So here देखो, अगर अभी अगर आप PNL बनाने बैठते, if you would have made the PNL, you would have directly shown fair value gain of 3,600. So see, इंपैक्ट दोनों के केस में आपका सेम ही होने वाला है. इंपैक्ट आपका सेम आ रहा है, 3600 का भी इंपैक्ट एफवीटीपीएल में आ रहा है. अगर आप एफवीओसीआई की तरह करते तो भी 3600 ही आ रहा है. सपोज यू वुड हैव टेकन दैट वन टाइम का इरिवोकेबल ऑप्शन, तो आप उसको एफवीओसीआई की तरह बताते तो भी आपका इंपैक्ट उतना ही आने वाला था. नाउ प्रॉब्लम क्या है कि सपोज इफ दे टेल यू कि चलो एक काम करो, एफवीओसीआई में ऑल्सो यू शो द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन पीएनएल ओनली, ठीक है? Let's take a case, that is not the case, but let's take an assumption, hypothetical situation, कि they are telling you, you please don't capitalize it, आपका जो भी transaction cost होता है FVOCI category में, वो भी आप PNL में लेके जाओ. तो what you would say, कि ठीक है, अभी FVOCI में अपने को capitalize नहीं करना है, तो अपन क्या करते हैं? Investment account debit, that is 20,000, you would have said transaction cost, I'll take it to PNL, I would not capitalize it, और अपन बोलेंगे to bank 20,400. तो नाउ इफ यू हैव टू, और बाद में आप रीस्टेटमेंट भी करते, समझो 31st मार्च को आप आ जाते, 31st मार्च को असेट का वैल्यू 24,000 था, तो व्हाट यू वुड हैव सेड? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, दैट वुड हैव गॉन टू ओसीआई, करेक्ट?
वो कितना जाता है आपका फेयर वैल्यू 4000, फ्रॉम 20000 आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 24000 हो गया, 4000. नाउ इफ आई हैव टू मेक द चार्ट, तो मैं क्या करता, पीएनएल मेरा कैसा दिखता, पीएनएल में अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 400 वुड हैव सीन एंड माय ओसीआई में द ट्रांजेक्शन द गेन वुड हैव सीन एट 4000. अभी देखो ये दोनों कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं होता है, दिस डज नॉट गेट नलिफाइड इन ईच अदर. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन वी डू नॉट कैपिटलाइज और वी कैपिटलाइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन एफसीओसीआई, कि अगर अपन ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएनएल में लेके जाएंगे सो दैट वोंट गेट नलिफाइड, वो कभी भी इधर से इधर नलिफाई नहीं होगा एंड यू विल एंड अप रिजल्टिंग शोइंग हायर गेन. आइडियली आपका गेन कितना था, एक्चुअली 3600 का था, तो पहले क्यों आ रहा था, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज कर रहे थे. तो जब ये डायरेक्टली कंपेयर होता था 24000 से तो आपका गेन प्रॉपर रिकॉर्ड होता था. हियर व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर नॉट कैपिटलाइजिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये आपका 4000 इधर जा रहा था, 4000 ओसीआई का इनकम इधर आ रहा था, ये कभी आपस में नलिफाई नहीं होता. व्हाट वाज हैपनिंग दैट यू आर शोइंग एक्सेस गेन. एक्सेस गेन क्यों दिख रहा था, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नलिफाई नहीं हो रहा था. इन एफटीपीएल समझो, अगर आप FVTPL में कैपिटलाइज भी करते हैं, अपन FVTPL में कैपिटलाइज नहीं करते, वी टेक इट टू पीएनएल, सपोज यू हैव कैपिटलाइज इन FVTPL, तो आप क्या बोलते, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20400 टू बैंक 20400 एंड यू वुड हैव शोन की इन्वेस्टमेंट वापस फेयर वैल्यूएशन में आप बताते इन्वेस्टमेंट 3600 टू फेयर वैल्यू गेन 3600. देखो इधर फिर भी नेट गेन 3600 ही आ रहा है. So this is not some magic. Either understand what is happening. In FVTPL में ना आपका transaction cost भी PNL में जा रहा है और जो fair value gain loss है वो भी PNL में जा रहा है, इसलिए आपस में nullify हो रहा है. See what is happening? कि in FVTPL you might say that you are understating the cost, but आप समझो अगर आप आज cost understate कर रहे हो, कल आगे जब आप fair valuation करोगे ना, तब अपने आप जो भी अपने अंडर कॉस्ट किया होगा वो अपने आप नलिफाई होने वाला है, कि यू हैव अंडरस्टेटेड कॉस्ट बाय 400. तो जब आप फेयर वैल्यू का मेजरमेंट करोगे, दैट फेयर वैल्यू जो भी आपका एक्सेस आएगा दैट विल गेट नलिफाइड. बट एफसीओसीआई में क्या हो रहा था, यू आर प्रॉपरली मेजरिंग योर कॉस्ट, इधर आप अंडर कॉस्ट नहीं कर रहे हो, तो जब फेयर वैल्यू के टाइम पे जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज एक्चुअली योर फेयर वैल्यू गेन. एफटीपीएल में एक ही प्रॉब्लम हो रहा था कि Yours, you are understating your cost over here. But आपका fair value जब आप measure करने जाओगे तो वो ज्यादा ही आएगा. इधर आपने अगर understate किया, इधर आपने 400 से कम बताया, तो जब आप measure करने जाओगे तब इधर 400 instead of 3600 आपका 4000 आया. तो इधर problem नहीं है, जो भी आपने under cost किया है वो in the form of excess gain आ गया. Whatever amount you have under cost, आपने जो भी FVTPL में जो भी आपने understate किया है cost, वो that is taken care by excess gain. And because both are sitting in the PNL only, तो वो difference already आपका factor in हो जाएगा. But in FVOCI में क्या हो रहा है? One thing is going into your profit and loss account. आपका जो transaction cost जा रहा है, वो profit and loss में जा रहा है. जो gain जा रहा है, that is actually going in your OCI. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन सच केस ये दोनों आपस में कभी नलिफाई नहीं हो रहे, एक आपका पीएनएल में जा रहा है, एक आपका इधर जा रहा है, तो वो आपस में नलिफाई नहीं हो रहे. इसके से क्या हो रहा है, जो गेन 3600 का दिखना चाहिए था वो एक्चुअली दिख रहा है 4000 का. इसलिए अपन क्या बोलते हैं, आप पहले ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दो. अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो अभी जो डिफरेंस होगा 3600 दैट इज द एक्चुअल रियल गेन, बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग इट एट कॉस्ट और ये आपका एक्चुअल फेयर वैल्यू है, तो जो गेन मिला दैट इज द प्रॉपर गेन. इधर क्या हो रहा था, एफटीपीएल में यू आर अंडरस्टेटिंग योर कॉस्ट, बट आपने जो अंडरस्टेट किया वो एक्सेस गेन के फॉर्म में आगे जाके नलिफाई हो जाएगा, तो 3600 का इंपैक्ट आएगा. सो आर वी क्लियर? सो इन एफटीपीएल यू ऑलवेज शो द असेट एट कॉस्ट ओनली, बिकॉज आप क्या बोलेंगे कि ठीक है अभी आपने इतने इक्विटी शेयर किए, तो आपने क्या बोला, लेट्स टेक ऑल द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. क्या फर्क पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है सब ले लो, सब पीएनएल में ले लो, जितना कॉस्ट अंडरस्टेट करना है कर लो, बाद में जब फेयर वैल्यूएशन होगा तब एक्सेस गेन आएगा और आपस में वो नलिफाई होने वाला है. बिकॉज नाउ यू बाय इक्विटी शेयर, ब्रोकरेज फॉर्म लोग इतना लोग लेते रहते हैं, जस्ट सो मेनी स्मॉल स्मॉल ब्रोकरेज, सो मेनी स्मॉल एक्सपेंस एट पीएनएल, कि वी डू नॉट कीप टेकिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट कॉस्ट. तो अपन क्या करते हैं, हमेशा पीएनएल में हमेशा जो भी आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है वी ऑलवेज शो इट एट अंडर कॉस्ट ओनली. तो अंडर कॉस्ट आपने बताया, पर अंडर कॉस्ट क्या होगा, अगर आपने इधर आपको बताना चाहिए था 20400, आपने अंडर कॉस्ट बताया, तो जब आप फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको गेन भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इंस्टेड ऑफ 3600 गेन आपको 4000 का मिलेगा. सो योर एक्सेस अंडरस्टेटेड कॉस्ट विल बी नलिफाइड बाय एक्सेस गेन, तो आपका रियल इंपैक्ट कभी भी उतना ही आने वाला है. आर वी क्लियर ओवर हियर? सो अल्टीमेटली व्हेन यू कैलकुलेट द डिफरेंस, तो व्हाई आर वी डूइंग अगेन,
एफईटीपीएल में क्या होता है, आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट और आपका फेयर वैल्यू दोनों पीएल में जाके बैठते हैं, बट एफईओसीआई में योर फेयर वैल्यू गोज समवेयर, ट्रांजेक्शन कॉस्ट गोज समवेयर, इसलिए बोलते हैं आप सब ऐड कर दो एंड देन डायरेक्टली कंपेयर इट विद द फेयर वैल्यू इन केस ऑफ एफईओसीआई. आर वी क्लियर? सो दिस इज द होल लॉजिक, व्हाई आर वी एडिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सो नाउ वी हैव डन विद ऑल द लॉजिक ओवर हियर, वी हैव आई मेड यू एक्सप्लेन व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाई फेयर वैल्यू पे करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इधर क्यों ऐड होता है, क्यों पीएनएल में होता है. वी हैव स्पोक अबाउट सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, वी ऑल्सो स्पोक अबाउट डीक्लासिफाइबल ओसीआई एंड डिविडेंड का भी अपने बात की है, बट नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन थिंग, दैट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. नाउ व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ. एक चीज हमेशा इन जनरल इन डेज 109 ऑलवेज प्रिज्यूम कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फेयर वैल्यू इज ऑलवेज डिटरमाइंड. कहीं ना कहीं से आप फेयर वैल्यू हमेशा डिटरमाइन कर सकते हो, बट इन केसेस इन अ रेयर केस कभी अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा है देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन आपको उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड नोट्स में आपको रीजन देना पड़ेगा कि why are you showing at cost because of the reason, jo bhi reason hai, you have to tell them. So in Ind AS 109 is very clear, everything should be at fair value only, but agar fair value not determinable hai, in that case we'll have to take the cost and notes mein aapko disclosure dena padega ki you are doing it at per cost basis. Are we clear? We have one more illustration on the fair value. Let's look at it fatafat. Illustration number 28. A company invested in equity shares of another entity on 15 March for rupees 50,000. Transaction cost is 1,000, not included in 50,000. Fair value on balance sheet is 60,000, past the necessary general entries when financial asset is accounted as per FVOCI. अगर FVOCI होगा तो अपने को समझ में आएगा कि transaction जो भी आपका transaction cost होगा that will always be taken. अपन fair value plus transaction cost that will be recognized. तो in this particular case what are we going to do? So since it is an investment under OCI, तो अपन जो भी आपका transaction cost होगा उसको अपन capitalize करेंगे. So what are we going to pass entry? Investment account debit. Instead of 50,000, we'll also add 1,000 का transaction cost. That will be 51,000. जो भी transaction cost होगा वो capitalize होगा. PNL में नहीं जाएगा because we are doing FVOCI. To bank, you will say 51,000. And fair value as on the balance sheet date is given 60,000. So you will pass another entry. Investment account debit to फेयर वैल्यू गेन एंड सिंस इट इज एन एफईओसीआई तो आप उसको ओसीआई में ही लेके जाओगे, दैट विल बी 9,000. करेक्ट, 51 का 60,000 हो गया. एंड इन से नेक्स्ट डे यू हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो तो आप क्या जनरल एंट्री पास करोगे, यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. आपने जो पूरा का पूरा बेच दिया अभी वापस गेन नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी एक दिन पहले आपने फेयर वैल्यू पर निकाला है. एंड अभी सिंस यू आर सेलिंग तो ये जो भी आपका फेयर वैल्यू का रिजर्व है दिस विल बी टेकन टू हियर यू हैव बॉट इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स का जो भी ओसीआई होता है दैट इज अ नॉन रिक्लासिफाइबल ओसीआई. तो जो भी आपका फेयर वैल्यू रिजर्व होगा दैट विल बी टेकन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज अ नॉन रिक्लासिफाइबल ओसीआई ऑफ 9,000 रुपीज. समझो ये केस में ये बॉन्ड्स होता, अगर ये बॉन्ड होता इन केस तो अपन क्या करते, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू रिटेन अर्निंग्स वी वुड हैव टेकन इट टू पीएनएल. आर वी क्लियर? दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफवीओसीआई अगर आपका इक्विटी है या आपका अगर डेट इंस्ट्रूमेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग दैट इज नोन एज अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की अकाउंटिंग कैसे करने का. अगर अमोर्टाइज कॉस्ट में नॉर्मल तो अपन फेयर वैल्यू करते हैं कि वॉट एवर इज द फेयर वैल्यू द सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट डेट वो अपन ले लेते हैं, बट वॉट अबाउट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. वी लर्न ओवर यूर समथिंग दैट द सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी समथिंग दैट इज नोन एज अमोर्टाइज कॉस्ट. ये अपना क्लास बाकी था एंड विथ दिस वी विल ऑल्सो कवर योर इफेक्टिव इंटरेस्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज द होल अकाउंटिंग फॉर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. Accounting for amortized cost. So this method you can only apply when the assets are measured using AMC principle. अगर FVOCI है, FVTPL पे you cannot apply this particular method. This accounting method will only possible if you are accounting as per AMC. So what is the whole logic? AMC category में कौन से होते हैं? Fixed assets which are intended to hold till maturity. आप कोई भी fixed asset अगर maturity तक hold करने, fixed asset sorry, financial asset. If any kind of financial asset you are intending to hold till maturity, then standard क्या बोलते हैं? Then you should record the income which is based on the real rate. Based on the real rate of return. Real rate of return मतलब क्या? Which रियल रेट मतलब अपन बोलने वाले EIR, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो व्हाट इज योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. इफेक्टिव इंटरेस्ट ऐसा रेट होगा विच विल एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल, एक्सपेक्ट टू अर्न
based on contractual cash flows. So what is AMC method? It is saying that आप जो PNL में interest income record करोगे वो financial assets से, it should be based on the real rate of return. Real rate मतलब क्या हो गया? Real rate we are talking about your effective interest rate. What is effective interest rate? That is which is expected to be earned over the contractual cash flow. जो भी आप expect करते हो, जो भी आपके cash flows based on the contractual cash flows पूरे बॉन्ड के अंदर द रियल रेट जो उसके हिसाब से आपका रियल रेट आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वॉट इज EIR? EIR मतलब अपन बोल देंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टमेंट विल गिव इफ यू होल्ड अ बॉन्ड टिल मैच्योरिटी. कूपन रेट दिया रहता है, कूपन रेट कैन बी EIR बट दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. EIR आपका रियल रेट होता है कि एक्चुअली आपने अगर बॉन्ड आज खरीदा एंड यू होल्ड टिल मैच्योरिटी देन वॉट इज द एग्जैक्ट थिंग, वॉट इज द रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज नथिंग बट योर EIR. In exam, EIR will be given into the question. आपको calculate करने की जरूरत नहीं है. But in case it is not given, a hypothetical case अगर in case EIR नहीं दिया है, तो we are going to calculate the EIR based on something we have already done in FM. This using IRR concept, internal rate of return. अगर आपको याद रहेगा, अपन ने FM में पढ़ा है, internal rate of return क्या होता है? It is that rate where the present value of all the cash outflow. आज आपका कैश आउटफ्लो क्या रहेगा? दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो व्हेन योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोस. कैश इनफ्लो एक बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है? प्रिंसिपल हो सकता है और इंटरेस्ट इनकम हो सकता है. तो जो भी रेट पे ये दोनों इक्वल होंगे वो अपन बोलेंगे that will be a EIR. So how are we going to calculate this? अगर question में दिया रहेगा तो ठीक है, otherwise we are going to use IRR technique. IRR technique में अपन क्या करते हैं? Trial and error method करते थे. We used to do trial and error. अपन 10% 12% हर एक rate पे देखेंगे, जहाँ पे ये दोनों अपने को similar लगेगा, that will be a EIR. And this will be always calculated on the date of purchase. जिस date पे आपने ये bond purchase किया है, वो date पे ही आपको उसको record करना पड़ेगा. So normally your EIR will always be equal to coupon rate, but both cases में EIR और coupon rate अलग भी हो सकते हैं. See coupon rate मतलब क्या? The rate that is on the bond, bond पे जो rate छपा हुआ है कि आपको अगर समझो आपको bond मिला है 10,000 का and 8% is the coupon rate. So this will be your coupon rate and EIR can be same, but both cases में क्या होता है? If you have subscribed the bond, if the bonds are subscribed at a separate price from issue price. समझो issue price था से X amount, आपने वो bond को subscribe किया because of a discount or something, आपने subscribe किया lower में, तो अगर coupon rate 8% है तो आपको कोई चीज सस्ते में मिले तो actually over the real return, what is the real return of the bond? It will be more than 8%. 10,000 का समझो fair value है bond का, आपको interest तो इस पे मिलने वाला है. आपको आपको बॉन्ड लेना चाहिए था एक्स अमाउंट में, आपने लिया समझो एट अ लोअर प्राइस, तो एक्चुअली यू आर अर्निंग मोर समथिंग मोर देन 8%. और यू कैन इवन टेक अ केस इफ द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड, इफ द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट अ प्राइस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द परचेस प्राइस. मतलब समझो आपने बॉन्ड लिया 9,000 में, अगर रिडीम भी 9,000 में आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपने 8% ही कराया. पर समझो यू हैव टेकन द बॉन्ड एट 9,000 एंड यू आर गेटिंग रिडेम्पशन के टाइम पे 10,000 मिल रहा है, मतलब यू आर अर्निंग समथिंग मोर एंड अबव द 8%. तो ये 8% को अपन कूपन रेट बोलते हैं, पर एक्चुअली आपका रियल गेन इज नॉट ओनली 8% बट इट इज समथिंग मोर बिकॉज ऑफ द कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया कि आपने 8,000 दिया पर आपको रिटर्न में 10,000 आ रहा है, तो यू आर अर्निंग समथिंग मोर देन 8%. तो वो What are we trying to calculate? We are trying to calculate the EIR. That is the real return. Coupon rate तो ठीक है, but actually मैं आपको पूछूंगा what is the real rate of return? That is something more than 8%. What is that something more? That is your EIR. Are we clear? Let's take an example. So इस केस में ये दोनों केसेस में क्या होगा पता है? आपका EIR will be different. आपका EIR और coupon rate दोनों different हो सकता है. अगर दोनों same रहेगा तो issue नहीं है, पर अगर आपका ये दोनों केसेस होगा तो your EIR and coupon rate can be different. अगर ये दोनों different हो गया तो अपने को भी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का मेथड लगाना पड़ेगा. अगर ये दोनों सेम है तो एएमसी का मेथड पॉसिबल को आपको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो भी वैल्यू रहेगा विल ऑलवेज बी द सेम. वी आर गोइंग टू डू विद द एग्जांपल तो आपको और क्लियर होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. समझो अ वेरी इजी एग्जांपल विल टेक, से यू हैव इन्वेस्टेड इन बॉन्ड, आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड का इश्यू प्राइस ही आपका है 9028, ठीक है. The fair value of the bond is 10,000.
द कूपन रेट विच इज गिवन टू यू इज 6%। इंटरेस्ट हमेशा आपका फेस वैल्यू पे रहता है, द फेस वैल्यू इज 10,000, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे रहता है, नॉट द इश्यू प्राइस। द टर्म ऑफ द बॉन्ड इज से 4 years एंड आपको EIR दिया है 9%। ठीक है, नाउ वी हैव बीन क्लियरली से कि EIR आपको 9% दिया है। अपर समझो आपको EIR नहीं भी दिया होता, स्टिल वी वुड हैव यूज द IRR टेक्निक ओनली। एंड अगर बॉन्ड का कुछ भी बोला नहीं है कि रिडेम्पशन क्या है, तो वी अज्यूम कि जितना भी फेयर वैल्यू था आपको, जितना भी फेस वैल्यू था उतना आपको रिडीम हो जाएगा। सो यर अब ये सब में अपने को समझो EIR दिया हुआ है, बट इफ EIR वाज नॉट गिवन वी कुड हैव स्टिल कैलकुलेटेड EIR। कैसे निकालते हैं अपन, बोलते व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यू विल से 9028, बिकॉज आपने इश्यू प्राइस के लिए 9028 दिया। दिस विल बी इक्वल टू, इसको अपने को करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में क्या क्या मिलने वाला है, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है और रिटर्न में प्रिंसिपल मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, यू विल से 600 एंड यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 4 years, तो आप बोलोगे 4 years के लिए। अभी अभी अपने को चलो इधर अपने को बोला है कि EIR 9%, अगर नहीं भी दिया होता तो आई वुड हैव डन ट्रायल एंड एरर मेथड, आई वुड हैव टेकन एनी रैंडम रेट। समझो वो रैंडम रेट मैंने 9% लिया होता, तो रैंडम रेट वुड बी 9%। सो देन एज पर द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू PVCI के हिसाब से, PV एन्युटी फैक्टर है, एवरी 4 years यू गोइंग टू गेट 600, तो एज पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आई वुड हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 3.2397 और प्रिंसिपल जो मुझे कुछ भी बोला नहीं, तो आई विल अस्यूम कि जितना भी फेस वैल्यू था वो पूरा का पूरा अपने को मिल जाएगा। सो यू विल से 10,000 का प्रिंसिपल, बट ये मुझे मिलेगा कब, 4 साल बाद, एज ऑन नॉट टुडे। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दैट इज अगेन आई विल टेक 9% EIR का रेट लेंगे 4 years के हिसाब से, दिस विल कम टू 0.7084। तो ये आप देखोगे दिस इज 9028 ओनली। सो नाउ आई कैन से दिस माई EIR इज 9%, बिकॉज एट द रेट ऑफ 9% जब होता है, दैट टाइम माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज एक्चुअली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो मैं बोल सकता हूँ EIR मेरा 9% है, करेक्ट। सो नाउ लेट्स पास द जर्नल एंट्रीज, वी विल से लेट्स रिकॉर्ड इट द फेयर वैल्यू। सो आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट 9028 टू बैंक, यू विल से 9028। नाउ कम्स हियर द अमोर्टाइजेशन मेथड, अपने को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू मेक एन अमोर्टाइजेशन टेबल। हाउ विल द टेबल लुक एग्जैक्टली, यू विल से यू विल स्टार्ट विद ईयर वन, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, देन यू विल से योर EIR के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए था और कूपन रेट के हिसाब से आपको कितना मिलना है एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू विल से 9028। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज योर एमोर्टाइज कॉस्ट, दिस इज नोन एज योर एमोर्टाइज कॉस्ट। सो व्हाट इज एमोर्टाइज कॉस्ट मतलब, एमोर्टाइज कॉस्ट मतलब इट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट और द लाइबिलिटी विच वी आर गोइंग टू एडजस्ट टू अचीव ERI। अगेन amortized cost is nothing but the cost of the asset or liability that we are going to adjust to achieve the effective rate of interest, because kya ho raha hai pata hai, amortized cost ka main aapko simple concept batata hu, it works on the principle of compound interest. Tell me, apan compound interest mein kya karte the, compound interest mein if you would earn interest, अगर आप वो इंटरेस्ट को रहने देते थे तो वो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता, पर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपने बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया, अगर आपने इंटरेस्ट को विड्रॉ कर दिया तो सेम अमाउंट पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। हियर वी आर गोइंग टू वर्क विद द सेम प्रिंसिपल, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी आपका ओपनिंग बैलेंस था 9028, एज पर रियल रेट ऑफ रिटर्न यू आर सपोज टू रिसीव समथिंग एट द रेट ऑफ 9%, तो आपको मिलना चाहिए था समथिंग वर्थ 812 रुपीज का, बट एज पर द कूपन आपको मिलना चाहिए था 812, बट यू वर पेड या कूपन के थ्रू आपको, आपने पैसा विड्रॉ कर दिया कितना, इसका 6% खाली, दैट इज हाउ मच आपका इसका 600 किसका रहेगा। हमेशा जो कूपन मिलता है वो आपके फेस वैल्यू पे होता है, तो कूपन रेट जो 6% में भी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा कितना 600। सो नाउ अंडरस्टैंड, आपको
9028 आपका बैलेंस था, यू आर सपोज टू रिसीव 812 बट यू गॉट ओनली 600. तो ये जो भी आपको कम मिला है डिफरेंस 212 विच द इंटरेस्ट द पीपल हैव नॉट पेड, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड एंड इस पे आपको और इंटरेस्ट मिलेगा. तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, यू विल से 9028 प्लस 212. तो नेक्स्ट टाइम आपका जो बैलेंस हो जाएगा दैट विल बी 9240. So this is known as your amortized cost method. So this is like your loan. अगर समझो आप लोन भी लेते हो, अगर इंटरेस्ट अक्रू होता है, so what do you do? अगर आपको इंटरेस्ट मिला नहीं, you add it to the loan balance, या आपको आपको लोन पे करना होता है, अक्रूड इंटरेस्ट क्या करते हैं? Even if you have not paid, if you have not paid, we keep adding to the loan value. इधर भी वही कर रहे हैं, जो पे किया वो आपने लेस कर दिया. आपने क्या किया, 9028 प्लस 812 किया कि आपके पास मिलना चाहिए था इतना, बट आपको 600 मिल गया, तो योर क्लोजिंग बैलेंस इज रिड्यूस बाय दैट मच. सो वॉट इज हैपनिंग ओवर योर, कि आपका जितना भी 9028 प्लस 812 था माइनस 6, मतलब जो 212 आपको नहीं मिला है, नेक्स्ट टाइम आपको इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस ये इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. 9028 तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, इस पे तो मिलेगा और इस पे भी मिलने वाला है. नाउ इफ यू एक्चुअली गो टू डू द सेकंड ईयर का अकाउंटिंग, चलो लेट्स डू द सेकंड ईयर अकाउंटिंग. सेकंड ईयर अकाउंटिंग अपन क्या बोलेंगे, 9240, इस पे अपने को मिलना चाहिए था 9% के हिसाब से, दैट इज 832, बट मिला किधर, खाली 6%, दैट इज 600. सो योर अगेन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट विल बी एडजस्टेड बाय 9472. लेट्स गो टू योर 3, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, यू आर सपोज टू गेट एट 9%, दैट इज 853, पर आपको मिला खाली 600, ये हो गया 9725. योर 4, 9725, यू आर सपोज टू गेट एट 875, बट आपको मिला खाली 600. तो ईयर सी आपका क्या होगा, आपका जो वैल्यू आएगा, तो आपका जो वैल्यू होगा, देखो लास्ट टाइम तक कितना हो जाएगा, 10,000 आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का. 4 साल बाद अब ये सेम का सेम अमाउंट रिडीम कर दोगे. सो व्हाट विल हैपन, जो आपने रिकॉर्ड किया था 9028, वो ग्रो होते 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 इट विल कम टू 10,000 एंड फाइनली ईयर 4 पे जब खत्म होगा, जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, दैट मींस व्हेन द डिबेंचर्स गेट मैच्योर, द पर्सन आपका उसके बुक्स में दिखेगा बैलेंस ऑफ 10,000 एंड आपको वो अमाउंट आ जाएगा. सो ईयर यू सी हाउ मच इज द टोटल इंटरेस्ट यू हैव पेड, दैट इज 3372 एंड आपका एक्चुअली इंटरेस्ट कितना था, 2400. सो यू सी देयर इज अ डिफरेंस, आपको दिखेगा द डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 972. सो यू नो व्हाट इज दिस डिफरेंस, एक्चुअली अपने पूरा अपने अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से अपने अकाउंटिंग कर दिया, बट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है, कि इंटरेस्ट आना चाहिए था 2400 पर आपका रिकॉर्ड कितना हो रहा है, 3372. तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका ईयर, इफ यू सी द इंटरेस्ट इज कमिंग टू 972. Now tell me why is this difference coming to 972? And मुझे सबसे पहले बताओ why EIR is coming different than coupon rate? Simple, देखो you have bought something at 9028, redemption के time को आपको 10,000 मिल रहा है, इधर देखो जो difference है ये आपका 972 है, मतलब you are not only earning 6% but आपको साथ साथ में capital appreciation भी मिल रहा है 972. So old accounting standard क्या करता था पता है, पूरा 972 वो year 4 में ले लेते थे, कि year 4 में बताते कि we have also earned 972, but that is wrong. In old method you would ओल्ड में क्या करते हैं, अपन हमेशा 600 ही रिकॉर्ड करते थे और डायरेक्टली जो भी गेन होता था 972 वो अपन लास्ट में रिकॉर्ड कर देते थे इन द ईयर, जो भी आपका लास्ट था ईयर 4 में. आइडियली दैट इज रॉन्ग, ये बॉन्ड ये जो भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिला दैट इज यू आर रिसीविंग ओवर द टेन्योर ऑफ द पीरियड, जो भी आपका बॉन्ड का टेन्योर है आपको उसके अराउंड मिल रहा है. सो रिकॉर्डिंग 972 डायरेक्टली एट द एंड दैट इज रॉन्ग. तो अपन क्या करें, थ्रू द टॉपिक ऑफ EIR, थ्रू द टॉपिक ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वी आर सीइंग वी आर नॉट ओनली अर्निंग 6% बिकॉज अपने को कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है, अपने को कुछ ज्यादा मिल रहा है. ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, तो अपने EIR कैलकुलेट किया, तो एक्चुअली अपना रियल रेट 9% है. तो व्हाट आर वी डूइंग, कि अपन जब जनरल एंट्री पास करेंगे वी विल से कि भले मेरे को बैंक में पैसा आया खाली ईयर वन में 600 एंड बट इंटरेस्ट इनकम दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड, इंटरेस्ट इनकम व्हिच आई विल रिकॉर्ड इट द पीएनएल, दैट विल बी एज पर माय रियल रेट ऑफ रिटर्न. रियल रेट 6% है, रियल रेट 9% है. तो 9028 पे 9% दैट विल कम टू 812. तो 812 में से जो मेरे को 600 मिल गया, बाकी जो नहीं आया है दैट इज इंक्रीजिंग माई कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड. तो मैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स को डेबिट कर दूंगा बाय 212. आर वी क्लियर? सो योर टोटल दैट इज 3372. दैट इज 3372 का ब्रेकअप क्या है, 2400 का आपका इंटरेस्ट और आपका कैपिटल अप्रिसिएशन 972. सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग
2400 equally and 972 at the end, EIR is trying to record everything properly over the years. EIR से देखो, EIR के हिसाब से जो आपको जो भी difference हो रहा है ना, 600812, 600832, ये जो भी difference is nothing but a capital appreciation जो सब जगह पे record हो रहा है. So again, now what is, now come look at the amortized cost का definition. जब अपने amortized cost का definition किया था, what is amortized cost of return? One second. Yeah, so when we started with amortized cost, what is amortized cost? Amortized cost मतलब क्या? Cost of the asset or liability which is adjusted. ये आपने adjustment किया है. इधर आपने 212 का adjustment किया है. तो जो भी ये cost of asset or liability is adjusted. Why are you adjusting? Because you want to achieve EIR. तो इसको अपन बोलते हैं amortized cost. So amortized cost का concept very easy है. Compounding interest है. आपको 812 मिलना चाहिए था, but because you got only 600, 212 still with the same company, so they will give you interest on that only. So आपका amortized cost आपने adjust कर दिया, and धीरे-धीरे ये 9028 कहाँ पे चला जाएगा? It will go to 10,000. So year 4 में the liability या आपका asset का value कितना दिखेगा? Exact 10,000 का दिखेगा, and that is when the company will redeem and pay you 10,000. So as on year 4, जब आप, so every year आप जब financial asset बताओगे, you will show at this value, and year 4 में you will show the asset at 10,000, and you are going to get the money, and the chapter and the whole story of this particular bond is done. Are we clear? So always remember, what are we doing? जब आपने ये entry मारा, bank account debit 600 to investment in bond. अपन क्या करें? We bought the bond at discounted at 9028. धीरे-धीरे जो भी आपका discount है 972 का, it is slowly being recognized. आपने क्या किया? Bond buy किया 9028 का. उसका bond का price कितना था? Slowly being कैसा है? आपको जो 9028 का बॉन्ड था, वो आपको आगे जाके 10,000 मिलने वाला है. तो ये जो थोड़ा-थोड़ा गेन हो रहा है, वो अपन रिकॉग्नाइज करें बाय द वे ऑफ ईआईआर. सो जनरल एंट्री में भी देखो, बैंक अकाउंट अपन ने बोला 600 आया, आना चाहिए था 812. जो बाकी जो नहीं आया, वो इनकम अपन रियलाइज कर रहे हैं, अपन इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऐड कर रहे धीरे-धीरे वो एक साथ में, बिकॉज़ 972 जो एक्चुअल आपको कब आने वाला है, over the fifth, fourth year, जब bond redemption होगा, तो ये आपको fourth year में मिलने वाला है, but accrue तो every year हो रहा है ना, so that is why we are starting taking it as an income, और जब तक because we are not getting, we are adding value every year, and तब जाके आपका ये 972 complete हो जाएगा, और 10,000 पे आपका investment दिखने वाला है, so this is the whole accounting behind your accounting for EIR. Now understand, अगर everything would be normal in this such a situation, से आपका इशू प्राइस भी अगर 10,000 ही होता, एंड आपका फाइनली फेयर वैल्यू भी आपका 10,000, आपका जो भी फेस वैल्यू ऑन रिडेम्पशन था, वो भी आपको 10,000 ही मिलने वाला था, तो हियर योर कूपन डेट विल ऑलवेज बी ईआईआर. क्या होता? यू वुड हैव टेकन 10,000, आप बोलते ईआईआर मेरा 6% के हिसाब से, आई शुड हैव गेटिंग 600, and as per coupon rate I am getting 600 only, so my amortized cost balance will always be 10,000. Up year 1, year 2, year 3, year 4, every year aapka balance same hi aane wala hai. So here then AMC won't be applicable. AMC kab aega? Amortized cost method, jab your fair value is at a different value. Ki agar aapka EIR aur aapka coupon rate agar dono alag hai, to hi apne ko EIR ka method use karna padega. Otherwise see, your balance will be same only. Aapka jo bhi every year आपका balance, जो भी आपका initial पे था, वो ही balance आपका every year रहने वाला है. So it will be always at like a cost only, वो fair value पे रहने वाला है. But अगर आपका coupon rate और EIR different है, in that case we have to see कि because इधर coupon rate और अपना coupon rate और because here our issue price was different and the fair value जो भी अपने को redemption में मिलने वाला था, because that was different, तो problem क्या हो रहा था? इधर अपने को capital appreciation भी आ रहा था. We were earning something more than 6%, but what were we earning? We were earning actually 9%. अपने EIR के थ्रू निकाला. So accounting for amortized cost method से, you should always recognize something at the real rate of return. Since your real rate of return was 9%, तो आपको interest income भी record करना पड़ेगा as per 9% and not 6%, and जो भी आपका capital appreciation होगा, वो धीरे-धीरे आप recognize करोंगे. So as we see, जो भी आपका gain था 972 का, that is recognized or amortized over the 4 years because of EIR. Unlike old years में तो पूरा का पूरा last year में लेके चले जाते थे, that is wrong. Are we clear? Now we something come to subsequent recognition. Now what do you understand by subsequent recognition? कि समझो ये case में your intentions were to hold the bond till maturity.
अभी समझो आपने ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, इसके आपको अगर फेयर वैल्यू भी दिए होते तो इट वुडेंट मैटर, बिकॉज द फैक्ट इट सिंस यू आर अंडर एएमसी कैटेगरी, मतलब यू डोंट वांट टू सेल इट. एएमसी में तभी आया होगा जब आप, योर इंटेंशन इज टू होल्ड अ बॉन्ड टिल मैच्योरिटी. सो फेयर वैल्यू कंपैरिजन इज ओनली मीनिंगफुल जब आपको बेचना है. अगर बेचना ही नहीं तो भले फेयर वैल्यू दिया भी हुआ है, वी आर क्लियरली गोइंग टू इग्नोर द सेम. आर वी क्लियर? बट अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू आर डूइंग इन एफवीओसीआई, एफवीटीपीएल, वहां पे क्या रहता है, यू कैन नॉट कैलकुलेट ईआईआर. ईआईआर पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज आपका बिजनेस मॉडल क्या है, टू कलेक्ट एंड सेल. सो यू डोंट हैव एनी क्लू कि आप आगे जाके क्या प्राइस पे बेचने वाले हो. ईआईआर इज ओनली पॉसिबल व्हेन, और आई कैन से ईआईआर इज ओनली पॉसिबल जब आपका आपका कैश फ्लो सर्टन होने वाला है. इन केस ऑफ एफपीओसीआई, व्हेन योर इंटेंशन इज टू सेल, यू डोंट नो एट व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू सेल. तो वहां पे आप ईआईआर कैलकुलेट करने की ट्राई भी करोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉन्ड. ईयर थ्री पे जो भी प्राइस होगा यू आर गोइंग टू सेल इट. बट सो ईयर, इन दैट केस ईयर, बिकॉज योर इंटेंशन इज टू सेल द बॉन्ड, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन, जो भी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन रहेगा, दैट विल बी ऑलवेज एट फेयर वैल्यू. बट इन केस ऑफ एएमसी, हमेशा आपका वैल्यूएशन भी रहेगा एट अमोर्टाइज कॉस्ट. तो यहाँ पे आपका जो भी वैल्यूएशन, बड़े फेयर वैल्यू दिया भी रहेगा वो अपन इग्नोर करेंगे, बिकॉज एएमसी के अंदर सब्सिक्वेंट बैलेंस शीट में रिकॉग्निशन विल ऑलवेज बी एट द अमोर्टाइज कॉस्ट. ये अमोर्टाइज कॉस्ट बोलते हैं. बट इन केस ऑफ एफवीओसीआई, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक ईआईआर, वी आर नॉट सर्टन ऑफ द कैश फ्लो, और अपने को बेचने का भी है. सो ईयर इट इज ओनली, एवरी ईयर क्या करेंगे, वी हैव टू सेल इट. तो इट मेक्स मच मोर लॉजिकल कि बैलेंस शीट पे जो भी फेयर वैल्यू असेट का है वो बता दो, एंड पीएनएल में क्या लेके जाओगे, एवरी ईयर जो भी आपका कूपन रेट है, जो भी आपका कूपन रेट है वो आपका पीएनएल में जाएगा. बिकॉज ईयर यू कैन नॉट कैलकुलेट ईआईआर, बिकॉज योर इन एफपीओसीआई योर कैश फ्लोस आर नॉट सर्टेन. सो ईयर, सो इन दिस केस, इन केस ऑफ एफपीओसीआई अपन बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द बॉन्ड, और अगर आपको बॉन्ड बेचना है तो आपके लिए फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दैट इज वाई एफपीओसीआई यू ऑलवेज कंपेयर विद द फेयर वैल्यू. बट अमोर्टाइज कॉस्ट में अपन देखते भी नहीं है फेयर वैल्यू क्या है, बिकॉज अपना इंटेंशन है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी. धीरे धीरे अपना वो बढ़ेगा, अपने को पैसा आ जाएगा. सो इन नाउ इफ यू लुक, इफ यू रिमेंबर द होल चार्ट अगेन, अगर आप चार्ट में जाओगे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में एएमसी में हमेशा रिकॉग्निशन इज एट अमोर्टाइज कॉस्ट, बट इन केस ऑफ एफवीओसीआई की एफवीटीपीएल बोलो, रिकॉग्निशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एट फेयर वैल्यू. सो आई गेस वी आर डन विद ऑल द कंसेप्ट, जो भी ये टेबल में पॉसिबल था अपन ने हर एक चीज डिस्कस कर दी. ऑल द कंसेप्ट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी बेसिकली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. नाउ वन थिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डिस्कस ओवर हियर, कि एक चीज समझो, वाई डू वी टेक फेयर वैल्यू इन ऑल केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट ट्रांजेक्शन प्राइस. मैं हमेशा अब जाके बोलता हूँ कि हाँ, जो ट्रांजेक्ट, मेरे जो प्राइस में ट्रांजेक्ट किया है, दैट इज नथिंग बट फेयर वैल्यू. बट प्रॉब्लम क्या होता है, आर डन ऑफ मार्केट. ऑफ मार्केट टर्म्स मतलब क्या, कि आपने गलत तरीके से, नॉट आई वोंट से गलत तरीके से, बट यू हैव टेंटेड द ट्रांजेक्शन, बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज टेंटेड, या ट्रांजेक्शन इज ऑफ मार्केट टर्म्स, मार्केट के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा. दैट इज, इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन दैट अ विलिंग बायर और अ विलिंग सेलर विल ट्रांजेक्ट. तो उस केस में क्या होगा पता है, वो जो भी आपका ट्रांजेक्शन प्राइस होगा ना, वो टेंटेड रहेगा. टेंटेड रहेगा मतलब ये एक्चुअली प्राइस आपका कोई फेयर वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज अगर वो ऑफ मार्केट है तो दिस इज नॉट द प्राइस दैट विल हैपन बिटवीन टू लाइक विलिंग सेलर एंड विलिंग बायर. तो इसको मैं ट्रांजेक्शन प्राइस पे कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज इफ आई रिकॉर्डेड एट ट्रांजेक्शन प्राइस तो कभी भी हिडन एलिमेंट होगा, मेरे को कभी दिखेगा ही नहीं. सो इसलिए वी ऑलवेज से फेयर वैल्यू ओनली. What do we say? अगर मार्केट नॉर्मल टर्म्स में है तो ट्रांजेक्शन प्राइस विल एनीवेज बी फेयर वैल्यू. बट नाउ इफ द ट्रांजेक्शन इज ऑफ मार्केट टर्म्स, तो अगर इधर मैं अगर फेयर वैल्यू ले रहा हूं तो इधर अपने को मालूम पड़ जाएगा कोई हिडन एलिमेंट है. अगर समझो मैं इधर सब जगह ट्रांजेक्शन प्राइस ही लेता, तो नाउ इफ देर वुड बी अ हिडन एलिमेंट ऑल्सो ऑफ मार्केट का, बिकॉज अगर ऑफ मार्केट में क्या होता, अगर मैंने किसी अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट रेट, फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, या मैंने अपने सिस्टर कंसर्न को कुछ भी दिया, या मैंने लैंडलॉर्ड को मैंने कम भाड़े पे दिया, तो ये सब अगर मेरे को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताना है, तो नाउ इफ आई से ट्रांजेक्शन प्राइस, तो वो गलत हो जाएगा. दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू को कुछ अलग होगा. वॉट इज फेयर वैल्यू? दैट हैपन्स बिटवीन अ नोन
टू अननोन पार्टीज, तो नॉर्मली वी अज्यूम कि अगर सब नॉर्मल मार्केट टर्म्स में है तो ट्रांजेक्शन प्राइस इज ऑलवेज फेयर वैल्यू, बट इन केस इट इज ऑफ मार्केट टर्म्स इन अ डिफरेंट सेटअप, तो उस केस में अपन ट्रांजेक्शन प्राइस को फेयर वैल्यू नहीं बोलेंगे, पर अपने को फेयर वैल्यू अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इन सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू मे हैव हिडन कंपोनेंट जो आपको कभी नहीं दिखेगा इफ यू डू नॉट कैलकुलेट वैल्यू। जब तक आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा वो हिडन एलिमेंट है कि नहीं। विल लुक एट एन एग्जाम्पल ऑल्सो, तो इट विल बिकम मोर क्लियर। So understand over here, the whole example what we discussed previously is already there. So understand, जो आपका initial transaction है, you here we are ignoring the transaction cost, अपन transaction cost को पूरी तरह ignore कर रहे हैं। So if the transaction is at market terms, अगर market terms के हिसाब से आप transaction कर रहे हो, then you can say जो भी आपका transaction price है वो fair value ही रहेगा, because अगर normal market terms में तो you go and buy the bond. If you are a normal person, you don't know any Tata Ambani का कोई आपका घर वाला नहीं है, you go and buy the bond, जो भी price वो quote करेगा, it's between the unknown parties, तो जो भी आपका transaction price होगा, that I can say कि that is the fair value, unless given, we'll always assume कि transaction is going to happen at market terms only. तो इन दैट केस जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस होगा अपन डायरेक्टली फेयर वैल्यू पकड़ेंगे, नो सेपरेट फेयर वैल्यू बिल कैलकुलेटर, जो भी आपका टीपी रहेगा उसको अपन बोल देंगे वो फेयर वैल्यू है। बट प्रॉब्लम किधर आएगा, इफ द ट्रांजेक्शन हैपेंस एट ऑफ मार्केट टर्म्स, अगर ऑफ मार्केट टर्म्स हो रहा है मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ टेंटेड होगा, तो ट्रांजेक्शन प्राइस कैन नॉट बी टेकन एज द फेयर वैल्यू। आप इसको नहीं बोल सकते कि जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है वही फेयर वैल्यू है, बिकॉज इट इज ऑफ मार्केट, यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन एलिमेंट है, कुछ ना कुछ हिडन बेनिफिट रहेगा किसी ना किसी पार्टी को। सो टू बी, सो इन दैट केस टू बी कंसिडर्ड ओनली इफ सेपरेट फेयर मार्केट की वैल्यू गिवन, समझो, बट दे ऑल्सो हैव टू गिव यू कि अगर नॉर्मल कोई दो पार्टी ट्रांजेक्शन करती तो कितना होता, दे विल हैव टू गिव यू कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है, तो ही आप बता पाओगे कि भाई कितना फेयर वैल्यू पे कितना टेंटेड है। अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं दिया पर आपको बोल दिया कि ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट ओनली कितना फेयर वैल्यू कितना ट्रांजेक्शन कितना एक्चुअली आपका टेंटेड पार्ट है। इफ दे गिव यू अ फेयर वैल्यू कि मार्केट में ये वैल्यू चल रहा है, मार्केट में समझो इंटरेस्ट लोन दे रहे हैं, मार्केट में सबको 10% में दे रहे हैं, पर आपको अगर 5% में मिला, देन यू कैन से इन दैट केस देन यू कैन से कि या इट इज हैपनिंग एट ऑफ मार्केट टर्म्स, एंड एक्चुअली आप कैलकुलेट कर पाओगे कि व्हाट इज द एक्चुअल फेयर वैल्यू ऑफ द एलिमेंट यूर गेटिंग एंड हाउ मच इज द बेनिफिट यूर पर्सिंग। 5% आप बेनिफिट दे रहे हो, जिसको भी आपको 10% में देना था आप 5% में दे रहे हो, तो यर यू कैनॉट से कि ट्रांजेक्शन इज एट मार्केट टर्म्स, ट्रांजेक्शन इज एट ऑफ मार्केट टर्म्स। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली समझो ट्रांजेक्शन प्राइस पे ले लेते हो, तो कभी भी आपको हिडन बेनिफिट मालूम ही नहीं पड़ता। सो इन सच केसेस जो भी फाइनेंशियल असेट होगा शुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड इनिशियली एट फेयर वैल्यू, एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द ट्रांजेक्शन प्राइस, बिकॉज द ट्रांजेक्शन प्राइस इज नॉट एट फेयर वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी अकाउंटेड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। फेयर वैल्यू शुड बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन इंड एस 113, वी हैव इंड एस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, जो भी फेयर वैल्यू कैलकुलेशन है दैट विल बी ऑलवेज बेस्ड एज पर इंड एस 113। सो जनरली फॉर फाइनेंशियल असेट फेयर वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, आपको फाइनेंशियल असेट से जो भी फ्यूचर कैश फ्लो आने वाले हैं यू रिकॉर्ड उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ, एंड दैट विल बी द फेयर वैल्यू टेकिंग द मार्केट रेट एज अ डिस्काउंट रेट, मार्केट में जो डिस्काउंट रेट चल रहा है, मार्केट रेट जो भी चल रहा है उस रेट को डिस्काउंट करो, एंड उससे मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द थिंग। लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो ये और अपने को और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल रादर, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफ मार्केट अरेंजमेंट। सपोज यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ बजाज आलियंस, ठीक है, आप बजाज आलियंस के एक एम्प्लॉय हो, एंड बजाज आलियंस गिव अ इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स एम्प्लॉय, आप एक एम्प्लॉय हो और बजाज आलियंस ने आपको एक एम्प्लॉय को लोन दिया विच इज इंटरेस्ट फ्री, एंड यही लोन का मार्केट में वो किसी और को देता तो ही वुड हैव मिनिमम चार्ज 10%, तो आपको मार्केट रेट भी दिया हुआ है और सिमिलर टर्म, समझो ये 5 ईयर का लोन दिया आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट, मार्केट में यही 5 साल के लिए अगर वो इंटरेस्ट पे लोन देता तो ही नॉर्मली चार्जेस 10%। सो नाउ फॉर बजाज आलियंस ये लोन क्या हो जाएगा, एक फाइनेंशियल असेट हो जाएगा विच नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, करेक्ट, एंड फॉर एम्प्लॉय तो इट बिकम्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, दैट इज ओके। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओनली वी आर डूइंग डिस्कसिंग विद द फाइनेंशियल असेट का पार्ट। सो आइडियली जो भी ट्रांजेक्शन अगर लोन दिया समझो 10,000 का, तो आई वुड हैव रिकॉर्डेड दिस ओनली अमाउंट एज माई जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है,
बजाज एलियंस ने एम्प्लॉय को लोन दिया 10,000 के लिए, वो ट्रांजेक्शन प्राइस हो गया. सो आइडियली आई वुड हैव टेकन दिस ओनली एज माय फेयर वैल्यू, बट प्रॉब्लम किधर हो रहा है कि यू आर गिविंग एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन. अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो यहाँ पे आप कुछ हिडन बेनिफिट भी दे रहे हो एम्प्लॉय को. आपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट माफ किया, यू आर गिविंग सम हिडन बेनिफिट ऑल्सो. सो हियर वी आर सेइंग वी कैनॉट रिकॉर्ड द सेम एट ट्रांजेक्शन प्राइस बिकॉज दिस इज ऑफ मार्केट टर्म्स. तो यहाँ पे आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल असेट. आपका फाइनेंशियल असेट यहाँ पे लोन है, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते आपने 10,000 का लोन दिया है. आपने 10,000 का लोन है, लोन तो कुछ और अमाउंट का होगा. ये 10,000 के अंदर आपने उनको कुछ बेनिफिट दिया है, हिडन बेनिफिट जो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए वी हैव टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन. यू कैनॉट से 10,000 है, बिकॉज आप समझो आपने किसी को 10,000 दिया, इंटरेस्ट फ्री में दिया है, ने 5 साल बाद वो आपको 10,000 ही देगा. सो हियर आपने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट माफ किया है, यू आर फॉरगिविंग द इंटरेस्ट, यू आर नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट. सो यू नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट इज बेसिकली देयर इज सम हिडन बेनिफिट. सो नॉर्मली क्या होता है, और स्पेशली ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता, व्हेन यू एंटर इनटू सर्टन, आप क्या जनरली पास करते हैं, समझो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप बोलते हैं लोन 10,000 का मैंने लोन दिया है एम्प्लॉय को और मैंने बैंक से पे कर दिया 10,000, बैंक को लोन एम्प्लॉय को लोन दे दिया, एंड आफ्टर 5 years एम्प्लॉय विल पे मी बैक, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, दैट इज 10,000. ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये होता, बट अभी अंडरस्टैंड यू आर एम्प्लॉय को आप सैलरी तो दे रहे हो, बट आप एम्प्लॉय को एक हिडन स्टाफ वेलफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हो. आप इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग स्टाफ वेलफेयर ऑल्सो. द प्रॉब्लम इज द मोमेंट यू रिकॉर्ड लोन एट 10,000, आपका जो भी आपने वेलफेयर किया है वो तो दिख ही नहीं रहा है. वेर इज द, इफ द ट्रेड यूनियन पीपल कम एंड सी द बुक्स ऑफ द अकाउंट, दे आर सेइंग वेयर इज द एम्प्लॉय वेलफेयर. आप बोल रहे हो कि नहीं, वी हैव गिवन, हमने 10,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो दिखाओ ना इधर कहां पे दिख रहा है आपका. वेर इज द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपको दिखना चाहिए बुक्स में, वेर इज इट विजिबल. प्रॉब्लम इज कि आपने पूरा का पूरा उसको फाइनेंशियल असेट की तरह गिना, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल असेट 10,000 का है नहीं, योर फाइनेंशियल असेट इज समथिंग एल्स. सो हियर वी आर ट्राइंग टू से कि आपका जो भी, दिस इज योर ट्रांजेक्शन प्राइस, बिकॉज द ट्रांजेक्शन प्राइस इज एज ऑफ मार्केट टर्म्स, तो वी कैनॉट से दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन. अपने को फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसी अगर समझो कि इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया था, इंटरेस्ट के साथ दिया होता, देन वी गुड हैव सेड कि नो इट इज ऑन नॉर्मल मार्केट टर्म्स. ओपन अगर ये समझो एम्प्लॉय को 10% इंटरेस्ट पे दिया होता, तो वी गुड हैव सेड नो इट इज ऑन मार्केट, आई कैन टेक द ट्रांजेक्शन प्राइस एज द फेयर वैल्यू. बट हियर सिंस द ट्रांजेक्शन इज ऑफ मार्केट टर्म्स, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज नोन एज फेयर वैल्यू. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, अपन क्या अज्यूम करते हैं, समझो ये मैंने सिमिलर अरेंजमेंट, मैंने ये सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट कोई आउटसाइड पर्सन को दिया होता, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग, तो व्हाट आर वी डिस्कसिंग कि इनके समझो बाहर को कोई आके बोलता सिमिलर ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपने जो एम्प्लॉय के साथ ट्रांजेक्शन किया वो का वही ट्रांजेक्शन आप बाहर वालों के साथ कर रहे हो. बाहर वाला क्या बोलता, लिसन आई विल नॉट पे यू इंटरेस्ट इन 5 years, मैं आपको कुछ भी इंटरेस्ट देने नहीं वाला हूं, बट आई विल पे यू बैक 10,000 on the end of the duration, that is 5th year. So today how much you will pay, see the terms and conditions are same jo apne employee ke sath enter kiya, interest nahi milega, 5 saal baad aapko employee dene wala hai. To ye koi bahar wala aake bolta ki boss I will not pay you any interest, I will pay you something 10,000 fixed amount dunga aapko 5 saal baad, to today how much loan would you grant. So Bajaj bolta hai this is to like lending money, you are going to give me 10,000 over here. Bajaj se this is like lending money, if you are going to, आप मुझे, आप में से लोन मांगने आए हो, आप बोल रहे हो कि आप मुझे लोन, सी अ नॉर्मल पर्सन कम्स टू बजाज, ही सेज बॉस गिव मी लोन, आई विल नॉट पे यू इंटरेस्ट, आई विल पे यू 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर. सो बजाज लाइक, अरे बॉस दिस इज लाइक पेइंग लोन फॉर यू, दिस इज लाइक लेंडिंग मनी, इफ यू आर गोइंग टू पे मी आफ्टर 5 years, तो आई विल गिव यू लोन ओनली दैट मच, दैट इज सफिशियंट टू अर्न नॉर्मल मार्केट रिटर्न. बजाज बोलते मैं तो कोई धर्मशाला नहीं चला रहा हूं, ये तो मेरे एम्प्लॉयज को मैंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, बट अगर कोई बाहर वाला आके पैसा मांगेगा तो योर आई विल गिव यू द लोन, बट नॉट 10,000, बट आई विल सी टू इट कि मुझे मेरा खुद का रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना चाहिए ना. सो योर व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय लोन, ये जो एम्प्लॉय के सेम टर्म्स एंड कंडीशन का आज का फेयर वैल्यू कितना है. तो आप बोलोगे कि एम्प्लॉय इंटरेस्ट तो जीरो दे रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर समझो 10% मार्केट रेट इंटरेस्ट था 5 ईयर के हिसाब से, एम्प्लॉय तो जीरो दे रहा है, बट ही विल गिव मी 10,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर. तो प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर्स के लिए,
this comes to 0.6209. So the fair value of the loan is 6209. So what happens is ki employee ne promise kiya ki main 0 rupees dunga and 10,000 dunga after 5 years. तो कल उठ के सेम प्रोपोजल लेके एन आउटसाइड पर्सन कम्स टू मी सेम प्रॉमिस कि आई विल पे यू जीरो इंटरेस्ट बट आई विल पे यू 10,000 एट द एंड ऑफ 10,000. सो टुडे यू वोंट गिव हिम 10,000 बट आप खाली उसको 6209 का ही दोगे. दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ लोन. सो टेकिंग सेम सिचुएशन जो एम्प्लॉय के साथ सिचुएशन है सेम आप बाहर वाले के साथ देखो वुड यू हैव एंटर्ड इन द सेम ट्रांजेक्शन. अगर ये मार्केट टर्म्स में प्रॉपर नॉर्मल मार्केट टर्म्स में होता कोई आउटसाइड पर्सन आके ये सेम प्रोपोजल देता तो यू वुड हैव टोल्ड हिम आई वुड हैव गिवन यू ओनली 6209 बिकॉज आई वुड गेन समथिंग. मेरा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कवर होना चाहिए. सो हियर कैन से कि जो एम्प्लॉयज को आपने लोन भले 10,000 का दिया है बट एक्चुअली फेयर वैल्यू ऑफ द लोन इसमें से खाली 6209 ही है. जो डिफरेंस आ रहा है 3791 दिस इज द एम्प्लॉय वेलफेयर बेनिफिट दैट यू आर गिविंग विच आइडियली इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. वो आपके लोन के अकाउंट में इट शुडंट बी कैपिटलाइज्ड इन द फाइनेंशियल असेट. सो व्हाट आर वी डूइंग बिकॉज द मार्केट वॉज ऑन ऑफ मार्केट टर्म्स. तो आपने क्या किया आपने देखा कि बाहर वाला सेम ट्रांजेक्शन करेगा तो वो मैं उसको कितना दूंगा तो आई कंपेयर इट विद द सेम जो मैंने इंटरनल मैंने एम्प्लॉयज को दिया कि एम्प्लॉयज ने क्या बोला आई वोंट गिव यू एनीथिंग टुडे बट 10,000 में दूंगा 6 आपको ये रेट के बाद. तो मैंने वही एम्प्लॉय लोन को सेम मैंने जब दूसरे वालों को दूंगा तो मैंने फेयर वैल्यू निकाला. फेयर वैल्यू केम टू 6209. इफ समवन टुडे कम्स सम आउटसाइड पर्सन टुडे कम्स टू मी टेल्स मी दैट आई वोंट पे यू इंटरेस्ट बट आई विल पे यू आफ्टर 5 इयर्स 10,000 सो आई वोंट गिव हिम टुडे 10,000. अगर मैं इसको 10,000 दूंगा नेक्स्ट 10 साल बाद 5 साल बाद भी 10,000 रहना तो कंपनी क्या करेगा इधर. कंपनी तो इधर बिकॉज यू आर एम्प्लॉयज तो इसलिए आपको इंटरेस्ट भी दिया. पर बाहर वालों को इफ इट इन मार्केट टर्म्स अगर ये लोन मार्केट टर्म्स में होता तो आपको 10,000 पे नहीं देता आपको वो 6209 देता एंड दिस इज द फेयर वैल्यू विच शुड बी रिकॉर्डेड. अगर ये समझो ट्रांजेक्शन लेट्स सी इफ दिस ट्रांजेक्शन वुड हैव हैपेंड इन मार्केट टर्म्स. मतलब क्या होता कि एक्चुअली एम्प्लॉय आपको 10% इंटरेस्ट भी पे करता तो इफ यू वुड हैव कैलकुलेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ लोन तो आप क्या बोलते कि एम्प्लॉय आपको 10,000 पे 10% इंटरेस्ट देता दैट इज 1,000 10% फॉर 5 इयर्स आपका 3.79 होता एंड एम्प्लॉय वुड हैव पेड यू 10,000 एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपका सो दिस वुड बी 3791 प्लस 6209 सो दिस वुड बी हाउ मच 10,000. तो नाउ यू सी If the transaction would have happened at market terms, तो then you could have said कि आपका जो भी transaction price है, आपका जो भी transaction price था 10,000, you could have said that is nothing but fair value only. But because वो off market terms पे हो रहा था, इसलिए आपको अलग calculate करना पड़ा था fair value. So again over here, since transaction if it would have happened at the fair value, if it would have happened at the market terms only. तो यू कुड हैव टोल्ड कि जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है वो फेयर वैल्यू होता. आपने कैलकुलेट करके भी देखा आपका ट्रांजेक्शन प्राइस 10,000 था आपने फेयर वैल्यू करके देखा अगर सब बराबर होता तो 10,000 नहीं था. देन यू कुड हैव सेड कि 10,000 और 10,000 सेम है बट बिकॉज यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन एट ऑफ मार्केट टर्म्स आपका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी डिफरेंट. सिंस द ट्रांजेक्शन इज नॉट हैपनिंग एट मार्केट टर्म्स वी कैन नॉट टेक द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 10,000 एज द फेयर वैल्यू ऑफ द लोन. फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट अपन नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू. अगेन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज ऑलवेज एट फेयर वैल्यू. नॉर्मली वी से फेयर वैल्यू मतलब ट्रांजेक्शन प्राइस बट ट्रांजेक्शन शुड बी नॉर्मल मार्केट टर्म्स. अगर ट्रांजेक्शन आपका ऑफ मार्केट टर्म हो गया तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस है दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग यू विल एंटर विद सम अदर पर्सन. तो वी ट्राई टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू. तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे इंस्टेड अपन ओल्ड डेज में अपन करते थे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 करते थे करेक्ट. But here now we know what is financial instrument, we know how to account for it. Upon bolenge, no, this will be loan will won't be 10,000 nahi rahega. But we would say that the fair value of loan will be recorded at 6209. Aapne employee ko diya bank se 10,000 hi diya hai. But there is an employee benefit you are doing, which is 3791. Now trade union wale aapke books aake dekhenge, wo log bolenge, haan. Now we can see there is an employee benefit of 3791. Earlier what was happening? कि वो hidden benefit था ना, वो इधर छुप रहा था. अगर आप transaction price को fair value, अगर आप fair value को transaction price पे record करते, तो पूरा का पूरा 10,000 आप financial asset में दिखा देते. कभी भी hidden benefit दिखता ही नहीं. So here because you have to show the hidden benefit also and the financial asset should be recorded fair value, तो अपन actually fair value निकालने की try करते हैं.
सो व्हाट विल हैपन, ये जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है आपका 3791 का, विच इज द हिडन एम्प्लॉय बेनिफिट, दिस विल बी रिकॉग्नाइज इमीजिएटली. इसको आप इमीजिएटली रिकॉग्नाइज कर दोगे और यू कैन इवन डेफर इट ओवर द 5 years, दैट इज अप टू यू. बट व्हाट अबाउट दिस 6209? नाउ 6209 को अपने को अकाउंटिंग करना पड़ेगा एज पर AMC. Because it is initial recognition at fair value, you will have to follow EIR method. Because क्या होगा, ये 6209 बढ़ के बढ़ते बढ़ते end year of end 5 तक 10,000 हो जाएगा and then you will get 10,000. तो you have to apply 6209. See, normally अगर ये transaction market terms में होता तो आप बोलते कि market terms और fair value same रहता तो you would say 10,000. You would say coupon rate, आपका जो भी आपका interest rate था और आपका जो भी आप interest pay करते, आपका EIR भी वही रहता, कूपन रेट भी वही रहता और आप क्लोजिंग निकालते. यूएसए सपोज मार्केट रेट कूपन रेट 10% है, कूपन रेट अपन लोन है तो लोन का इंटरेस्ट रेट समझो 10% था, EIR भी 10% होता. सो यूएसए 10,000 इंटरेस्ट आने वाला था, 1,000 आ गया है. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज 10,000 रहता, हमेशा आपका क्लोजिंग 10,000 ही रहने वाला था. सो योर व्हाट वुड हैव हैपेंड, योर वैल्यू, योर असेट वैल्यू वुड ऑलवेज बी रिमेनिंग सेम. बट प्रॉब्लम है, द मोमेंट आपने इधर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, द मोमेंट आपने ट्रांजेक्शन प्राइस को फेयर वैल्यू नहीं लिया बट यू एक्चुअली ट्राई टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, सो नाउ यू विल हैव टू अमोटाइज दिस. आपको ये 6209 को 10,000 पे लाना पड़ेगा, सो यू हैव टू अप्लाई EIR मेथड. सो वॉट हैपन्स ओवर हियर, सो अगर अगेन इफ द ट्रांजेक्शन इज एट मार्केट टर्म्स, यू नेवर रिमूव द फेयर वैल्यू एट जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है उसको अपन फेयर वैल्यू लेते. बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू, अगर अलग से फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, फिर आपको जक मार के भी EIR मेथड को फॉलो करना ही पड़ेगा. बिकॉज सी, इफ ट्रांजेक्शन प्राइस इज ओनली फेयर वैल्यू तो नथिंग इज लेफ्ट टू अमोटाइज. 10,000 वो 10,000 ही रहने वाला है, कुछ अमोटाइज. अमोटाइज मतलब क्या, यू हैव टू एडजस्ट द वैल्यू. इधर आपका क्या हो रहा था, वॉट इज अमोटाइज कॉस्ट, आपको वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा टू अचीव द EIR. बट अंडरस्टैंड ओवर हियर, इफ योर ट्रांजेक्शन प्राइस इज फेयर वैल्यू, नथिंग इज लेफ्ट टू अमोटाइज, तो अपने को ये मेथड यूज करना नहीं पड़ेगा. बट हियर सिंस यू आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू विच इज ऑफ मार्केट टर्म्स, बिकॉज इनिशियल रिकॉग्निशन आपका फेयर वैल्यू पे हो रहा है, तो आपको AMC मेथड फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू वुड रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट तो बैलेंसिंग फिगर कभी भी नहीं आएगा. बिकॉज अगर हम तो अगेन मैं वही बोला, अगर 10,000 पे रिकॉर्ड कर दिया तो कभी भी आपको 3791 का फिगर आता ही नहीं. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज एम्प्लॉय बेनिफिट जो भी रहेगा अपने को AMC के हिसाब से करना पड़ेगा. इनिशियल रिकॉग्निशन, अगेन व्हाई आर वी फॉलोइंग EIR मेथड, द ओनली रीजन वी आर फॉलोइंग EIR मेथड बिकॉज द इनिशियल रिकॉग्निशन इज हैपनिंग एट फेयर वैल्यू. अगर वो अगर इनिशियल रिकॉग्निशन मार्केट टर्म्स में होता तो आपका ट्रांजेक्शन प्राइस और आपका फेयर वैल्यू ऑफ द लोन दोनों सेम रहता, कुछ अमोटाइज करने को होता ही नहीं. यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, से ओपनिंग बैलेंस आपका 6209 आया, यू आर सेइंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अगर मैं ये मार्केट में लोन देता 10% के हिसाब से, आई शुड हैव अर्न 621, बट बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनी एम्प्लॉय एनीथिंग तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है. सो माई क्लोजिंग बैलेंस इज नथिंग बट 6830, देन ईयर टू 6830 683 बैलेंस विल कम टू 7513, 7513, 751, 8264, 8264, इधर आपका वापस 10% इंटरेस्ट, इट वुड बी 9090, एंड 9090 यू वुड हैव रिकॉर्डेड एट 910 एंड 10,000. सो नाउ यू कैन से अ कंपनी जिसने ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, वो 6209 का जो भी आपका लोन था वो बढ़ते 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 यूजिंग EIR, यूजिंग अमोटाइज कॉस्ट, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू. अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया तो वो बढ़ते 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 आपका 10,000 हो जाएगा और एम्प्लॉय आपको आके 5 साल के बाद ये 10,000 दे देगा. सो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या होगा बताएं, इफ यू यूज द EMC मेथड तो कंपनी के PNL में तो ये इनकम चला जाएगा, करेक्ट? EIR, बिकॉज व्हाट इज व्हाट PNL द रियल रिटर्न का जो भी आपका इनकम है वो जाएगा. सो व्हाट यू विल से, आपका PNL आप ओपन करोगे, आप इधर रिकॉर्ड करोगे 3791. सो समवन विल से, बॉस 3791 तो आपका इनकम है ही नहीं, बिकॉज नो एम्प्लॉय इज पेइंग यू एनीथिंग. रादर आप तो इधर एक बेनिफिट दे रहे हो, आप एम्प्लॉय को बेनिफिट करो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आना चाहिए 3791, इनकम तो कभी आ ही नहीं सकता. बट देन समवन विल से, व्हाई दिस एक्सपेंस ऑल्सो, एक्चुअली जो भी है यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द एम्प्लॉय, आपने इंटरेस्ट माफ किया, आपने पे किधर किया, किसी ने मुझे बोला कि आपने पे नहीं किया तो मैंने बोला सामने इनकम भी किधर आया है. सो हियर योर रियल एक्सपेंसेस नॉट दैट इनकम विच यू रिकॉर्ड और विच और इनकम विच यू रिकॉर्ड और एक्सपेंसिस रिकॉर्ड, एक्चुअली रियल एक्सपेंस क्या, पर आप क्या बोल रहे हो, देखो
अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से आपका 379 इनकम आया, तो समवन विल टेल भाई इनकम है कि यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, समवन इज लाइक एक्चुअली यू हैव डन एन एक्सपेंस, तो आपका 3791 का एक्सपेंस आना चाहिए, बट इधर ना मुझे कुछ आ रहा है ना मुझे कुछ पे कर रहा है, इधर नीदर आई एम रिसीविंग एनीथिंग नीदर आई एम पेइंग एनीथिंग, बट एक्चुअल में एवरी वन अग्रीज दैट 3791 का एक्चुअल तो एक्सपेंस कंपनी उठा रहा है, तो यूर अंडरस्टैंड वॉट इज द रियल कैश फ्लो, रियल एक्सपेंस इज इन द फॉर्म दैट आपने कैश फ्लो अवॉइड किया, You have forgiven the interest. See, अगर capital budgeting में देखो, अगर आप कोई cash flow को ignore कर रहे हो, that is nothing but like cash outflow only. So here also, real expenses actually जो आपका real cost 3791 आना चाहिए, is in the form that you have avoided the cash flow of 379. ये जो cash flow आना चाहिए था, वो आपने avoid किया. So this is like जो cash inflow आपने avoid किया is nothing but capital budget की language में I can say this is actually your cash outflow. कोई इनकम को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर इग्नोरिंग द कैश फ्लो, यू आर सेइंग कि एक्चुअली यू आर नॉट चार्जिंग इनकम ऑफ 3791 इज नथिंग बट यू आर डूइंग एन एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफ 3791, इट इज लाइक अपन ने फाइनेंस किया है बाय नॉट चार्जिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, सो 3791 इज एक्चुअली योर कॉस्ट विच विल बी विजिबल ओवर हियर. Now let's look at few illustrations of off-market transaction. Come on, illustration number 29, page number 13.5. A Limited has made a security deposit whose details are described below. Make the necessary journal entries for accounting of the deposit in the first year and the last year. Assume market interest for deposit for similar period is to be 12% per annum. Particulars or details. Date of security deposit starting is 1st April 11. Date of security deposit finishing is 31st March 16. That is for 5 years. Description lease. Total lease period is 5 years. Discount rate is 12%. Security deposit is 10 lakhs. And present value of the 5th year is 0.567427. So here what happens? See, market risk apne ko diya hai. Market risk for similar deposit at 12%. Here if you see, A has made a security deposit without charging any, is given interest. Basically, security deposit diya hai, but interest free liya hai. Therefore, the transaction is off market terms and fair value will have to be determined at initial recognition. So, how are we going to do it? So, we try to calculate the first thing is the fair value of security deposit at initial recognition. So, every year on security deposit, you are not going to get any income, that is zero plus. And last year mein you will get back 10 lakhs. So aapka kitna rahega? 10 lakhs into present value factor. 10 lakhs into present value factor. That is 12%. And 5th year mein apne ko aega. The present value factor is given 0.5674. So this total comes to 5,67,400. So here, when Mr. A says that I have paid security deposit of 10 lakhs, actually wo security deposit 10 lakh ka nahi hai because the transaction is off market terms. So here, when we record the security deposit entry on 1st 4/11, we will say that security deposit should be recorded at a value of only 5,67,400. Financial asset khali 5,67,400 wala hi hai, but you have paid 10 lakhs, correct? तो जो बैलेंसिंग फिगर है इन केस ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा अपन उसको कंसीडर करेंगे प्रीपेड लीज रेंट. दिस इज लाइक टेलिंग कि अपना अपन बोलते रेंट में एडजस्ट कर लेंगे, इट इज लाइक दैट कि एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट का वैल्यू कितना है 5,67,400, 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट वैल्यू नहीं है बिकॉज यू हैव गिवन इंटरेस्ट फ्री, आपने इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया. सो बाकी का बैलेंसिंग फिगर विल बी दैट इज 4,32,600 इज नथिंग बट योर prepaid rent. And then as on 31st March 12, we will record income because EIR ke hisab se aapka income record hoga, bhale aapko interest aa nahi raha hai, but as per effective EIR we'll have to record the income. So we will say security deposit account to interest income, that is how much, 5,67,400 pay 12% interest income, that is 68,088. And then as on 31st March 12 will also record rent expense. आपने जो भी ये expense को record किया है, ये जो भी prepaid का है, इसको अपने को amortize करना पड़ेगा. अभी since the security deposit of 5 years, इसको भी अपन 5 years में amortize करेंगे. So this will be rent expense account debit. और जो भी आपका prepaid आपने asset बना के रखा था, उसको धीरे-धीरे write off कर दो. तो 2 prepaid. How much? आपने कितने का बनाया था? 4,32,600. Divided by 5 years. So this will be 86,520 will be recorded as rent expense to
प्रीपेड रेंट, आर वी क्लियर? जिस साल का है उसमें रेंट रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा. सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज ये जो अबव सिक्योरिटी डिपॉजिट है, दिस इज इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट विच इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ लीज टर्म. लीज टर्म में एंड ऑफ, जैसे लीज टर्म खत्म होगा आपको 10 लाख का वापस आएगा. हेंस इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो विच शैल बी अकाउंटेड एट एएमसी. यहाँ पे इफ द ट्रांजेक्शन वुड बी एट फेयर वैल्यू तो एएम तो आपको ईआईआर का प्रॉब्लम नहीं पड़ता. बट हियर सिंस द इनिशियल रिकॉग्निशन एट फेयर वैल्यू बिकॉज ऑफ मार्केट टर्म्स, सो वील हैव टू अप्लाई ईआईआर मेथड ऑन दिस डिपॉजिट. और ये धीरे धीरे बढ़ते आपका 10 लाख हो जाएगा एंड After the end of five years, you will get the entire amount back. Are we clear? Going to the next illustration, illustration number 30. Again, this is an illustration of market terms. As a part of staff welfare measure, Vico Limited has contracted to lend its employees sum of money at 5% per annum of interest. The amount lent are to be repaid in 5 equal installments for principal along with the interest. The market rate of interest is 10% per annum for comparable loan. So again, here transactions happening at off market terms because market ka rate 10% hai, you are giving to your employees at 5%. So your transaction price cannot be taken as fair value. Apne ko fair value record karna padega. Why lent 16 lakhs to its employee on 1st Jan 2011? So why cannot record a loan of 16 lakh? Because this is off market terms. Ye transaction price apka fair value nahi ho sakta. You always say fair value pe record karna hota, but the 16 lakh is not fair value. There's a hidden benefit in form of reduced interest rate. Following the principle of recognition and measurement as laid in Ind AS 109, you are requested to record the entries. You are required to record the entries for the year ending 31st December 11 for the transaction and also compute the value of loan initially to be recognized and amortized cost for all the subsequent years. So, you have to make a whole table because they want the amortized cost for all the subsequent years. For the purpose of calculation, discounting factors at interest rate of 10% may be adopted. At the end of the year, आपको 5 साल का present value दिया है. So your loan to employees given at 5%, but market में कितना 10% चल रहा है. So ये transaction off market terms है. तो सबसे पहले अपने को fair value record करना पड़ेगा. So we will say कि साथ में interest के साथ interest तो आपको नहीं, but इधर आपका principal भी repay हो रहा है. Your principal is also being repaid in 5 equal installment. तो आपका जो भी 16 lakhs का जो आपका principal था, that is being repaid in 5 installment, मतलब 3,20,000. So now we'll try to compute the fair value जो employee को actually दिया है, उसका fair value कितना है. So how are we going to compute it? We'll say year, then interest. Now year principal का भी column आएगा, because principal भी repay हो रहा है. Total cash inflow, and we will discounting at the market rate, that is 10%. तो अपने को present value of cash flows आ जाएगा. Let's do it. Year 1. Now tell me, year 1 का interest कितना होगा? Interest will be always on जो आपका जो भी transaction price है, 16 lakhs का loan है, तो उस पर आपको interest calculate करना पड़ेगा, that is 16 lakhs into 5%. तो आपका first year का interest कितना आ जाएगा? 80,000. And you are repaying the principal also 3,20,000. सामने वाला आपको principal भी देगा 3,20,000 का, और साथ में 80,000 interest भी, 5% तो interest देने की बात हुई है, 5% they will give you. Ideally market rate is 10%, we'll get it at a discounting market value. So what will the total cash flow आपका first year में? Total cash flow आपको first year में आएगा 4 lakh. Discounting factor first year का 0.909, so first year का cash flow is 363,600. Then going to the next part, year 2. Year 2 में what will be your opening, what will be your interest? Interest आपका होगा प्रिंसिपल में से 16 लाख का जो प्रिंसिपल था, वहां से 3.2 का प्रिंसिपल आपने कम कर दिया, विच यू हैव रीपेड. सो इंटरेस्ट वोंट बी द एंटायर थिंग, बट ओनली द रिमेनिंग, दैट इज इनटू 5%. सो दिस कम्स टू 64,000. प्रिंसिपल अगेन यू विल बी पेइंग 3,20,000 ओनली. सो यू विल बी गेटिंग 3,20,000 का. तो टोटल कैश इनफ्लो कितना आ गया आपका? 3,84,000. Discounting factor for year 2 is 0.827, question में दिया हुआ है. So present value of cash inflow comes to 317,568. Coming to the third one. Third one again, how are we going to do? 16 lakh, अभी आपका 16 lakh में से 3.2 and 3.2, आपका 2 कम हो जाएगा. 16 minus 3.2 minus 3.2, उस पे 5%. That is, this will come to 48,000. Again, how much principal amount you are getting? That is 3,20,000. तो आपका total cash flow हो गया. Cash inflow 3,68,000. Present value of the third year is 0.751. This will come to 276,368. Let's do it for year 4 also. Year 4. Again, year 4 mein again 16 minus 3.2. Aapka 3 baar toh repayment ho chuka hai. Now into 5%. So this will be 32,000.
3,20,000 is the principal that you're going to get, and total cash inflow 3,52,000, 0.683, and this will be 240,416. Now coming to the next cash, last year ka cash flow, that is fifth year, you will say 16 lakhs minus, अभी आपने 3.2 का चार बार रीपेमेंट कर दिया है, इनटू उस पे 5% बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे, तो दिस विल बी 16,000. अगर आपने पांच बार रीपेमेंट कर दिया तो भी बचा कितना, ओनली 3,20,000 पे 5%, दैट इज 16,000. एंड नाउ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव 3,20,000, टोटल कैश इनफ्लो आपका 3,36,000 हो जाएगा, दिस विल बी 0.620208320. सो वॉट आर यू इमेजिनिंग कि अगर कोई आपसे बाहर वाला कोई एम्प्लॉय आके, बाहर वाला कोई थर्ड पर्सन आके वुड हैव अग्रीड विद यू एट द सेम टर्म्स कि आई विल ऑल्सो गिव यू 16 लैक्स, आई विल ऑल्सो पे यू इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आई विल ऑल्सो पे यू एट 5% कि तुम अगर मैं आपको भी अगर 5% 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से दूंगा तो आप आज कितना लोन दोगे. सो द एम्प्लॉय जो भी कंपनी है ही विल से आई वोंट पे यू, आई वोंट गिव यू अर्न एनीथिंग मोर देन लेस देन 5% बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर, थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी के साथ यू विल ऑलवेज एंटर एट फेयर वैल्यू. सो यू विल टेल हिम दैट आई विल टेक द डिस्काउंटिंग रेट ओनली 10%. सो टुडे हाउ मच लोन यू वुड गिव टू द थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, इसको एड करो, दिस विल कम टू 1,406,272. सो एक्चुअली जो लोन आप एम्प्लॉय को भी दे रहे हो दैट इज नॉट 16 लाख, लोन का अमाउंट अगर आप थर्ड पार्टी को देते सिमिलर टर्म्स में यू वुड हैव गिवन लोन ऑफ ओनली 14,06,000. हेंस दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द लोन व्हिच इज गिवन टू एम्प्लॉय. सो डिफरेंस विल बी व्हाटएवर द डिफरेंस विल बी टेकन एज एन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस. तो नाउ अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा, दिस विल हैव टू अमोर्टाइज ओवर द पीरियड. सो विल हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन टेबल. वाई, बिकॉज अपने को बोला वी हैव टू फाइंड अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर. तो अगेन ईयर अपने को टेबल बनाना पड़ेगा, ईयर वॉट इज योर ओपनिंग ई आई आर के हिसाब से आपको 10% मिलना चाहिए था, बट कूपन के हिसाब से आपको 5% ही मिल रहा है, एंड यू आर डूइंग प्रिंसिपल पेमेंट ऑल्सो. सी दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल पेमेंट आ रहा है बिकॉज यू आर पेइंग इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, वन अदरवाइज प्रिंसिपल वी नेवर कंसिडर. एंड क्लोजिंग नॉर्मली भी अपने हर समय देखा है कि लास्ट में पूरा का पूरा वैल्यू रिडीम होता है, यहाँ पे लास्ट तक वेट नहीं हो रहे, एवरी इंस्टॉलमेंट में यू आर पेइंग, यू आर रीपेइंग द एंटायर थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद ईयर वन. ईयर वन में ओपनिंग कितना रहेगा आपका, ईयर वन में ओपनिंग विल बी जो आपने अभी लोन का वैल्यू निकाला दैट इज 14,06,272. सो ई आई आर के हिसाब से इंटरेस्ट होगा 1,406,27. कूपन हाउ मच यू आर गेटिंग इन द ईयर वन, दैट इज 80,000. एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट आपने लेस कर दिया 3,20,000. So what will be your amortized cost at the end of the year one? What is amortized cost? Amount adjusted to achieve the EIR, the cost of asset and liability adjusted to achieve the EIR. So this will be 1,146,899. Similar dude for year two, ये आपका opening balance हो गया, EIR पे 10% that is 1,446,990. Coupon is 64,000, principal again repayment of 3,20,000, and your closing balance will come to 8,77,589. Then coming on to the year 3, the closing will become opening, again 10% on this will be 87,759. Opening, apna coupon interest, aap upar se table se dekh sakte ho, 48,000 aapka year 3 mein tha, principal you are repaying the same amount, and this will be 305,083. Then year 4, this will be 597,348. Then aapka ERS pe 10%, 597,335. This will be 32,000. Principal aapka hoga 3,20,000. And total aapka present value 597,348. And this will come to 305,083. Then year 5 mein your closing will become opening 305,083. EIR at the rate 10%, that will be 30,917. Interest aapka 16,000 tha, and the principal was 3,20,000. You must have repaid. So finally aapka balance ho jayega zero. It has to come zero because by the time you have done the last installment, aapne pura ka pura loan, pura ka pura paisa aapko mil gaya hai. So now jo bhi difference hai, that is difference between the 16 lakh ka wala figure and 14,06,272, that should be recorded as a staff welfare expense. Aapne employee ko 16 lakh ka loan nahi diya, aapne loan ka li 14,06,272 ka diya hai. The difference you are doing a staff welfare cost. So staff welfare aapka jo bhi rahega should be expense to PNL based on the condition
कंडीशन जो भी अटैच्ड है उस लोन के साथ, दैट इफ द बेनिफिट इमिजिएटली वेस्ट, तो पूरा का पूरा आपका जितना डिफरेंस है 16 लाख, तो जो भी एंटायर डिफरेंस है आपका, दैट इज 1,93,728 एंटायर टेक इट टू द पीएनएल. बट इफ द वेस्टिंग पीरियड इज से ओवर 5 इयर्स, तो यू स्प्रेड द एंटायर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. सो यूर अज्यूमिंग, अपन अज्यूम करते हैं कि वेस्टिंग पीरियड इज से 5 इयर्स, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट व्हाट विल द जर्नल एंट्री विल पास. सो एज ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लोन, जब आपने लोन दिया है, यू विल रिकॉर्ड लोन एज अ फाइनेंशियल एसेट, द कंपनी विल रिकॉर्ड लोन एज अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ ओनली 14,06,272, एंड से बैंक से आपको दे दिया है 16 लाख. सो वॉट विल बी द डिफरेंस रिकॉर्डेड, डिफरेंस जो आपका रिकॉर्ड होगा दैट इज नथिंग बट योर प्रीपेड स्टाफ वेलफेयर, इट्स लाइक अ स्टाफ वेलफेयर कॉस्ट ऑफ 1,93,728. सो योर बिंग जो भी आपका लोन है दैट इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी टेकन एज स्टाफ वेलफेयर कॉस्ट. एज ऑन 31st December, वॉट एंट्री यू विल रिकॉर्ड, आप बोलोगे बैंक में यू हैव रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 4 लाख, and you will record an effective, you will record an interest income, but based on EIR. EIR के हिसाब से आपका interest income कितना आ रहा है? 1,406,27. So this is the income you're going to record. And two, और बाकी amount will be taken towards your principal repayment of loan. तो बाकी amount will be adjusted towards the loan of 259,373. This will go on for your next 4 years more. And then, As on 31st December 11, you will say, जो भी आपका staff welfare expense था, वो भी आपको amortize करना पड़ेगा. So what you will do, जो भी you have said your vesting period is 5 years. So what you will do is staff welfare आप debit कर दोगे to prepaid staff welfare. You have removed from staff welfare and you have shown as an expense in PNL. How much? 1,93,728 divided by 5. That will be 38,746, and that will be 38,746, and that will be taken to PNL. Are we clear? Now, understand, in all the sums, apne jo bhi off-market terms deke, you would always want to take transaction price, hamesha apne fair value, kabhi bhi apne jo apne initial recognition start kiya tha, kidhar bhi likha nahi tha, initial recognition is a transaction price, because if they would have mentioned, if they would have said ki initial recognition should be a transaction price, to in case of off-market terms, kabhi bhi aapko hidden benefit mili nahi paega. To the standard ensures that if there's a hidden benefit, that should come, that should be visible to the users. Isse wo log bolte, agar your market normal terms pe, to aapka hamesha fair value transaction price same hi aayega. But if the transaction is off market terms, then we'll have to record the fair value at initial recognition. We cannot take the transaction price at fair value. Are we clear? Let's come on to the next illustration, illustration number 31. Container Limited provides container for use by customers for multiple purposes. The containers are returnable at the end of the service contract 3 years between Containers Limited and its customer. In addition to the monthly charge, there's a security deposit that each customer makes with the container for 10,000 per container, and such deposit is refundable when the service contract terminates. Deposits do not carry any interest. Analyze the fair value upon initial recognition in the books of customers leasing container. Market rate of interest for 3 year loan is 7%. So your customer is giving a security deposit on the containers jo wo log le rahe. Now here we have to see from the books of the customer. That customer when he's giving a security deposit is not charging any interest. Market interest rate is 7%. So now this is off market term. So we cannot say. So, जब कस्टमर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को एज अ फिक्स्ड एज अ फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करेगा, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10 लाख. इनफैक्ट अपने को इसको रिकॉर्ड, व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, इट इज 10,000. सो यू कैन नॉट रिकॉर्ड एट 10,000, बट आपको एक्चुअली फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर, वी विल से इन सच केस दैट फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट there will be zero interest, correct? Interest aapko zero rahega, plus you will be getting 10,000 into present value factor, that is, what is the market rate? 7% for 3 years. 7% aapko milega after 3. So this will be into 0.8162.
तो ये आपका हो जाएगा 8163। सो द फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एक्चुअली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का है वो खाली 8163 है, एंड बाकी जो भी डिफरेंस है दिस विल बी लाइक अ प्रीपेड लीज रेंट। सो दिस इज व्हेन यू, व्हेन द कस्टमर इज सेइंग दैट आई हैव गिवन अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 10,000, तो 10,000 इज नॉट द फाइनेंशियल असेट, एक्चुअली द फाइनेंशियल असेट खाली 8163 का है, बाकी यू आर पेइंग एज अ, आपने प्रीपेड रेंट की तरह पे किया है। सो व्हाट एंट्री यू विल रिकॉर्ड, यू विल से सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, security deposit account that is 8163 to bank, you have, though you have paid security deposit of 10,000, the difference is nothing but like prepaid lease rent which will be recorded at 1837. Are we clear? We'll record it as a lease rent thing. Coming on to the next illustration, that is illustration number 32. The shareholders of the company C provide C, so you have shareholders of C, they provide financing in the form of loan notes. Loan notes are like bond debenture. Loan notes, it's like a document which is evidencing loan ka thing. So you have given loan notes to the company C to enable it to acquire the investment and subsidy. So this person will invest in, this company will invest in subsidiaries with the same money. The loan notes will be redeemed solely out of the dividend which is received from this subsidiaries and become redeemable only when C has sufficient fund to do so. In this context, sufficient fund refers only to the dividend received from subsidiaries. Analyze the initial measurement of loan notes. Tell me, what are we going to do over? So here if you see that a loan for this particular shareholder C is a financial asset, correct? Now financial asset should be always recorded initial, should be recognized as fair value, and fair value matlab kya, present value of all the future, all the future cash flows. Now here what is happening, that ye interest free loan diya hai, because they have not spoken about interest, so we cannot take abhi interest loan, interest free loan diya hai, matlab this is off market terms. Agar off market terms hai to jo bhi transaction price hai wo to apan fair value le nahi sakte. So in this sum they have not given you numbers, but it's a theoretical concept. What are they asking, ki how will this be recorded in the books of shareholders of C and the books of C, and this clearly mentioned ki C will only give them money agar subsidy se dividend aayega. So here if you remember, agar apan, how do we measure equity share? If you have invested in equity share, agar equity share ka valuation nikalna tha, what do we do? Agar aapko yaad rahega, we remove the fair value of all the cash flows, jo dividend aane wala hai, based on some estimate we remove. Same tarike se yours, you'll have to say re-measure, aapko measure karna padega kitna dividend kab aega, and based on that measurement jo bhi value aega that will be recorded as the financial asset. And now see, understand, अगर 10 लाख का लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो जो फिनिश, जो आपका फाइनेंशियल असेट रहेगा एट फेयर वैल्यू, दिस विल बी लेस देन 10 लाख ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इंटरेस्ट फ्री है. अगर ये 8 लाख सब जो फाइनेंशियल असेट 8 लाख आया, सो 2 लाख का जो भी डिफरेंस है, 2 लाख का जो भी डिफरेंस है, सो हियर द शेयर होल्डर वोंट से आई हैव गिवन अ लोन ऑफ 10 लाख, बट एक्चुअली लोन खाली 8 लाख का रहेगा, एंड जो 2 लाख का डिफरेंस है दैट विल बी नथिंग बट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी. जैसे अपन ने पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन दिया था, हियर आल्सो दिस इज शेयर होल्डर लाइक पेरेंट एंड सब्सिडी सी है, सी इज अ कंपनी. सो हियर वी विल से what will shareholder of C say, that this is like an investment in C limited, matlab C ka investment hai, and C ke books mein what they will show, C ke books mein they will show not equity share capital, because this is not equity share capital, but this is indirect form of investment. So C kya credit karega, capital contribution from A, capital contribution from A, correct. Now let's look at the solution. What are they saying, that accordingly loan notes should be measured at the fair value plus transaction cost, being the present value of the expected future cash flow discounted using a market rate. Market mein aap interest rate jaake dekho, wo jo bhi interest rate hai, you calculate a dividend and get a discount and find out the value of equity investment. The amount and timing of the expected future cash flow should be determined on the basis of expected dividend flow from the subsidiary. Also the valuation will take the possibility of early payment, aur wo sab factor in karke aapko value of investment nikalna hai. Ek bar aapne value of investment nikal diya, that is your actually financial asset, or that is actually a financial instrument ka financial asset. The difference between the nominal value which you have granted the loan notes and the different and the actual fair value at initial, jo difference hoga wo nothing but it will be like investment from, this is like an indirect investment आपने किया है, and company will also record this as a financial, company will conversely in the books of shareholder जो investment C होगा, and being the representative of underlying A, and in this,
And since the financing is provided by the shareholder in the capacity of the shareholder, the company will credit the entire amount, jo bhi difference amount hai, that will be shown as capital contribution from shareholder C. Are we clear? Now, moving on to the next illustration, that is illustration number 33. XYZ Limited issued 480,000 के 4% redeemable preference share on 1st April 2015 at par. Interest is paid annually in arrears. The first payment of interest being amounted to 19,200 was made on 31st March 16 and it is debited directly to the retained earnings by Account India, saying dividend pay kiya apne retained earnings ko debit karke. The preference shares are redeemable for a cash amount of 7,20,000 on 31st March 2018. So here 4,80,000 ka 7,20,000 dene wale, matlab EIR won't be 4%, EIR will be something more only. The effective rate on the redeemable preference share is 18%, that aapne ko malum hi tha. 4,80,000 ka the redemption value is 7,20,000, so they have to earn something more than 4%, that is 18%. The proceeds of the issue have been recorded within equity by the accountant, as this reflects the legal nature of the shares. Now we have already seen, अब भी अपने देखा प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे डोंट हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी. अकाउंटेंट को लगा नहीं ओनर्स मतलब ओनर्स मतलब अपन बोलते थे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस इक्विटी. सो योर प्रेफरेंस जो आपने इशू किए हैं उसको भी उसने इक्विटी में ले लिया, विच इज रॉन्ग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स ओवर द नेक्स्ट टू इयर्स टू बिल्ड अप द कैश रिसोर्स टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर. Mukesh, account manager of XYZ, has been told to review the accounting of the aforesaid issue. CFO had asked from Mukesh the closing balance of preference share at the year end. If you were Mukesh, then how much balance you would have shown to CFO on analysis of the stated issue? Prepare the necessary adjusting journal entry in the books of account. Now, you know, you have studied in days, Mr. Mukesh, who is the accounting manager, considering ki usko in days ka knowledge hoga. Now, he knows that प्रेफरेंस शेयर में यर यू आर रिक्वायर्ड मैंडेटरी आपको पे करना है 4% प्रेफरेंस इंटरेस्ट एंड यू आर ऑलरेडी पेइंग इंटरेस्ट, मतलब दैट्स अ लाइबिलिटी फीचर. एंड रिडम्पशन भी यू हैव टू रिडीम आफ्टर टू इयर्स. दे हैव ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, दे विल बी इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर ओवर द नेक्स्ट टू इयर्स टू बिल्ड अप द कैश फ्लो. सो यर योर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो मैंडेटरी एंड योर रिडम्पशन ऑल्सो मैंडेटरी. सो दिस कैनॉट बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी कंपोनेंट, ये दिस कैनॉट बी क्लासिफाइड एज एन इक्विटी कंपोनेंट. नो मोर प्रेफरेंस शेयर कैन बी कॉल्ड एज इक्विटी, बट उनको अपने को फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलना पड़ेगा. एंड नाउ बिकॉज वी आर डूइंग एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड वी आर इंटेंडिंग टू होल्ड इन मेजोरिटी, तो अपने को उसको एएमसी मेथड की तरह से करना पड़ेगा. Now, using under Ind AS 2, the instrument should be classified as financial liability. Because why? Because it's a contractual obligation. Aapko pay karna hai, interest bhi pay karna hai, and you have to redeem also. So we are going to classify it over here, and we are going to account it for amortized cost using EIR of 18%. So apan kya karte hai EIR mein? We take say the year, abhi is sum mein jo bhi year hai aapka, opening balance is 4,80,000, correct? Now, we always record as per EIR. EIR ke hisab se the income should be 86,400. But you have received coupon of only 4%. So, open kya bolenge? Is that 19,200? So, now what will be a balance as on 31st March? We will say 4,80,000 was my preference share ka balance. Plus, itna unko interest dena tha. Unko itna hi diya hai. So, remaining your balance will be 5,47,200. Are we clear over here? So now what will be the balance that will be shown of the preference share? Preference share liability abhi aapka dikhega value at 5,47,200. Accountant has made many mistakes. Sabse pehle to isko equity mein classify kar diya hai. To ideally this would be classified in equity. Apne ko isko equity se nikal ke अपने को उसको प्रेफरेंस पे पहले इक्विटी में रिवर्स करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस में डालना पड़ेगा. प्रेफरेंस में अपन ये बैलेंस डालेंगे. एंड अकाउंटेंट हैज मेड अ सेकंड मिस्टेक, जो भी इंटरेस्ट था ये डेबिटेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स. ये रिटेन अर्निंग्स से नहीं होगा बिकॉज नाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट ओनर, दिस इज अ ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर. तो पीएनएल हिट होगा. तो अपन रिटेन अर्निंग से इतना अमाउंट निकाल देंगे एंड पीएनएल में वील हैव टू डेबिट दिस मच इंटरेस्ट कॉस्ट. सो जनरल एंट्री अपना क्या रहेगा, व्हाट आर वी गोइंग टू पास, वी विल से जो भी आपने इक्विटी में डाला था प्रेफरेंस शेयर को पहले उतना का पूरा अमाउंट रिवर्स कर दो. यू विल से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपका इक्विटी कंपोनेंट था दैट वी आर गोइंग टू रिवर्स इन द बैलेंस शीट एज 4,80,000. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड, 86,400 अभी तक पीएनएल में आया नहीं है. यू हैव रिकॉर्डेड आपने इंटरेस्ट इनकम जो दिया भी, आपने जो इंटरेस्ट दिया वो भी आपने रिटेन अर्निंग से निकाला, विच इज रॉन्ग. सो वी विल रिकॉर्ड फाइनेंस कॉस्ट जो आपका पीएनएल को हिट करेगा, दैट इज 86,400. और आपने जो रिटेन अर्निंग से डेबिट किया था विच इज रॉन्ग, पुट इट बैक इनटू द रिटेन अर्निंग. सो यू विल से
two retained earnings, that is equity, you will say 19,200. And finally, जो बैलेंस शीट में आपका लाइबिलिटी देखेगा, टू प्रेफरेंस शेयर. नाउ दिस विल नॉट बी सीन एज अ इक्विटी, बट दिस विल बी शोन एज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग इन द बैलेंस शीट. एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगा विच विल अपियर एट 5,47,200. सो बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी हैव टू रिवर्स. जो भी अकाउंटेंट ने मिस्टेक किया, सबसे पहला मिस्टेक इक्विटी में क्लासिफाई कर दिया था, उसको इक्विटी से निकाल के वापस उसको पूरा रिवर्स कर दो. देन शो दिस एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, दिस अमाउंट व्हिच वाज डेबिटेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, पुट इट बैक टू रिटेन अर्निंग्स, एंड दिस अमाउंट व्हिच आइडली शुड हैव गॉन टू पीएनएल एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट, वो आप पीएनएल में लेके चले जाओ. दैट्स इट. कम ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 34. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड काफी बड़ा क्वेश्चन है. दैट 5 इयर्स का वी हैव बीन आस्क्ड टू पास ऑल द एंट्रीज. लेट्स रीड द क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 34. Wheelco Limited has a policy of providing subsidized loan to its employees for the purpose of buying or building houses. Mr. X, who is the executive assistant to the CEO of Wheelco, took a loan from the company on the following terms. Principal amount is 10 lakhs. Interest rate is 4% for the first 4 lakh and 7% for the next 6 lakh. So basically, slab-wise interest calculation, yeah, that is okay. Start date is 1st Jan 2011. Tenure is for 5 years. Prepayment. फुल और पार्शियल प्रीपेमेंट एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, पूरा का पूरा पहले भी प्रीपेमेंट कर सकता है, बाद में भी कर सकता है. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन शैल बी रिकवर्ड इन 5 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब एवरी ईयरली ही विल डू 2 lakh का इंस्टॉलमेंट. 10 lakh का अमाउंट है, 2 lakh का ही पे एंड क्लियर इट ऑफ. एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड टू द 7% इंटरेस्ट बेरिंग प्रिंसिपल. द अक्रूड इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन एनुअल बेसिस. Mr. X must remain in service till the term of the loan ends. The market rate of the comparable loan available to Mr. X is 12% per annum. So here, see, market loan 12% there, but here because Mr. X is an employee, he is a CEO of Wheelco, he is getting the loan of only at 4% and 7%. So here, अगर लोन उनको 10 लाख का दे रहे, दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंशियल असेट बिकॉज द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग ऑफ मार्केट टर्म्स. अपने को निकालना पड़ेगा फेयर वैल्यू एट द इनिशियल रिकॉग्निशन, एंड जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी टेकन एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस. So following table shows the contractually expected cash flow of from the loan given to Mr. X. So they have been given you कि आपने पहले 1st Jan को 2011 को you have given them 10 lakh का loan, and then from next year ending that is 31st December 2011 you have repaid. पहले आपका 10 lakh पे interest calculate हुआ रहेगा. So on the first 4 lakh 4% के हिसाब से कितना रहेगा, that is 4 lakh पे 4%, that is 16,000, and remaining 7 lakhs पे you have to pay, sorry, remaining, and for the next 6 lakh, that is remaining 6 lakh, you'll have to pay 7%, that is 42,000. So see, first year mein aap kya kya pay karne wale ho, total interest of 42 plus 16 and plus principal also. So total aap pay karunge 2 lakh, total amount that you're going to pay is 2,58,000, and the principal outstanding will be 8 lakh. And dhire dhire karte karte, in the tenure of 5 years, he is going to repay and finish the entire loan. Now, एक चीज अपने को दिया है, मिस्टर एस प्री पेस 2 लाख ऑन 31st December 2012, मतलब इमीडिएटली इन द सेकेंड ईयर आफ्टर डूइंग ऑल द ऑब्लिगेशन. जो पे करना था वो तो पे कर दिया, उसके अलावा ही ऑल्सो प्री पे, मतलब पहले का भी उसने 2 लाख अभी दे दिया है. रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एज एन डेट टू 4 lakh. तो सेकेंड ईयर में जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 6 lakh रहने वाला था, अभी वो कितना हो गया, खाली 4 lakh रह गया. सो यर विल हैव टू रिकैलकुलेट द लोन लाइबिलिटी एंड विल हैव टू डू सम एडजस्टमेंट. सो फॉलोइंग टेबल शोज द एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम द लोन गिवन टू मिस्टर एक्स कंसिडरिंग द प्री पेमेंट. तो अभी नीचे आपको टेबल में क्या दिया है, 1st Jan को आपने 10 lakh दिया, सेकेंड फर्स्ट ईयर एंड में यू गॉट 2 lakh प्लस 42 प्लस 16, सेकेंड year ending that is 31st December 12 you got 4,28,16 and abhi second year mein aapko 2 lakhs aur extra mila. To actually aapko principal amount kitna mila second year ending mein, 4 lakhs mila. Then third year ending mein you got 2 lakh and now interest will change because abhi aapka principal amount kam ho gaya hai. So interest will be on only the first 4 lakh, that is us pe aapka khali 4 lakh ka tha, to 4 lakh pe aapka 4% that is 16,000, and last 31st December 14 ideally you would have
ओनली 2 लाख का बैलेंस, वो भी आपको पूरा प्री पे कर दूंगा, इंटरेस्ट भी 8,000 एंड नेक्स्ट ईयर तक टू डेट 31 दिसंबर 2015 विल बी नो रिकॉर्ड ओनली, बिकॉज आपने ऑलरेडी जो प्रीपेड कर दिया है. सो नाउ रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ व्हीलको लिमिटेड कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंड एस 109. वेरी इंटरेस्टिंग सम एंड वेरी इजी सम रादर आई वुड से. खाली सम का साइज बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी सम इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इनिशियल रिकॉग्निशन. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 34. Now understand, now here you are giving loan to Mr. X at the rate of 7%, 4% market mein 12% chal raha hai. So here you can say transaction is not on market terms but off market terms. Agar off market terms ho gaya, you cannot take the transaction price as the fair value. You cannot record the loan asset at 10 lakhs but actually aapko fair value nikalna padega. You would see ki yehi same loan agar aap kisi bar wale ko dete to how much you would have charged. So here what are we going to do? First let's calculate the fair value of the asset. Fair value matlab kya? Present value of all the cash inflows which are going to come. So here you will say date as on first year closing will be 31st December 11. Now let's see how much money you are getting. Aapko principal amount mil raha hai 2 lakhs ka. You are also getting interest, that is 42 plus 16. You are also getting interest of 58,000. So how much cash flow total? 2,58,000 you are getting in year 1. Discounting rate, because upon market ke saath se nikale, will discount it at the rate of 12%. So this will come to 0.8929. So your present value will come to 2,33,57. Now we go to the next year, 31st December 13. अगेन यू आर गेटिंग 2 लैक्स. जस्ट लुक फ्रॉम द टेबल. टेबल में आपको पूरा बताया हुआ कितना कैश फ्लो आ रहा है. यर वी हैव टू इग्नोर द प्री पेमेंट. जो भी ऑप्शन था वो आप इग्नोर करेंगे. मार्केट वी विल इग्नोर इट, विल कंसिडर इट लेटर. अभी के लिए वॉट इज द फेयर वैल्यू. जब ऑन डे वन यू आर गेटिंग, जब डे वन पे आपने लोन दिया तब कुछ प्री पेमेंट का एडजस्टमेंट किया नहीं था. सो एज ऑन डे वन वी ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू. सो विल इग्नोर प्री पेमेंट. सो यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 2 लैख प्लस हाउ मच यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 28 प्लस 16,44,000. सो 44,000 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. डिस्काउंटिंग रेट इज 0.7972. दिस विल कम टू 1,94,515. सिमिलरली विल डू इट फॉर 31st December 13, 14 एंड 15. हर बार आपका प्रिंसिपल पेमेंट 2 लाख है. योर इंटरेस्ट अमाउंट इज, योर इट इज 30,000, योर इट इज 16,000 एंड योर इट इज 8,000. एंड योर प्रेजेंट वैल्यू विल बी 0.7118, 0.633355 and 0.5674. You try to calculate the present value, this will come to 8,43,878. What does this mean? इसका मतलब कि आपने जो एम्प्लॉय को लोन असेट दिया है 10 लाख का, दैट इज नॉट द लोन असेट इज नॉट ऑफ 10 लाख. इनफैक्ट द लोन असेट इज ऑफ ओनली 8,43,870. बिकॉज सेम टर्म्स में कोई बार वाला के आपसे मांगता मार्केट टर्म्स में, यू वुड हैव गिवन अ लोन ऑफ ओनली 8,43,878. सो द डिफरेंस इज नथिंग बट लाइक द एम्प्लॉय बेनिफिट यू आर गिविंग या स्टाफ वेलफेयर आप मिस्टर एक्स के लिए कर रहे हो. सो सिंस द amount you have paid is 10 lakhs, the difference between the two is can be taken as a staff welfare cost or employee benefit, that is of 1,56,121. Now we'll have to pass the general entries. Year 1 pe aap general entry kya pass karunge, you will say loan asset 8,43,878. You will say interest, you will say prepaid, your, you can say staff welfare expense of 156,121 to bank 10 lakhs. And then you have to record the income, interest income also. But now that will have to be as per EIR. So, apne ko pehle pura EIR ke hisab se table banana padega. We will start with aapka first year hoga 31st Jan 2011 or 31st December 2011. You will say opening balance was 8,43,878. The interest you are supposed to charge is at the rate 12%. EIR is 12%. That is 101,265. How much is the prepayment or total payment you are doing in the first year? Is 2,58,000. So aapka how much this will be your interest, and so how much will be your closing balance? You will say 8,43,000 plus 101,625 minus 2,58,000. Closing will become 6,87,143. Next year, that is 31st December 2012. Next year mein your opening is 687,143. You will say interest again at 82,457. Aapka payment how you have done 2,44,000 and the amount closing is 525,600. Then 13, 14 and 15. This will be 525,600. Again EIR is pay will be calculated at 2,44,000.
payment, sorry, EIR is at the rate 12%, so EIR will come to 63,072. Prepayment is 2,30,000, and prepayment, nahi, repayment, I will say, and closing will come to 358,672. Then this will be closing will become opening 358,672. Again, you will calculate EIR at the rate 12%. That will be how much? That will be 43,041. That is 12%. And then you are paying how much amount of 2,16,000? So, your closing balance will be 185,713. And last will be 185,713. You will calculate EIR. And this interest will be 22,287. The payment is 2,08,000 and your balance will become nil because last tak aapka loan pura clear ho jayega. So now we are going to record interest income based on EIR. So what are we going to pass the general entries? Year 1 mein aap bolonge, you have a loan asset. You will record the loan asset at 8,43,879 and you will say prepaid employee cost. Aapne staff welfare ka aapne benefit, aapne finance kiya hai to bank. How much you have paid? 10 lakhs. So difference jo bhi rahega, that will be recorded as prepaid employee cost of 156,121. Now as on 31st December, your ending mein what entries will pass? First thing you are going to receive money from your employee. How much money you are receiving in first year? You are receiving 2,58,000. Usme se first you are going to record your interest income. And that is jo bhi aapka EIR ke hisab se tha, first year mein how much is as per EIR is? 101,265. So you will record 101,265 and you will credit to loan to employees. The amount, the remaining amount will be considered as a principal repayment, that is 156,735. Are we clear? After this, now same year mein aapko jo bhi aapka employee cost hai wo bhi aapko defer karna padega over a period of 5 years. So from prepaid, jo aapka prepaid debit kiya tha, aap udhar se nikalonge 1/5 portion of how much? आपका टोटल कितना था? 156,121 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 31,224. सो 31,224 एंड यू आर गोइंग टू रिकॉर्डेड एज योर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, एंड यू विल टेक इट टू पीएनएल ऑफ 31,224. दिस इज अ ईयर 1 का एंट्रीज. ईयर 2 पे आते, ईयर 2 में क्या हो रहा है? देयर हैव प्री पेमेंट हो रहा है 2 लाख का. द एम्प्लॉय इज पेइंग यू अगेंस्ट द अमाउंट दैट इज ड्यू आफ्टर 2-3 years, वो 2 लाख अभी से आपको पे कर रहा है. तो फर्स्ट ईयर 2 में नॉर्मल एंट्री सी, फर्स्ट नॉर्मल जो 2 लाख पे करना था वो तो कर ही रहा है एंड इज ऑल्सो प्रीपेइंग 2 लाख. सो फर्स्ट लेट्स पास द नॉर्मल जनरल एंट्रीज. फर्स्ट रियलाइज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो था एंड देन वी विल अकाउंट फॉर द प्री पेमेंट. सो एज ऑन 31st December 2012, व्हाट आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इज वी हैव गॉट कैश अमाउंट, कैश अकाउंट से अपने को कितना है पेमेंट? 2,44,000 का पेमेंट है. फर्स्ट रिकॉर्ड योर इंटरेस्ट इनकम. Your interest income, which is of 82,457, and the remaining amount will be adjusted towards the loan to employee, that is 161,543. And then you will also defer your employee benefit ka jo bhi aapka ye saal ka banta hai, you will have to record it to prepaid. Again, the same amount only, 31,224. Now we are doing the prepayment. Now understand, when you do the prepayment, problem kya hoga ki aapka abhi jo bhi loan asset ka balance dikh raha tha, now that will reduce. That will reduce by how much? Wo jo bhi difference hoga, wo apne ko factor in karna padega. So first let's calculate. Now you are on say end of year 2. Now you have only जो आपका रिमेनिंग पेमेंट है खाली 4 लाख का है, वो भी आपका 2 साल में खत्म हो जाएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ द लोन असेट. यू विल से दैट एज ऑन 31st December 2013, you will pay 2 lakh rupees, correct? Again, you are trying to calculate the fair value of the asset by discounting all the cash flows. And how much interest are you going to get now? Now, 4 lakh pay 4%, that is 16,000 interest. So, total 2,16,000 that you will going to discount by 12%. That is your 1 year mein 8,929. So, present value will come to 192,587. Again, now as on 31st December 2004, again 2 lakh ka value hai. But now interest is only at the rate 4%, that will be only 8,000. Because pehle 4 lakh pe tha, abhi 2 lakh pe khali 2 lakh pe khali aapka 4%, that is 8,000. Discounting factor is 0.7972. Present value come to 165,816. So what is the total value? Jo aapka loan asset aaj dikhna chahiye tha as on year second year end pe, it should be only 3,58,673.
बट वॉट इज योर करंट कैरिंग वैल्यू इफ यू लुक इन टू योर अमोर्टाइजेशन टेबल. अगर आप अपने अमोर्टाइजेशन टेबल देखो तो सेकेंड ईयर में एक्चुअली आपका कैरिंग वैल्यू कितना है, 5,500 to 5,600. सो हियर यू विल से कैरिंग वैल्यू इज 5,200 to 5,601 एंड द एडजस्टमेंट विच यू 5,601 बिकॉज एज पर राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आई एम टेकिंग 601. सो एडजस्टमेंट, हाउ मच एडजस्टमेंट, मतलब आपका जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट था लोन असेट का 5,250 to 6,601 था, दैट यू विल हैव टू गेट इट टू द लेवल ऑफ 358,673. एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड ऑफ 166,928. सो अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग. पता है इधर आपको 2 lakh rupees आ रहा है पर आपका फेयर वैल्यू खाली कम हो रहा है. असेट यू आर गेटिंग एन असेट ऑफ 2 lakh बट आपका दूसरा असेट खाली 166 से कम हो रहा है. सो दिस इज लाइक अ गेन टू यू बट दिस गेन यू वोंट बी रिकॉर्डिंग एज गेन. यर आपने एक एक्सपेंस है, यू आर डूइंग स्टाफ वेलफेयर, आप एम्प्लॉय को वेलफेयर सर्विस कर रहे थे, उतने से आपका एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विस कम हो गया है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये जो भी 166,298 और 2 lakh का आपको जो अमाउंट आ रहा है जो डिफरेंस है दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट. उतने से अपन प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर देंगे बिकॉज उतना वेलफेयर अपन कम कर रहे हैं. सो व्हाट जनरल एंट्री वी आर गोइंग टू पास एज ऑन सेम 31st December 2002 को द प्री पेमेंट का पार्ट वी विल पास से कैश अकाउंट डेबिट. वी विल से 2 lakh rupees आया है एंड वी आर सेइंग इतने से लोन आपका कम हो गया 166,928. 2 lakh का लोन था, 2 lakh आपको आया उससे फ्रॉम बाय कमिंग बाय इनवर्ड या कैश इनफ्लो 2 lakh का आ रहा है. आपका लोन खाली 166,920 से बाकी आपका गेन हो गया बट वी वोंट टेक इट एज अ गेन बट वी विल टेक इट एज अ रिवर्सल ऑफ द प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट. सो वी विल से इंस्टेड ऑफ शोइंग गेन वी विल से प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट. इतने से आपका कॉस्ट कम हो गया 33,072. आर वी क्लियर? नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू वंस दिस इज डन. अगेन अपने को एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा बिकॉज नाउ 2 years आर स्टिल लेफ्ट, योर इंटरेस्ट विल चेंज. सो यू अगेन हैव टू प्रिपेयर योर एम्प्लॉय एमोर्टाइजेशन कॉस्ट. आप बोलेंगे 31st December 2013 आपका पहले ओपनिंग बैलेंस अभी कितना होगा 12 का, क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग. सो यू विल से 3,58,000, यू विल से 3,58,673. दैट वॉज द ओपनिंग ऑफ 31st December 2013. देन यू विल से हाउ मच पेमेंट आपको आया टोटल. You will say total payment you have received is 2,16,000. Before that, let's calculate the interest. So, if pe interest aaya hoga at the rate of 12%, that will be 43,041. Then you have done payment of 2,16,000. So, what is the closing amount? 185,714. And then you will say 31st December 2014. Abhi 15 tak jayega bhi nahi because baad mein aapka 14 ko loan khatam ho jayega. So, you will say 185,714. Interest is 22,286. How much you have paid? 2,08,000. So your closing balance will become nil. Now what about the employee benefit cost? You started with 1,56,000. How much? आपका starting में कितना था employee benefit? आपने cost record किया था 156,121. From that already 2 तो deferral आपका हो गया. मतलब 156,121 में से आपका 31,224 दो बार आपने defer कर चुके हो. So and after that you have also reversed the balance of अभी आपने जो रिलेंटी पास किया था, यू ऑल्सो रिवर्स द प्रीपेड कॉस्ट ऑफ 33,072. अभी कितना अमाउंट बचा? नाउ इफ यू सी द अमाउंट विच इज लेफ्ट इज ओनली 66. द अमाउंट विच इज लेफ्ट जो टू डेफर इज ओनली 66,601. तो अभी 2 साल में अपन डेफर कर देंगे 30,300 एंड 30,300. सो नाउ लेट्स पास द एंट्री इन 31st December 2013 में. That is next year में क्या एंट्री पास करेंगे. वी विल से कैश अपने को अंदर आया 2,16,000 एंड वी आर गोइंग टू से फर्स्ट विल रिकॉर्ड द इंटरेस्ट इनकम एज पर न्यू एमोर्टाइजेशन टेबल दैट इज 43,041 एंड द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लोन अमाउंट दैट इज 172,959 एंड एम्प्लॉय बेनिफिट विल टेक इट टू PNL टू प्रीपेड दैट इज ऑफ हाउ मच 30,300. अभी अपन ने कैलकुलेट किया है करेक्ट. This is as per 31st December 2013. Next year, if you have to pass entry 31st December 2014, we have been asked entries for all the year. You will say cash account debit 2,08,000. First, you will record the interest as per EIR, that is 22,286. And you will say to loan to employee, that is adjusted against 187,514. And last, jo bhi aapka employee benefit tha, final deferral. एम्प्लॉय बेनिफिट PNL में चला जाएगा दैट इज 30,300 टू प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ 30,300. सो आपका लोन भी खत्म हो गया एंड योर प्रीपेड डेफरल अमाउंट इज ऑल्सो डन. आर वी क्लियर?
वेरी लेंथी सम बट इट इज अ वेरी इजी सम. अगर आपको लॉजिक पूरा कंसेप्ट पता है कि हाउ टू फैक्टर इन, इट बिकम्स अ वेरी इजी सम. आर वी क्लियर? गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, लेट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट अ फाइनेंशियल असेट वी टॉक, वी स्पोक अबाउट. नाउ व्हाट अबाउट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज? ये सब अपन ने अभी जितने भी सम किए वो सब फाइनेंशियल असेट को लेके थे. नाउ लेट्स लुक एट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू द क्लासिफिकेशन? अपन ने ऑलरेडी क्या, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आपके पास दो ही क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, दैट इज FVTPL एंड यू हैव अमोर्टाइज कॉस्ट, दैट इज AMC मेथड. हियर यू डोंट हैव FVOCI. नाउ फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दे हैव डन इज, इन लोगों ने 6 आइटम स्पेसिफाई किए. दिस 6 आइटम्स irrespective whatever happens will come in FVTPL only, and uske alawa everything will go in AMC. So first let's discuss about the specific 6 item, which item will be classified as FVTPL only if it is a financial liability. Sabse first things, derivatives. Derivatives, unless hedge accounting is possible. Agar unless hedge accounting apply to alag baat hai, derivatives mein FVTPL apply hoga. Can derivative be a financial liability also? Yes. If it is unfavorable for the company, it will become a financial liability, which we've already discussed. So this is one of the first item that will be classified as FVTPL. Kabhi bhi derivatives aa gaya, FV, agar unfavorable hai, toh has to be FVTPL method only. Liability mein, you cannot do it as per AMC. Second, held for trading liabilities. What do you understand the held for trading liabilities? This is like your short selling. You have hold the stock, आपने already बेच के रख दिया है, but now आगे जाके आपको square off करने के लिए you'll have to buy, so there's a finance, there's an obligation to buy the share. So again, if you have any such kind of liability, held for trading liability, they will always be accounted as per FVTPL. Third, liabilities which are designated, liabilities designated as FVTPL. रिमेंबर, अपने जब फाइनेंशियल असेट का देखा था, इन दी इक्विटी वाला कैटेगरी वन वी वर लेफ्ट टू डिस्कस दैट इफ एनी, बिकॉज ऑफ एनी अकाउंटिंग मिसमैच, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल असेट को डेजिग्नेट करना पड़े FVTPL, तो FVTPL होगा. यहाँ पे भी द वे, वहां पे असेट को आपने डेजिग्नेट किया था FVTPL, यहाँ पे लाइबिलिटी ऑल्सो लेव टू डेजिग्नेट FVTPL ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग मिसमैच. To correct the accounting, what is this accounting mismatch we are going to do ahead? So if any liability is designated as FVTPL only due to accounting mismatch, to apne ko karna padega. The fourth kind of category is financial guarantee. What about financial guarantee? Yeah, what is financial guarantee? Financial guarantee matlab kya? You have provided guarantee for someone, some other person. If he does not pay, you have to pay. So ideally financial liability is like a contingent liability, but because there's an obligation to pay, to standard bolta hai nahi bhai ye to financial liability ke sath record karna padega. So here what are we going to do? We will have to see the probability. Agar samjho you are trying to say ki bare the other party is very sound, kabhi bhi liability aayega nahi, why to record the liability? Standard says no. If you are very sure, matlab jo aapne financial guarantee diya uska fair value zero hoga, so record it at fair value. Every subsequent balance sheet you re-measure ki what is the value of the financial guarantee. If the party is deteriorating ya party ke payment karne ke problem aane wala hai, so aapka guarantee ka value badh jayega, that time record it. But you have to record, though you have to record it at fair value of zero, but you have to show ki bhai liability hai aapke books mein. And each balance sheet estimate will change, so as each balance sheet the estimate change, aapka fair value bhi change hota rahega. Next is contingent consideration. This we have already, this you are going to study in business combination. What is consideration? Normal upon business combination, if you take any business, so we pay purchase consideration. But now we have something that is known as contingent consideration. What is contingent consideration? That you are paying today's purchase consideration, but you are putting a condition ki after 2-3 years, I see if the company progresses, I will pay you more. So ye kya hoga? Contingent consideration hoga ki aapka samjho user base itne se badh gaya. When say Facebook acquired WhatsApp, so they acquired WhatsApp, उनको बोल के कि अगर आपका यूजर बेस और बढ़ गया, विल इशू यू मोर शेयर्स और विल गिव यू मोर कंसिडरेशन. सो नाउ हियर इज एन ऑब्लिगेशन टू पे. सो अगेन ये भी आपको उसको फैक्टर इन करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑब्लिगेशन टू पे, सो यू हैव टू फैक्टर. बट इधर आप EIR कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो. सी EIR कब होता है? जब जैसे कॉन्स्टेंट कैश फ्लो, आपको मालूम है यू कैन, द कैश फ्लोज आर सर्टन, बट हियर इफ द कैश फ्लोज आर नॉट सर्टन, यू कैनॉट डू EIR. सो एवरी टाइम पे आपको फेयर वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ कंटिजेंट कंसिडरेशन. आर वी क्लियर? एंड लास्ट इज कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट. वॉट इज कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट? विल सी इट लेटर, बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट समझो कि ये 6 चीजें अगर आ गई ना, सो इरिस्पेक्टिव वॉट एवर हैपेंस, if it is a financial liability, it has to be recorded as per FVTPL. So sir, what will come in AMC? All other liabilities you can think of, in
इन सिक्स को छोड़ के ऑल अदर लाइबिलिटीज विच यू कैन थिंक ऑफ, लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, डिपॉजिट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एवरीथिंग विल बी क्लासिफाइड एज पर अमोर्टाइज कॉस्ट प्रिंसिपल्स ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी. नाउ लेट्स लुक एट द अकाउंटिंग. हाउ आर वी गोइंग टू अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल लाइबिलिटी? जैसे अपने फाइनेंशियल एसेट का पूरा टेबल बनाया था, विल डू इट द सेम. इनफैक्ट मेनी थिंग्स आर सिमिलर, खाली जो चेंजेस है वो अपन देख लेते हैं. सो यू हैव अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, दो ही मेथड है FVTPL. सो इनिशियल रिकग्निशन, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि अभी तक कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज हैपेंस एट फेयर वैल्यू. सो इधर भी आपका फेयर वैल्यू होगा, इधर भी आपका फेयर वैल्यू होगा. देन सब्सिक्वेंट रिकग्निशन इन केस ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट, बिकॉज द मॉडल इज टू होल्ड टिल मेच्योरिटी, तो वी नेवर कंपेयर विद फेयर वैल्यू. तो ये निल आ जाएगा एंड दिस विल बी टेकन टू PNL बिकॉज FVTPL है. एंड देन व्हाट अबाउट डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है. सो योर व्हाट एवर इज द डिविडेंड इंटरेस्ट, जो भी आपका लेगा, यू विल गो टू द PNL. PNL एट व्हाट, कितना इंटरेस्ट, नॉट द कूपन रेट बट एज पर EIR. सो यू विल टेक इट टू PNL एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड एंड दिस विल बी टेकन टू PNL ओनली. इन FVTPL जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट आपको पे करने को रहेगा, दैट विल गो टू PNL ओनली. हियर व्हाट इन केस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है फाइनेंशियल असेट में, अपन क्या करते थे, वी यूज्ड टू ऐड. हियर व्हाट आर वी गोइंग टू, वी आर यूज्ड टू, वी गोइंग टू रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. और FVTPL के केस में जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहेगा वो PNL में जाएगा. वी हैव ऑलरेडी गिव गेन और लॉस भी PNL में जाता है, एवरीथिंग गोज टू PNL, तो यू टेक इट टू PNL. बट इन केस ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, जो भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा, वी आर गोइंग टू डिडक्ट. फाइनेंशियल असेट में क्या कहते हैं, वी एड इट, बट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी वी डिडक्ट. Let's look at the logic. See, you have taken a loan of say 100 rupees from the bank, okay, and bank charges you 10 rupees for the processing fee. So you will pass entry bank se aapko paisa aaya, bank account debit 100, and you will say to loan that is 100. Then you will have to pay the processing fee. So bank to aapka, aapke paas agar bank ka loan hi, to loan ke amount mein adjust karega. So loan account debit 10 to bank 10. So here if you see, जो आपका नेट लोन रिकॉर्ड हुआ है, द नेट लोन विच यू रिकॉर्डेड इज एक्चुअली 90 ओनली. सो इन असेट वॉट एवर दे चार्ज वी हैव टू पे, इसलिए अपन एड कर देते. बट यहां पर क्या हो रहा है, वॉट एवर वी आर रिसीविंग वी आर स्टिल पेइंग द चार्जेस. अपने को 100 मिल रहा है बट वी हैव टू पे द चार्जेस ऑल्सो ऑफ 10. सो योर एक्चुअली योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और लोन इज नॉट ऑफ 100, बट एक्चुअली आपका जो लोन अमाउंट है वो 90 का रहेगा. सो वील, सो योर वी आर गोइंग टू एडजस्ट, वील हैव टू रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड दैट will be recognized at a initial transaction cost. Are we clear? So in case of financial liability, when you're using AMC method, EIR bhi aapko calculate karna hi padega. Question will give you EIR. If the question does not give you, apne ko pata hai how to calculate EIR, we can use it with the help of IR. IR method se apne interpolation karke, you can also calculate EIR. So here understand, let's talk about some cases that EIR will always be calculated. So EIR will always be calculated whenever there is a gain or loss on redemption. Some jo aapka issue price tha 8863, but you are redeeming the bond at 10,000. So samajhne ki baat hai, if you have seen ki aapka coupon rate 7% hai, but here you are paying something more than 7% because you have got a issue price of 8863, you are paying them at a later 10,000. So you are paying them more. तो अगर भले आपका कूपन 7% ही होगा, सेम लॉजिक जो अपन ने फाइनेंशियल असेट में रिवर्स द एंटायर लॉजिक, वी विल हैव टू पे मोर. द पर्सन फॉर द कंपनी, द कूपन भले 7% है बट कंपनी इज गोइंग टू पे समथिंग मोर देन 7%. सो उस केस में अपने को EIR कैलकुलेट करना पड़ेगा. और इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. नाउ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका समझो था 10 रुपीज का, करेक्ट, बट यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 100. सो एक्चुअली आपने नेट लोन रिकॉर्ड करने का 90, बट टेल मी वेन एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विल यू बी पेइंग 90 ओनली और यू विल बी पेइंग 100? यू विल बी पेइंग 100. सो यहां पे अगर आप बोल रहे हो कि आपका इंटरेस्ट समझो 10% था, बट एक्चुअली इंटरेस्ट इज मोर देन 10% बिकॉज वॉट यू आर गेटिंग राइट नाउ 90, यू आर पेइंग 10 एक्स्ट्रा. जब आपको रिडेम्पशन का टाइम आएगा, द पर्सन बैंक पर्सन विल आस्क यू फॉर 100 रुपीज का लोन ओनली. बैंक बैंक आपसे 100 रुपीज ही मांगने वाला है, 10 रुपीज का चार्जेस रखा था. सो हियर व्हाट विल हैपन इज कि इन केस देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इन केस देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन, तब समझने की बात है, जो भी आपका कूपन रेट होगा और इंटरेस्ट रेट अलग ही होना है, बिकॉज
आपने अभी 90 है आपके पास, यू हैव टेकन अ लोन, भले यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 100, बट एक्चुअली यू कैन यू आर यूटिलाइजिंग ओनली 90 रुपीज एंड यू हैव टू पे देम 100, सो यू हैव गोइंग टू पे देम मोर. सो इन दैट केस योर ईआईआर विल ऑफ कोर्स बी मोर देन 10%. एंड द रेस्ट थिंग, जो भी आपका इनिशियल रिकॉग्निशन था एट फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इज सेम एज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इन फाइनेंशियल एसेट. लेट्स लुक एट फ्यू सम्स ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी. कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 35. कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 35. A company purchases its raw material from a vendor at a fixed price of 1000 per ton of steel. The payment term provides for 45 days of credit period, after which an interest of 18% per annum shall be charged. How would the creditors be classified? Now we have already known ki except ye 6 condition mein hi aapke paas option hai ki you have to calculate by FVTPL. Otherwise rest everything will be taken as amortized cost. Over here also the creditors which you have will have to be taken at amortized cost only. So in above case jo bhi aapne creditors hai for purchase of steel shall be carried at amortized cost because it does not fall under any of the 6 categories. Are we clear? And the fair value, or how are going to record the creditors at the fair value of the amount payable upon initial recognition plus interest. अगर आपको interest, अगर payment delay होगा तो आपको interest भी record करना पड़ेगा. Here fair value upon initial recognition shall be the price per ton since the transaction. Now do you think the transaction is not at market terms? They've clearly mentioned. कुछ अपने को बोला नहीं, बोला है fixed price of 1000 ton of steel, 45 days credit period. There's nothing off market. So जो भी आपका transaction price होगा वो ही आपका fair value होगा and that will be recorded as per the AMC method as a liability, as a financial liability. Are we clear? तो ट्रांजेक्शन प्राइस आप बोल सकते हो कि बिकॉज नथिंग एवरीथिंग इज ऑन मार्केट टर्म्स ओनली, तो फेयर वैल्यू ही आपका, जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना है वही आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है. हाँ, अगर ऑफ मार्केट होता तो वी माइट हैव टू कैलकुलेट इट डिफरेंटली, वी हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, बट इधर सिंस एवरीथिंग इज मार्केट टर्म्स ओनली, सो जो भी आपका ट्रांजेक्शन प्राइस है दैट विल बी टेकन एज अ मार्केट फेयर वैल्यू. कमिंग ऑन द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 36. Illustration number 36. Silver Limited has purchased 1000 ounces of gold on 10th March 2011. The transaction provides for a price payable which is equal to the market value of 100 ounces of gold on 10th April 2011 and shall be settled by issue of such number of equity shares. So you have purchased gold. Ye apna ho gaya financial derivative, settling in your own instrument. You have bought 100 ounces of gold but you don't have money to pay. Toh aapne isko kya bola? Listen, I will pay you via my shares. The transaction provides for a price payable which is equal to market value of 100 ounces of gold on 10th April 2011 shall be settled by issue of such number of equity share as it is required to settle the aforesaid mentioned transaction price at 10 per share on 10th April 2011. Whether this will be classified as liability or equity, own use exemption does not apply. Now it is very clear. Yahan pe you have entered into a derivative ki aap usko 10th April ko buy karoge. 10th March ko apne derivative mein enter kiya that 10th April I want to buy. So this is a derivative. The value is on the underlying asset, payment aaj negligible hai. So it is satisfying all the derivative condition. Now in case of a company is issuing its own derivative, so here you have to check. Agar F2F test clear ho raha hai, then only it will be classified as equity. Otherwise it will be classified as financial liability. So here the contract is resulting in issue of variable share, number of shares based on the transaction price which will be determined in future. Agar vaisa, if it is not classifying the F2F test, then this is nothing but a financial liability and that will be recorded as per amortized cost method. Are we clear? Sorry, in case of derivative, because अभी अपना डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव में स्पेशली अपने को बोला है कि डेरिवेटिव कैटेगरी यू कैन नॉट गो टू एमोटाइज कॉस्ट मेथड बिकॉज इसमें ईआईआर पॉसिबल ही नहीं है. सो डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी एज पर एफटीपीएल. सो इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन सिंस इट इज नॉट फिनिश, इट इज नॉट गोइंग टू F2F टेस्ट, तो ये आपका लाइबिलिटी होगा. फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेरिवेटिव है, सो इट बी क्लासिफाइड एज पर FVTPL. आर वी क्लियर? Now, when we were doing government grant, apne do sum choda tha because this was leading to financial instrument over here. So, the two sums which were left were actually from financial instrument will take into the consideration. So, come on illustration number 37 and illustration number 37 is based on your government grant. Okay. A Limited received from the government a loan of 50 lakh at 5% which is payable after 5 years in a bulleted payment. The prevailing market rate of interest is 12%. So market mein rate of interest 12% chala, you are getting at 5%. Interest is payable regularly at the end of each year. Calculate the amount of government grant and pass necessary journal entry. Also examine how the government grant will be realized.
So here, when you have to show the liability, financial liability, you won't show the financial liability of amount of 50 lakhs. But because the transaction is not in market terms, so aapko fair value of the liability nikalna padega, and difference will be taken shown as a government grant. So in case since AIDS Limited receiving loan from government at 5%, to on market mein interest rate kitna chal raha hai 12%. So transaction off market pe. So first let's calculate the fair value of the loan. So fair value kitna rahega? You will say interest rate kitna hai 50 pe 5%. That is the contractual cash flows is 2,50,000 is the interest. Iska we will calculate the present value annuity factor. That is at 12% and for 5 years. So this will come to 3.6047. And after 5 years, you will have to pay them 50 lakh back. Present value factor nikalo 12%, 5 years. This will come to 0.5674. So this is nothing but 37,38,175. So the person jo bhi loan record kar raha hai, Mr. A, he won't show a liability component of 50 lakhs, but wo batega ki liability of only of 37,38,175, and the difference is actually a government grant. So how are we going to record? We'll say bank account debit 50 lakhs to loan. How much is the loan amount? Is only 37,38,175, and the difference is nothing but deferred grant, that is 126,1825. Are we clear? So loan would be accounted as per amortized cost principle ke hisab se ye loan aapka badhte badhte this will reach up to 50 lakhs and baad mein aap payment kar dena. And accounting for grant, how are we going to account for the grant? Now accounting for the grant is given as per Ind AS 20, apne already kiya hua hai. So continuing with the question, facts given in the illustration, state how the grant will be recognized in the statement of P&L, assuming loan is an immediate relief measure to rescue the enterprise. Agar ye loan immediately vest hota hai, or say this is grant is for immediate rescue of enterprise, then this is grant not linked to asset but linked to us other than asset, that is we are going to link to income. So is case mein agar immediate ke liye diya hai, to entire grant will be taken to P&L immediately. Second, if the loan is for staff training expense incurred equally over a period of 4 years. So in case again the grant is not linked to asset but linked to income. So in that case, if the grant linked to income is for a future period of future expense, aap jaise jaise record karunge P&L mein, grant will also be recorded as per the same ratio. So if you're going to record the staff training expense in 4 years, to grant bhi aapka record hoga 4 years mein. Next, if the loan is to finance a depreciable asset. Now if the loan is for an asset, then you can say that asset is particularly grant is linked to asset, and jitna bhi aapka 126,185 will be recorded in the deferred grant, and that will be recognized in the P&L. But in what ratio? Depreciation. Jaise jaise aap asset ko depreciate karte rahoge, waise waise ye grant aapka amortize hota rahega. Here again in AS 20, in the tenure of the loan is irrelevant. Bhale kitna bhi saal hone wala hai, that loan is irrelevant while accounting for Ind AS 20. We have already seen Ind AS 20 jab apne kiya tha, that the term of the loan is irrelevant. We always see the grant is linked to asset or in or other than asset, and based on that we are going to do it. So deferral always happens in the ratio of expense and depreciation and not the term of the loan. This is illustration number 37. Now we are going to discuss something about loans repayable on demand. Loans repayable on demand. Now in case any kind of loan where lender can demand repayment anytime. Lender ne aapko de diya, main to bolta lender ne 10% ki jagah aapko 5% pe bhi diya, but if the lender has the option to repay, if the lender who's lending the money, he has the option to call for the loan anytime, in that case ideally if you see there'll be no hidden benefit only. Bhale 10% ka apne 5% bhi karke diya, but the person jisko apne loan diya hai, he can never utilize the loan for something else, because anytime the issuer can call for the loan, and the person will always have to keep the funds ready for redemption. Usko, he cannot use that money because kabhi bhi issuer bolega ki bhai paisa de, so how will he get the money? So ideally aapne bhale interest free loan bhi diya hai, but actually the loan is of no use because he will never be able to utilize the amount. He'll have to keep the loan amount ready whenever the issuer demands. So in that case we are going to say that there is no hidden benefit. So in case there is a loan repayable on demand,
and it should be taken as fair value will be transaction price. Even if it is a not on market terms, your fair value will always be equal to transaction price, only because the other person will not be able to use the loan, because loan is repayable on demand. So ideally there is no hidden benefit which is passed to the borrower, because borrower will always have to keep the funds ready for repayment. Jabhi bhi lender bolega payment ke liye ready karna padega. But in case loan is not repayable on demand, but date fixed nahi hai. लोन रीपेबल ऑन डिमांड नहीं है पर डेट इसका फिक्स नहीं है. से वी गेव लोन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कि ये आपका पर्पस खत्म हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू. से यू हैव गिवन अ लोन टू स्टार्टअप, यू हैव टोल्ड देम द मोमेंट यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू द लोन विल बी रीपेबल. सो हियर वंस अ प्रोजेक्ट स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, इन दिस केस वॉट विल हैपन, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग इट. तो जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा वो पैसा एक्चुअली यू कैन यूटिलाइज इट, यू कैन इन्वेस्ट इन इन द बिजनेस एंड यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग रिटर्न. सो योर वॉट विल स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है यू हैव टू प्रिडिक्ट द बेनिफिट. अगर लोन का टेन्योर नहीं, दैट डजंट मीन यू डोंट रिकॉर्ड इट, बट यू प्रिडिक्ट द बेनिफिट कि रेवेन्यू कब से जनरेट होगा. अगर आपको लगता है 8 साल बाद रेवेन्यू जनरेट होगा तो टेक द लोन टर्म ऑफ 8 इयर्स एंड डू द कैलकुलेशन. बट जस्ट बिकॉज इट्स अ स्टार्टअप यू कैन नॉट से दैट यू वोंट रिकॉर्ड और योर फेयर वैल्यू विल इक्वल ट्रांजेक्शन वैल्यू. ऐसा नहीं होगा. अगर लोन रीपेबल है, इफ लोन इज नॉट रीपेबल ऑन डिमांड बट एक डेट फिक्स नहीं किया है, बट इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट, आपको करना पड़ेगा. यू कैन नॉट टेक द ट्रांजेक्शन प्राइस एट फेयर वैल्यू, यू प्रिडिक्ट हाउ मच विल बी द लोन फॉर एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन कैलकुलेट अ फेयर वैल्यू एंड रिकॉर्ड द लायबिलिटी एट द फेयर वैल्यू और रिकॉर्ड द लोन असेट ऑन द at the fair value. Are we clear? Let's go to the next illustration, illustration number 30. KK Limited has granted an interest-free loan of 10 lakhs to its wholly owned Indian subsidiary YK. There is no transaction cost attached to the said loan. The company has not finalized any terms and conditions, including the applicable interest rate on such loan. The board of directors of the company are evaluating various options and has requested your firm to view provide your views under Ind AS in the following situation. The loan given by KK to its wholly owned subsidiary is interest free and such loan is repayable on demand. Now understand, if the loan becomes repayable on demand, to actually koi benefit hota hi nahi, to jitna bhi aapka transaction price hai, that will become your fair value. So you can record in the same way. So what have they asked? We have been given three situations. Based on the same, KK requested to suggest the accounting treatment of the above loan in the standalone financial statement of KK and YK and also in the consolidated financial statement of the group, consider interest for only 1 year for the above loan. Further, the company, first let's finish it. So we have to pass the journal entry, pehle case one lete, which is the case one that loan is repayable on demand. If the loan is repayable on demand, let's see what entries will pass in the books of KK, who is the lender, and what entries will pass in the books of YK, who is the borrower. So KK kya record karega? He will record it as a loan asset. Now since because the loan is repayable on demand, to transaction price just like wohi aapka fair value ho jayega, that will be 10 lakhs and you will pay it by bank to bank 10 lakhs. What about the in books of YK? He will normally record it bank se usko paisa aaya loan 10 lakhs and he will record directly to loan from KK, correct? 10 lakhs. Now only because this is at loan is repayable on demand, 10 lakhs. Otherwise, if the loan would not be repayable on demand, then we would have done some other calculation. Because as loan is interest free, no coupon interest will be recorded in the first year. Pura ka pura loan aapko kya bola, interest free diya hai. Further, since in that case, jo bhi aapka fair value ka transaction price, there will be no separate EIR. In conso to kya hoga, bono samne samne eliminate ho jayenge. Loan asset, loan liability will get settled samne samne, they will get it off. So koi issue nahi hoga. And as interest is not recorded only, so there will be no effect in PNL. Aisa bhi nahi ki PNL mein kuch interest recorded, was interest free loan. So no interest will be recorded, so PNL also won't be affected. Standalone bhi nahi hoga, standalone bhi PNL mein farak nahi aayega. Aapka consolidated bhi PNL mein farak nahi aayega. Now, coming on to the case 2. Let's read case 2. The said loan is interest free and will be repayable after 3 years from the date of granting such loan. The current market rate of interest of similar loan is 10%. Considering the same, the fair value at the initial recognition is 810. So they have already calculated. अपने को calculate करने की भी ज़रूरत नहीं कि fair value कितना है. Fair value तो उन्होंने already calculate करके दिया कि भले आपने 10 लाख का दिया है, but fair value of loan is only 810,150. So what are you going to pass in the books of KK? You will say loan to YK of 810,150 and you will pay
10 lakhs, the difference will be nothing, but because it's a holding is giving interest free loan to subsidy, so difference upon bolenge is nothing but investment in YK. That is 189,850. Are we clear? Whatever in the books of YK, YK will record bank se usko aaya 10 lakhs. And he will record a loan. He will record a loan from KK at the amount of 810,150. And the difference will be nothing but like a capital contribution. That is 810, capital contribution. That will be 189,850. Are we clear? And year one mein what entry we are going to pass? Year one mein we will pass loan to YK to interest income. We will record the interest income. That is on as per EIR. Up to open 810,150 pe 10% income record karenge. That is 810,150. YK will record as interest expense to loan from KK. To loan from KK, that is 810,150. In conso, no effect. Why? Because both will be set off. Ye jo bhi aapka investment in YK hai, that will be set off against the capital contribution and interest income jo bhi aapka hoga, that will be set off against interest expense. So conso mein aapka anyways koi bhi effect nahi aayega. Now coming to the next case, that is case 3. The said loan is interest free and will be repaid as and YK Limited had funds to repay the loan amount. Now here, case 3 kya hai? Loan is repayable when YK has sufficient fund. Matlab ek condition hai. So this case is very much similar to your case 2. Yahan pe aapko kya karna padega? We'll have to actually estimate a number of years when YK will have the sufficient fund. And based on that, accordingly we will solve. Agar aapko lag raha hai 5 saal mein YK ke paas hoga, 8 saal, 10 saal. So accordingly you have to factor in that and uske hisab se aapko same lines of case 2 ke hisab se karna padega. You cannot say just because we cannot predict to calculate karna padega. We'll have to predict some number of years. Because nahi to wo kya ho jayega? Kabhi, this will be like an irredeemable loan. Or this is like a something loan which will never going to come back to. So then investment record karna padega. You are sure that money is going to come back. If money is going to come back, then you predict when it is going to come. And whenever it is going to come, you have to factor in on the base on sale. Jaise jara apne 3 saal ka predict karke chale hai, accordingly aap same udhar predict karoge 10 saal ka. Here one thing you have to note that actually if you go to calculate the loan to YK, aap kya calculate karoge? 10 lakhs into present value factor of 10% 3 years. When you actually go to calculate, your value does not come to 810,50. In present value of cash flow 3 years, aapka ye 810,50 hota hi nahi, but ICI ke solution ke hisab se VS Sol ki jo question mein value diya, wo apne ko lena padega. Because otherwise, if you go to calculate the value, this value comes to 751,314. But abhi ICI ne jo apne ko value diya, apne ko wohi lena padega. We don't have an option. So we have also done as per ICI ka solution only. Are we clear? Last thing. Further, the company is also planning to grant interest-free loan from YK to KK. Abhi ulta ho gaya. YK say the interest-free loan will be coming to KK in the subsequent period. What will be the accounting of the same? Agar tino same case hua to kya rahega? So in case YK will grant loan to the KK, so if there's any difference, so instead of YK will record it as a dividend distribution and KK will record it as a dividend income. Because agar subsidy holding ko kuch bhi de raha hai, apart in the whole process, then it is considered as an equity, is considered as a dividend. Because agar equity, to YK can never give anything back to KK. But YK can only give anything to KK in the form of dividend. So in case agar YK has given an interest free loan, to jo bhi wo difference amount rahega, YK will record it as a dividend distribution and KK will record it as a dividend income in the books of KK. Are we clear? Great. Now, so again, just to revise, common market transaction mein aapke paas kya kya categories thi? We have done a sum of employer and employee. So in that case, if there is any balancing figure, what do we take it as? A staff welfare, prepaid staff welfare apan bol sakte. In case there is a landlord and tenant ka case, landlord and tenant, so what do we do the difference? We take the difference to rent expense. In case there is a government and entity mein is a difference, then we are going to take it as a government grant. In case there is a parent to subsidiary, so parent ki books mein we are going to show
पेरेंट की बुक्स में गोइंग टू शो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एंड सब्सिडी की बुक्स में वी आर गोइंग टू शो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर रिवर्स है सब्सिडी गिविंग टू पी तो इन दैट केस इन द बुक्स ऑफ पेरेंट वी आर गोइंग टू शो इट एज अ डिविडेंड इनकम एंड इन केस ऑफ सब्सिडी बुक्स वी आर गोइंग टू शो इट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. आर यू क्लियर? सो इन सच केसेस ऑल द केसेस जो अपन ने पढ़े है दिस इज द थिंग दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. आर यू क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 39. Illustration number 39. S Limited has issued redeemable preference share to the holding company. Your subsidiary S Limited has issued redeemable preference share to holding company H Limited. The terms of the instrument have been summarized below. Analyze the given situation applying the guidance in Ind AS 109 and account for this in the books of H Limited. We have to account in the books of holding limited. So your subsidiary is giving you the subsidiary is giving to holding company. They are issuing redeemable preference share. मतलब subsidiary preference share issue करेगा, holding अपने इधर से पैसे देगा. Holding subsidiary is issuing preference share. So who is going to give you money? The holding is going to give you money. Repayment. So we have been given nature is non-cumulative redeemable preference share. Repayment is redeemable after 3 years. Date of allotment 1st April. 15, date of repayment 31st March 18, total period 3 years, value of preference share issued is 5 crore, dividend rate is 0.001% per annum, matlab na ke barabar is very, this is a nominal amount, market rate of interest is 12% per annum, present value factor 0.718. So tell me, can her holding company show this particular debenture as a financial asset at the transaction price of 5 crore? No. Because the transaction is happening at off market terms, we'll have to record the financial asset. That is holding ke liye financial asset ho gaya at the fair value. So what are we going to do? Here we are going to say ki the fair value of the preference share. Abhi for interest ki case mein aapko 0.00001% as good as it's very negligible only. Plus you are going to get 5 crore back after 3 years. So present value factor at 12% for 3 years. So this comes to 0.7118 apne ko diya hua hai. So what is the actually the value of the preference share is only 3,55,90,000. So holding ki books mein jo asset hai that will be not recorded at 5 crore but will be only recorded at 3,55,90,000. So what will be the difference? अभी वी हैव जस्ट डन, अगर पेरेंट सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रहा है, एक टाइप ऑफ पेमेंट कर रहा है, तो पी विल शो इट एज एन इन्वेस्टमेंट. सो दिस अमाउंट विल बी शोन एज एन इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी एंड सब्सिक्वेंटली सच प्रेफरेंस शेयर शैल बी कैरीड एट अमोर्टाइज कॉस्ट. तो इधर क्या होगा, आपका ये अमोर्टाइज कॉस्ट हो गया, दिस विल ग्रो एट द रेट ऑफ 12% एज पर EIR एंड 5 lakh हो जाएगा एंड आफ्टर 3 years द सब्सिडी विल पे यू बैक. सो इफ यू हैव टू प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन टेबल, you will say 31st March 16, you say the balance was 3 crore, opening balance was 3,55,90,000, EIR ke hisab se 12% is 42,70,800, so your closing balance will become 3,98,60,800. So dheere dheere karte karte 31st March 17 and 31st March 18, if you do the calculation, this will ultimately reach to 5 crores. And what will happen? Subsidy will pay you 5 crores. Let's do the journal entries also. If you have to pass journal entries in the books of H, first thing what you will going to record, you will say redeemable preference share of 3,55,90,000. And we have paid to the subsidy for this subscribing to the preference share of 5 crore. And the difference will be taken shown as investment in your subsidiary, that is equity portion. This will be shown as an equity portion at amount of 1,44,10,000. Correct? Then what will happen? We are going to record every year interest income, or because interest income aa nahi raha hai, because it's 0.001%. So this will keep adding to your cost of the asset. This is like, yeah, what is amortized cost? Amortized cost will adjust the cost of the asset or the liability, asset in our case, to achieve EIR. So next year, that is 31st March 16, year end pay, you will record interest income. What is the first year ka interest income? 42,70,800. Wo aap record karunge in the name of redeemable preference share of 42
70,800. Same you will do it for year 2 and year 3. Eventually aapka variable preferential bad jayega 50 lakhs and interest income will be recorded in this all jo 3 aapka value aayega. Are we clear? And last, as on 31st March 18, what will happen? आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अभी जो 3,55,000 से स्टार्ट कर रहा है, इट इज 5 लाख. सो नाउ यू विल गेट मनी. सो यू विल से बैंक अकाउंट डेबिट 5 करोड़ एंड जो भी आपका फाइनेंशियल असेट है एंटायर अमाउंट विल बी रिवर्स टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 करोड़. आर वी क्लियर? ग्रेट. नाउ कमिंग, दिस वॉज एन एग्जाम क्वेश्चन. दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन. मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. इलस्ट्रेशन नंबर 39 was an exam question. Now coming to the next illustration, that is illustration number 40. Even illustration number 40 is a very important question. Mark it important. It's a very easy question. Illustration number 40. QA Limited issued 10 lakhs of 8% long-term bond A series of rupee 1 each on 1st April 2016. The bond tenure is 3 years. You have issued bond. The interest is payable annually on 1st April each year. The investors expect an EIR on the loan at 10%. Q Limited wants you to suggest a suitable accounting entries for the issue of bond as per applicable Ind AS. Consider the discounting factor 3 years, 10% discounting factor is 0.751315 and 3 years cumulative discount factor is 2.48685. What is the principal value of the bond at the initial recognition at the time of issue of bond as per applicable Ind AS? First part mein they only want to know the principal, that is they want only want to know the principal value of the bond at the initial recognition. So as per Ind AS 109, jo aapne bond issue kiya, that is a financial liability, should be always recorded at fair value. If you remember, fair value at the time of initial recognition, that is the present value of the future cash flow. So we will say present value of the principal at the initial recognition. Can you say jo aapka 10 lakh ka rupees hai, that you will have to pay after present value factor, will have to pay after 3 years and giving them a 10% return. So 0.751315, to principal value of bond kitna ho gaya 751315, that is the principal value of the bond in the initial recognition. Second, what is the present value of the interest payment to be recognized as a part of the sale price of the bond? So present value of interest at initial recognition, that will be how much aapka, aap kitna interest pay karne wale, 10 lakh pe. Interest is always on the face value, that is contractually agreed. 10 lakhs pay 8%, that is 80,000 into present value annuity factor, that is 10% for 3 years. Already be given 2.48685. Diya hua hai aapko, to wo hi aapko value leni padegi. That is 2.4685. तो आपका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 1,98,948. सो व्हाट इज द बॉन्ड लायबिलिटी एट इनिशियल रिकॉग्निशन? कैन आई से दिस अमाउंट प्लस, कैन आई डायरेक्टली से दिस अमाउंट इज नथिंग बट माय बॉन्ड वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन. सो बॉन्ड लायबिलिटी, योर बॉन्ड लायबिलिटी एट इनिशियल रिकॉग्निशन इज नथिंग बट 1,98,948 जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी है और जो प्रिंसिपल का लायबिलिटी मिला के इट कम्स टू 9,50,263. डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे करते, यू वुड हैव डन 10 लाख, दोनों को साथ में कैलकुलेशन करते थे, 0.75315 प्लस 80,000 इनटू 2.4865, सेम थिंग डायरेक्टली आपका आता 9,50,263. What is the proceeds of the sale of the bond to be recognized at the time of initial recognition? That is 950,263. And what is the accounting entry to be passed at the time of accounting for payment of interest for the first year? The first year, what are we going to pass entry? We will say interest expense, that is as per amortization table ke hisab se 90,263 pay 10%, that is 95,026. But you have paid an interest at the coupon rate of only 80,000. The remaining difference will add it, will add your value of liability. Wo apna amortized cost ho jayega to bond liability. Ye bond liability ki value mein aapka add ho jayega. Are we clear? So in the question, we are not specifically given the issue price. Apne ko kuch issue price ka bola nahi hai. Agar example, and if you look at the four things what they have asked, apne ko issue price ka requirement aise bhi nahi hai. But if the, but suppose in case agar issue aapka market terms, ye to aapka market terms pe nahi tha, because
8% का कूपन है, यू आर गेटिंग 10%, मतलब समवेयर वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग 10% फ्रॉम यू, बट योर बॉन्ड इज गिविंग ओनली 8%. मतलब आपने बॉन्ड 10 लाख का इशू किया ही नहीं होगा, इनफैक्ट आपने बॉन्ड कुछ कम वैल्यू का यूज होगा, तब जाके वो इफेक्टिवली 10% रहेगा. सो यर इफ द इशू वुड हैव बीन एट मार्केट टर्म्स, तो यू कुड हैव सेड कि जो आपका ये फेयर वैल्यू आया दिस वुड बी योर ट्रांजेक्शन प्राइस, पर आपने को पूछा नहीं, सो वी आर नॉट इवन गोइंग टू डिस्कस. इन केस द इशू प्राइस वॉज एनीथिंग अदर देन दिस, देन द बैलेंसिंग वुड हैव टू बी डन ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. अगर इसके अलावा और कुछ आपका फिगर आता, बिकॉज अगर 10% 8% कूपन बॉन्ड है और EIR 10% है, मतलब इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग दैट इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग 10% फ्रॉम यू, बट यू आर गिविंग ओनली 8%. मतलब जब आपने जब इन्वेस्टर को जब बॉन्ड इशू दिया रहेगा, तब एक्चुअली 10 लाख का बॉन्ड होगा नहीं, इन्वेस्टर मस्ट हैव गिवन समथिंग लेस, तब जाके वो 10% बना होगा. एंड इफ अमाउंट वुड हैव बीन अदर देन दिस ऑल्सो, देन जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वुड हैव डन एज पर ऑफ मार्केट टर्म्स के हिसाब से अपन एडजस्ट करने वाले थे. हाँ, देख लियो. गोइंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 41. ABC Bank gave loan to customer Target Limited that carry fixed interest rate at 10% per annum for 5-year term and 12% per annum for a 3-year term. Additionally, the bank charged processing fee 1% of the principal amount borrowed. Target Limited borrowed loan as follows, 10 lakh for a term of 5 years. Compute a fair value upon initial recognition of the loan in the books of Target and how will the process loan processing fee will be accounted. So here ABC ne loan diya, Target is a person who has got the loan. So Target Limited has borrowed, is so here we have two loans, 10 lakh for the term of 5 years and 8 lakh for the term of 3 years. So your Target has totally borrowed 8 lakh rupees and he has also borrowed 10 lakh. Since both borrowing will be treated as a financial liability which will be classified, अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अगर नॉर्मल लोन है, यू कैन नॉट डू FVTPL, यू हैव टू डू इट वाया AMC ओनली. सो AMC में इनिशियल रिकग्निशन क्या रहता था, इनिशियल रिकग्निशन वाज ऑलवेज फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सो अनलेस गिवन द ट्रांजेक्शन प्राइस इज द फेयर वैल्यू ओनली एंड द ट्रांजेक्शन इज अज्यूम टू बी एट मार्केट टर्म, कुछ भी नहीं दिया है, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बिलीव दैट the transaction price is of fair value because we are going to assume ki transaction aapka market terms pe hi hai, isliye we can easily take the fair value as 8 lakhs or 10 lakhs respectively. This is 10 lakhs since in the question nothing is given ki market terms pe hai ki nahi, we always assume ki market terms pe hai, to fair value jo bhi aapka transaction price hai, in case of 8 lakhs so we are going to take 8 lakhs only and 10 lakhs only as the fair value. But now here there is a processing fee also of 1%, so 1% processing fee apne ko principal se reduce karna padega to arrive at the value of initial recognition. So jo aapka 5 year ka loan hai, that is of 10 lakhs, we will say 10 lakhs minus 1%. तो 10 लाख का 1% हो गया आपका 10,000, सो योर इनिशियल रिकग्निशन लोन विल बी एट 9,90,000. व्हाट अबाउट अ 3-year टर्म लोन, द 3-year टर्म लोन जो आपने 8 लाख पे रिकग्नाइज किया, 8 लाख माइनस 1% विल बी 8,000, तो योर 3-year लाख का लोन विल बी रिकग्नाइज एट 7,92,000. आर वी क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन में आपका प्रोसेसिंग फी दिया है, वेन एवर अमाउंट, सी अंडरस्टैंड, द अमाउंट यू आर रिसीविंग इज लेस देन द अमाउंट यू आर गोइंग टू पे, यू आर रिसीविंग ओनली 9,90,000, पर आपको जब लोन रीपेमेंट करने का टाइम आएगा, यू हैव टू पे, इनफैक्ट आपको पे करना पड़ेगा 8 लाख. अभी 9,90,000 के केस में आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा, 7,92,000 के केस में यू आर गेटिंग ओनली 7,92,000, बट यू हैव टू पे 8 लाख. सो यहाँ पे समझने की बात है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल कम डिफरेंट बिकॉज योर कूपन रेट कैन नॉट बी EIR, द ओनली रीजन बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट है. ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गया आपका, तो समझ जाना कि वॉट यू आर रिसीविंग टूडे इज 9,90,000 ओनली, कट काट के सब काट कूट के आपके हाथ में 9,90,000, बट यू हैव टू पे 10 लाख. सो योर the amount you are paying, then the real effective rate is not the coupon rate, आपका real effective rate कुछ और ही आएगा. So here you are receiving 7,90,000. Let's take the 3-year loan का example. You are receiving something in hand at 7,92,000, but you'll have to pay 8 lakhs. So effectively, अगर आपको EIR बोला है that 12% per annum, so 5-year loan का जो आपका rate of interest, and now since we are discussing about a 3-year loan, 3-year loan का interest rate आपको 12% दिया है एंड इसका 10% दिया, तो दिस इज नॉट योर EIR. EIR अपने को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ प्रोसेसिंग फी इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन. अगर प्रोसेसिंग फी नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं होता, बट प्रोसेसिंग फी है तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग दैट यू आर रिसीविंग समथिंग लेस, यू हैव टू पे मोर. तो समझने की बात है, यू मस्ट बी
योर आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा दैट विल बी मोर, दैट विल नॉट ओनली बी 12%, बट योर इफेक्टिव रियल रेट ऑफ रिटर्न विल बी समथिंग मोर. कितने से मोर विल हैव टू कैलकुलेट. नाउ सिंस EIR इज नॉट गिवन, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू IRR मेथड बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर. व्हाट आर वी, व्हाट इज IRR मेथड? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर कैश इनफ्लोस विल बी इक्वल टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. कैश आउटफ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैश इनफ्लोस. वो क्या रेट पे रहेगा, दैट इज शुड बी योर EIR. सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? आज अगर आपने आज आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यू आर गेटिंग? 7,92,000. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? पीवीसीओ. तो अपन क्या करेंगे, अपने को ये रेट निकालना है जहां पे ये अपना इक्वल होगा, करेक्ट? सो लेट्स टेक सम ट्रायल एंड एरर के हिसाब से, सिंस अपन 12% पे थे, लेट्स टेक पीवीसीओ 12% पे क्या रहता है. सो यू विल से 12% के हिसाब से 96,000 इज द इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तो वो होगा 2.4018 एंड यू आर गोइंग टू पे 8 lakhs ऑल्सो इंटू 0.717. So as per PVCO, अगर अपन 12% लेंगे तो सी इट इज नॉट कमिंग. सो 12% तो आपका EIR है ही नहीं, बिकॉज इट विल बी समथिंग मोर. तो 12% के हिसाब से योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज कमिंग टू 8 lakhs. तो ये तो आपका हो नहीं सकता. वॉट इज EIR या वॉट इज एज पर IRR आपको कैलकुलेट करना है इफ यू डूइंग इट बाय ट्रायल एंड एरर. तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस. सो लेट्स टेक अपने को और अपने को कम करवाना है इसको, विल हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. सो लेट्स टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, अगर समझो इसको अपन 13% लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को अपन समझो से 13% के हिसाब से पकड़ते हैं. सो दिस विल बी 96,000 इनटू 2.8611 प्लस 8 lakhs इनटू 0.717. हाउ दिस इज 8%, ये आपका 2.86 कैसे आया? 13% आपने 3 year के लोन के लिए लिया. सो दिस विल कम टू 781111. तो मतलब योर इंटरेस्ट रेट लाइज बिटवीन 12 to 13%, बिकॉज 8 lakh और 7,81,000 आपका एग्जैक्ट आपको अमाउंट चाहिए 7,92,000. सो लेट्स डू इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन मतलब क्या, यू विल से जो भी आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए माइनस 12%, करेक्ट, डिवाइड बाय द इंटरपोलेशन डिफरेंस इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू आपको जो वैल्यू चाहिए, जब पे अपने को एक्स चाहिए था जो वैल्यू, माइनस 12% के हिसाब से वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 8 lakhs. सो माइनस 8 lakhs डिवाइड बाय 13%. 13% के हिसाब से आपका वैल्यू कितना है? 781111 एंड 12% के हिसाब से अगेन 8 lakhs. सो दिस विल बी एक्स माइनस 12% डिवाइड बाय 1% इक्वल टू माइनस 8000 माइनस 1889. सो लेट्स गो टू सॉल्व एक्स. एक्स विल बी नथिंग बट 8000 डिवाइड बाय 1889 इनटू 1%, और जो माइनस 12 का आपने इधर ले लिया प्लस 12%. सो योर एक्स विल बी नथिंग बट दिस विल बी 0.42% प्लस 12%, आपका एक्स आ जाएगा 12.42%. हैव इट क्लियर? नाउ इन सच केस, एक बार आपने EIR निकाल दिया, सो नाउ मेक द अमोर्टाइजेशन टेबल. ईयर वन ओपनिंग बैलेंस EIR के हिसाब से, कूपन के हिसाब से एंड योर क्लोजिंग. Year 1 में your opening balance is 792,000, EIR at the rate 12.42, so this will come to 98,366, this will come to 96,000, coupon आपका 96,000 है, closing will become 794,366. Year 2, 794,366, इस पे 12%, 12.42 will be this much, 96,000 coupon interest, that is closing हो जाएगा 797,026. Year 3, this is 797,026. Now coupon is 96,000. One thing we know कि आगे जाके आपको 8 lakh repay करना है, so this will be 8 lakh. So I can say balancing figure I will take as the interest amount. So we जो जैसे अपने 3 year के bond के लिए किया, similarly you have to do for the 5th year 5 year bond also, because 5 year का bond का भी आपका EIR won't be 10%. Because you are receiving today 9,90,000 and you'll have to pay something more at the end of the 5 year period, आपको 10 lakh पे करना पड़ेगा. So वो effectively you'll have to pay something more. तो आपका EIR 10%, real rate of return आपका 10% will be something more than 10%. What is that something? You have to do the trial and error करके अपने को EIR निकालना पड़ेगा. Are we clear? So how we calculate EIR? EIR के लिए अपन IRR पे जैसे अपन निकालते, वो ऐसे अपन EIR निकालने वाले by trial and error method. Are we clear? Coming to the next. Now let's
यू कैन डू इट फॉर द फिफ्थ ईयर बॉन्ड, फाइव ईयर बॉन्ड का सेम कैलकुलेशन आपको वापस करना है, बट इट विल बी फॉर 5 years. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट वी हैव बीन पोस्टपोनिंग इट. अपन ने जब फाइनेंशियल असेट का क्लासिफिकेशन देखा था, देयर वी हैड वन कैटेगरी दैट इन केस असेट डेजिग्नेटेड एस एफ ई टी पी एल फॉर अकाउंटिंग मिसमैच, और अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी देखा वन ऑफ द कैटेगरी इफ द असेट इज डेजिग्नेटेड एस एफ ई टी पी एल इन केस ऑफ मिसमैच. अभी वॉट इज इट एग्जैक्टली, वॉट इज अकाउंटिंग मिसमैच, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, योर अकाउंटिंग मिसमैच. नाउ अंडरस्टैंड, you want to buy a bond, ठीक है, अभी आपको bond buy करना है, you need money but you don't have money, तो what have you done, आपने market में जाके debenture issue कर दिए, that is your financial liability, and वो debenture issue के पैसा आया, you have invested that money to buy that particular bond, so you have acquired a bond that becomes your financial asset, correct? So now imagine your books of accounts, आपके books of accounts में एक आपका financial liability दिखेगा और एक आपका asset दिखेगा. Now and let's talk about only debentures first. So you have issued a debenture. Now financial liability में classification क्या करेंगे? You have only one option but AMC करना पड़ेगा, because आप FVTPL तो कर नहीं सकते, doesn't fall under those of one of the six categories. तो आपने AMC में किया. Now bond का था. Now bond का classification क्या करेंगे? Depends upon the business model. If your business model is to hold till maturity, तो आप इसको AMC करोंगे. So here you see, इधर भी AMC, ये भी AMC. So there is no mismatch at all, correct? Now even when you go to, now in this case, see in the case, अगर आपके केस में अगर समझो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपने AMC पे रखा होता, बट वॉट इफ योर फिक्स्ड योर फाइनेंशियल एसेट का बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट, यू डोंट वांट टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, बट आपको उसको समझो यू वांट टू होल्ड एंड सेल, लेंगे बेचोगे लेंगे बेचोगे. सो इन दैट केस योर क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इंस्टेड ऑफ AMC वो हो जाएगा आपका FVOCI. तो इधर प्रॉब्लम क्या होगा? सेम चीज के लिए सेम बॉन्ड सेम असेट है, बट आपका अकाउंटिंग यहाँ पे AMC के थ्रू होगा एंड यहाँ पे FVOCI के थ्रू होगा. सो दिस विल बी अ मिसमैच. तो सर हाउ इज गोइंग टू अफेक्ट बैलेंस शीट में ये ना प्रॉब्लम क्या होगा? व्हेन यू गो टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट, सी इफ यू आर फॉलोइंग AMC मेथड फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, समझो ये जीरो कूपन बॉन्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझो ये आपका जीरो कूपन बॉन्ड है, तो भले जीरो कूपन बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट आने नहीं वाला, बट AMC एज पर द इफेक्टिव इंटरेस्ट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द लाइबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आना चालू हो जाएगा. सो बिकॉज इट इज एज पर AMC, भले जीरो कूपन बॉन्ड है, भले आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, बट बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड बिकॉज यू आर फॉलोइंग AMC मेथड, EIR के हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करना चालू कर लेंगे. सो बैलेंस, सो इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड इन PNL एंड बैलेंस शीट में आपका जो वैल्यू दिखेगा ये असेट का, दैट विल बी एज पर अमोर्टाइज कॉस्ट, करेक्ट? इन केस ऑफ FVOCI जो आपका बॉन्ड है, अभी यहाँ पे तो सिंस जीरो कूपन बॉन्ड है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको 5 साल बाद, जो भी जितने साल का भी बॉन्ड आपको उसके बाद में मिलेगा. सो नो इंटरेस्ट इनकम इज रिसीवेबल एज ऑन टूडे. सो इन PNL में आपका कोई भी कुछ इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है. सी योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मैचिंग रिकग्निशन के साथ दोनों सेम होना चाहिए. यहाँ पे देखो आपका इधर इंटरेस्ट PNL में जा रहा है, बट सामने कोई इनकम PNL में जा नहीं रहा है, अगेन अ मिसमैच. एंड बैलेंस शीट में ऑल्सो द वैल्यू विच विल बी सीन, द फाइनेंशियल असेट जो आपका दिखेगा वो फेयर वैल्यू पे दिखेगा. यही एक बात अंडरस्टैंड द रीजन, आपने ये बॉन्ड क्यों, आपने लाइबिलिटी, आपने ये बॉन्ड क्यों इशू किया है? जस्ट टू परचेज दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. सो दिस वन एंड द सेम थिंग, बट दोनों, बट इफ यू सी अगर दोनों AMC फॉलो कर रहे थे, इज नो मिसमैच. बट प्रॉब्लम हो रहा था कि दे बोथ वर, इफ इन केस दिस कंपनी पर्टिकुलर असेट इज बीन हैंडल बाय FVOCI, तो अकाउंटिंग मिसमैच होना चालू हो जाएगा. कि इधर ये बैलेंस शीट अमोर्टाइज, कि आइडियली कैसा है, ये सामने सामने दोनों का सेम इफेक्ट आइडियली शुड बी सेम, बिकॉज यू हैव असेट, यू हैव परचेज द बॉन्ड एंड यू हैव बाइंग द बॉन्ड, तो आइडियली इफेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या होगा, योर बैलेंस शीट में द फाइनेंशियल लाइबिलिटी विल अपीयर एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फाइनेंशियल असेट विल अपीयर एट फेयर वैल्यू. सो हियर इज अ मिसमैच. तो अभी क्या कर सकते हैं, मिसमैच को आपको क्लियर करना है. सो इन ऑर्डर टू करेक्ट मिसमैच, व्हाट आर वी सेइंग, या तो ये AMC, अभी अगर समझो या तो ये AMC को आप चेंज करो, इसको अगर आपको ये, अगर AMC AMC तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपका इधर मिसमैच हो रहा है, इधर यू चेंज दिस AMC टू FVOCI. नाउ टेल मी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ऐसा कुछ भी क्लासिफिकेशन है FVOCI? नो, इट इज नॉट अवेलेबल. सो यू कैन नॉट चेंज इन टू FVOCI, करेक्ट? नाउ कैन नॉट बी शोन एफ, नो क्लासिफिकेशन. स्टैंडर्ड बोलता है एक काम करो, तो एक काम करो, इसको AMC पे कर लो,
If this cannot be changed, try showing this at AMC. Why you want to try showing this at AMC? Standard is saying if you want to show this at AMC, but it is not possible because agar aapka business model is to collect and sell, to kabhi bhi EIR aap calculate kar hi nahi paoge because the cash flows are not certain. And since EIR won't be calculated, to aap तो there's no meaning of showing at AMC method. Understand, bond, ये जो bond आपका है, ये 10 साल का bond है. And the debenture liability is 5 year. तो even if you want to hold till maturity, आप नहीं कर पाओगे because the moment is, ये जब liability आपका 5 years में आएगा, आपको pay करना पड़ेगा. पैसा कहाँ से आएगा? You'll have to sell this bond. So this business model will be collect and sell. आप कितना भी try करो, you cannot hold till maturity. तो one thing I know कि इसको तो मैं FVOCI convert, I cannot change it to AMC. One thing for sure, I cannot change it to FVOCI. So now only option I have, कि ये काम करो, आप इसको भी FVTPA लेके चले जाओ, इसको भी FVTPA लेके चले जाओ. Only option is to designate it both the at FVTPL. इसलिए आप देखोगे financial asset में दिखा है equity में in the FVTPL category that asset can be designated FVTPL for accounting mismatch. तो इधर आपका जो financial asset था, though it is an FVOCI category, but you have designated as FVTPL to correct the accounting mismatch and financial liability. कभी भी आपका अगर debenture bond होता है, it always is as per AMC. But if you want to correct the accounting mismatch, they give you an option to classify it as an FVTPL. So here what will happen now? The moment आपने ये bond liability and bond asset, if you are showing both of them at fair value. आप दोनों में FVTPL method use कर रहे हो, तो balance sheet में the bond will also appear at fair value and balance sheet में the bond asset will also be at fair value. तो ये तो accounting mismatch आपका clear हो गया. Now it's a zero coupon bond. Now since we are not going to follow AMC method, तो इधर कुछ effective interest rate का मगजमारी होगा नहीं and interest भी नहीं आएगा because zero coupon bond है. तो coupon भी आपका zero, तो interest will also not come and same over here also. Interest won't be recorded as we are going to receive everything in the last year. तो इधर आपका PNL में कुछ जाएगा नहीं, इधर भी आपका PNL में कुछ जाएगा नहीं. तो accounting mismatch is clear and last. जो भी आपका fair value gain and loss होगा on this bond, that will appear in the PNL. Fair value loss, gain loss, that will appear in PNL. Here also, आपका because we are following FVTPL, all the entire fair value loss or gain, वो भी आपका PNL में appear होगा. So now we can say everything is correctly matched. Income आपके income statement में बराबर जा रहा है, asset balance sheet में भी आपका बराबर जा रहा है, and the last fair value loss gain is also properly matched. Everything is matched over here. And one more thing, what problem होता है, अगर आप इसको FVOCI को भी में ही रखते, तो आपका जो fair value gain और loss होता, वो भी आपका OCI में चला जाता था. Unless you do it to FVTPL, the fair value gain and loss will go in PNL. Otherwise, अगर ये को आप FVOCI पे ही रखते, तो problem होता था, gain, fair value gain loss would also gone in OCI, which would be incorrect. So here, after designating both the asset and liability as FVTPL, your accounting mismatch is clear. Now this exercise to be only done if you can prove there is a mismatch. Agar kuch mismatch hone ke chances hi nahi hai, to you cannot do it. Aap designate nahi kar sakte. Agar aap prove kar sakte ho ki this accounting by designating this as FVTPL, aap accounting mismatch ko clear kar sakte ho, then only you are allowed to do. Otherwise, you're not allowed to designate any of the financial asset or financial liability. Let's look at an illustration. Come on, page number. Or come to illustration number 44. Once come on illustration number 42. An entity is about to purchase a portfolio of fixed rate asset that will be financed. So fixed rate asset ka aapko portfolio kharidna hai, which will be, that is a financial asset which will be financed by fixed rate debentures. That will be a financial liability. Both financial asset and liability are subject to the same interest risk that gives rise to the opposite change in the fair value that tend to offset each other. Provide your comments. So here, understand, we have a fixed rate financial asset that can be classified as either FVOCI or you can classify it as AMC, depending on the business model. Aapke upar hai. Fixed rate will be classified. Agar fixed rate bola hai, to it will be classified as amortized cost only. Correct? Jo aapka fixed rate debenture hai, that will be, one second. Over here, you have two options. या तो आप उसको FVOCI बताओ, या तो आप उसको AMC बताओ. That is your option. And in case of fixed liability, जो आपका debenture है, इसमें तो आपका कोई option ही नहीं. You have to show it AMC only. So let's take case one. अगर fixed rate asset है and fixed rate debentures है, if both are classified as AMC only,
तो इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन क्लासिफिकेशन बिकॉज इज नो अकाउंटिंग मिसमैच. अगर दोनों एएमसी पे रख रहे हो तो देन इन अगर समझो इन केस आपका बिजनेस मॉडल है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी देन यू कैन फॉलो एएमसी. योर फिक्स योर डिबेंचर्स आर ऑल्सो एट एएमसी ओनली. योर देर इज नो मिसमैच तो देन यू कैनॉट रिक्लासीफाई एज एफटीपीएल. अगेन मिसमैच को आपको प्रूव करना पड़ेगा. केस टू में लेते हैं चलो सेकेंड केस से. इन दिस केस इफ योर फिक्स रेट असेट का बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड एंड सेल सो दे विल बी क्लासिफाइड एफईओसीआई एंड आपका डिबेंचर हो जाएगा एएमसी. सो इन अबव क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू चेंज इन असेट क्या होगा इफ देयर एनी. सो व्हाट आर दे सेइंग इन द क्वेश्चन कि दोनों का फेयर वैल्यू दोनों का सेम इंटरेस्ट रेट पे है एंड एंड विल गिव राइज टू ऑपोजिट चेंज इन द फेयर वैल्यू जो एक दूसरे को ऑफसेट हो जाएगा. ऑफसेट नहीं होगा बिकॉज एएमसी के केस में कभी भी फेयर वैल्यू आप मेजर करोगे नहीं और यहां का जो भी फेयर वैल्यू होगा दैट विल बी गोइंग इन योर ओसीआई. सो इन दिस केस व्हाट आर वी गोइंग टू डू ईआईआर. तो देखो एएमसी के केस में तो आपका ईआईआर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा फॉर डिबेंचर्स एंड कूपन इंटरेस्ट फॉर इट. दिस विल अकाउंटिंग टू मिसमैच. इधर आपका मिसमैच प्रूव हो बिकॉज यू अंडरस्टैंड आपका जो एएमसी जो आपका डिबेंचर्स का लाइबिलिटी का इंटरेस्ट होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर ईआईआर बिकॉज यू आर फॉलोइंग ईआईआर बिकॉज यू आर फॉलोइंग एएमसी मेथड. बट इन एफईओसीआई जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो आपका कूपन रेट के हिसाब से जाएगा. सो इधर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा अकाउंटिंग मिसमैच का. सो नाउ दिस अकाउंट्स टू अकाउंटिंग मिसमैच एंड हेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट द मिसमैच बोथ फाइनेंशियल असेट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी विल हैव टू बी डेजिग्नेटेड टू एफटीपीएल. बिकॉज अगर ये एफईओसीआई हुआ तो प्रॉब्लम वही रहेगा कि योर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी एज पर कूपन रेट. एएमसी रहेगा तो ईआर रहेगा. फेयर वैल्यू एएमसी में आएगा ही नहीं. फेयर वैल्यू इन ओसीआई में चला जाएगा. एवरीथिंग विल बी मिसमैच. सो योर सिंस यू आर एबल टू प्रूव द मिसमैच बोथ ऑफ देम दैट इज बोथ ऑफ देम बॉन्ड असेट एंड बॉन्ड लाइबिलिटी आपको दोनों को डेजिग्नेट करना पड़ेगा एफटीपीएल में. आर वी क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट व्हिच वाज लेफ्ट और अस एंड द लास्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अकाउंटिंग फॉर इक्विटी. अपन ने अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल असेट बात कर दिया. वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटी. व्हाट अबाउट इक्विटी? नाउ इक्विटी मींस देयर इज नो क्लासिफिकेशन एफईओसीआई एएमसी या एफईटीपीएल. वहां पे कोई रिकॉग्निशन नहीं है. नो क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल फॉर एनी ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड आपका खुद का इक्विटी आप रीवैल्यू नहीं कर सकते. हैव यू सीन कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट? डू यू सी कंपनीज रीवैल्यूइंग देयर इक्विटी शेयर कैपिटल एवरी ईयर? नहीं. जो इशू के टाइम पे था वो ही रहने वाला है. जो भी डिफरेंस यू आर नेवर गोइंग टू रीवैल्यू. दिस इज बिकॉज अगेन इक्विटी कैन नॉट बी रीवैल्यूड. एंड जो भी आप वैल्यू डिटरमाइन करोंगे इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे अगेन व्हाट एवर वैल्यू गोइंग टू डिटरमाइन एट द इनिशियल रिकॉग्निशन दैट वैल्यू विल कंटिन्यू फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. एनी चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी आर इररिलेवेंट. वी आर नॉट कंसर्न ओवर हियर. तो जो भी आपका अमाउंट रहता है इक्विटी सेक्शन में दैट शुड नॉट बी रीमेजर ड्यू टू चेंज इन फेयर. भले फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है बट इक्विटी अपन कभी भी रीवैल्यू नहीं करते. वी नेवर डू इट. बट व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ इक्विटी? व्हाट इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ इक्विटी? व्हाट डू वी डू इन फाइनेंशियल असेट? अपन ऐड कर देते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, अपन लेस कर देते हैं. नाउ ट्रांजेक्शन कॉस्ट में वी हैव डिवाइडेड, वी हैव बीन गिवन टू ऑप्शन. यू फर्स्ट चेक जो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, आपका जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, इज इट फॉर अ फ्रेश इशू और इज इट फॉर अ एग्जिस्टिंग इशू? मतलब इफ योर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, अगर आप समझो आपने फ्रेश इशू इक्विटी किया तो उसके साथ आपको पैसा भी मिलेगा. सो इफ योर ट्रांजेक्शन इज फॉर द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी, इफ द ट्रांजेक्शन इज अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी, देन द सेम अमाउंट जो भी आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इक्विटी ओनली. डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी मतलब क्या हो गया? आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम. यू हैव टू डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम. बट वेर इज इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर, अगर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका एग्जिस्टिंग शेयर के लिए है तो स्टैंडर्ड सेज इन दैट केस जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है यू हैव टू टेक इट टू पीएनएल. सो ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट फ्रेश इशू समझ में आया. एग्जिस्टिंग इशू का ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल से प्रोमोटर वॉन्ट्स टू सेल इट्स शेयर. ठीक है, प्रोमोटर को सेल शेयर करना था, उसने एडवर्टाइजमेंट डाला, ही हैज एक्चुअली ही गॉट द कंपनी लिस्टेड एंड एवरीथिंग. प्रोमोटर को क्या हो गया? प्रोमोटर को अपना स्टेक बेचना था. नाउ इन ऑर्डर टू सेल द स्टेक प्रोमोटर विल हैव टू गेट द कंपनी गेट लिस्टेड. वो लिस्टिंग करने में बहुत सारा खर्चा हो जाएगा. सो यह प्रोमोटर विल सेल ऑल द शेयर्स. तो नाउ वॉट एवर ट्रांजेक्शन कॉस्ट यू आर इनकरिंग you are doing it for the existing share. company को कुछ भी पैसा नहीं आने वाला है. company को पैसा नहीं वाला, company promoter पैसा किसके पास जाने वाला है? promoter के पास. तो in that case if the transaction cost is for the existing share, जैसे अगर आपको promoter का stake बेचना है
तो इन दैट केस दे आर सेइंग बिकॉज ये कंपनी का पैसा नहीं आ रहा है, डोंट शो इट एज अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिडक्ट मत करो, बट टेक इट टू योर पीएनएल एज अ कॉस्ट। बट इन केस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेक, एग्जिस्टिंग मतलब एक्चुअली कंपनी को पैसा आ रहा है, सो हियर वी कैन से कॉस्ट इज टूवर्ड्स द इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए अमाउंट भी आप डिडक्ट करो इक्विटी में से, मतलब इक्विटी से डिडक्ट करना मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से। सो जस्ट टू समराइज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट, व्हाट डू वी डू, एफईटीएल में एफईटीपीएल होता है कि अदर कोई भी होता है, वी ऑलवेज एडेड टू द एसेट, अगर फाइनेंशियल एसेट होता है, अगर एफईटीपीएल पे होता है तो वी टेक इट टू द पीएनएल, बट एनी अदर एसेट वी ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एफईटीपीएल पे अपन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में लेके जाते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द होल लॉजिक बिहाइंड इट। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगेन इफ यू हैव एफईटीपीएल तो यू टेक इट टू पीएनएल, बट अगर आपका अमोर्टाइज कॉस्ट है तो यू डिडक्ट इट फ्रॉम द लायबिलिटी। अगर आपका अभी इक्विटी है तो इफ इट इज फ्रेश इश्यू, अगर फ्रेश इश्यू है तो यू टेक इट डिडक्टेड फ्रॉम द इक्विटी, यू डिडक्टेड फ्रॉम द इक्विटी। बट इन केस इट इज फॉर द एग्जिस्टिंग इश्यू, अगर एग्जिस्टिंग इश्यू के लिए है तो इन दैट केस वी हैव टू टेक इट टू पीएनएल ओनली, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आर वी क्लियर? नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।